आ चुके हैं आपके साथ लाइव के लिए अगले सेशन के लिए। तो वेस्टर्न आर्ट का पार्ट हमने जहाँ पे छोड़ा था आप सभी के लिए, आज वहीं से फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ पास में कर दिया पूरा जी, ठीक है। बस 2 मिनट वेट करिएगा सभी लोग, तब तक सभी लोग ऐड हो जाए, स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, उस दिन हमने बरूक तक कराया था, बरूक के पहले तक जो चीज़ें हुई थी। तो आज जो आपका स्टार्ट होगा पार्ट, बरूक कला से ही स्टार्ट होगा। तो पहले थोड़ा सा बरूक और रोकोको के बारे में जानिएगा, उसके पश्चात आगे की तरफ हम बढ़ेंगे जो हमारा मॉडर्न आ जाता है। तो आज आएगा आपका बरूक शैली, बरूक में क्या परिवर्तन हुए पुनर्जागरण के पश्चात, रीतिवाद के बाद क्या चीज़ें आईं, फिर बरूक के अंतर्गत क्या चीज़ें आईं, वो सारी चीज़ें आपकी कंटिन्यू एक एक करके आएंगे आज। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए चलते हैं। जैसे बरोक कला की तरफ हम जब चलते हैं, तो बरोक कला में क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या परिवर्तन आए, कैसे उस शैली को अपनाया गया, क्या उसमें चीज़ें देखी गई, वो सारी चीज़ें बरोक कला के अंतर्गत जिस प्रकार से आई हैं। जैसे एक तरफ से बरोक होता क्या है, तो बरोक का अगर एक शब्द कहा जाए तो बरोक का जो अर्थ होता है वो होता है अव्यवस्थित, अव्यवस्थित। बरोक का जो सिंपल अर्थ होता है, बरोक का अर्थ क्या निकलेगा, तो बरोक का अर्थ ही होता है अव्यवस्थित, मतलब जो व्यवस्थित ना हो तो वो बरोक हो जाएगा। तो उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो देखिएगा। जैसे बरोक का समय काल क्या होता है, तो आपको एक समय काल बताया गया था 16वीं सदी से लेकर 1750 तक। तो इसका समय काल जो है 1600 से लेकर के 1750 ईस्वी तक का आएगा, क्योंकि इसके पश्चात 1750 में रोकोको शैली की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अब बरोक के अंतर्गत बरोक कहाँ पे पनपा, किस देश में पनपा, किस जगह पे पनपा, इसके अंतर्गत कौन कौन से कलाकार आए, क्या सिद्धांत थे, वो सारी चीजें एक एक करके आएंगी। तो जैसे इसके अंतर्गत देखिएगा, बरोक शैली का समय काल हमने आपको बताया 1600 से लेकर के 1750 ईस्वी तक का, ठीक है। गुड मॉर्निंग, चलिए जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जी अब बैकग्राउंड से आवाज नहीं आ रही होगी, अभी भी आ रही है, गुड मॉर्निंग, उठ जाइए जल्दी जल्दी सभी लोग। ठीक है, तो देखिएगा बरोक शैली के अंतर्गत जब हम आते हैं, तो बरोक शैली की स्टार्टिंग कब होती है, तो 1600 ईस्वी का जो समय है वो बरोक शैली की स्टार्टिंग का समय। कहाँ पनपता है बरोक, तो बरोक कला जो पनपी है वो आपकी इटली में पनपी है। इटली कहाँ पे पनपी है, इटली मेन, ज्यादातर पुनर्जागरण आप पढ़ते चले आए हैं तो इटली के नगरों में, जैसे आपका फ्लोरेंस, फ्लोरेंस तो मोस्ट रहेगा, चाहे चरम पुनरुत्थान हो, चाहे रेनेसा, चाहे प्रोटोरेनेसा, वो सारे रहे। तो बरोक कला कहाँ पनपी, इटली में पनपी, कब पनपी, 16वीं सदी से 1750 तक पनपी। और इसको कहते क्या है, तो बरोक शब्द का जो अर्थ होता है सिंपल, वो होता है अव्यवस्थित। इसमें कहाँ आया, तो बरोक कला जैसे स्टार्टिंग में तो आपकी इटली में पनपी,
उसके पश्चात यही बरोक कला पूरे देश में, पूरे अन्य देशों में फैली, जैसे फ्लांडर्स भी गई, फ्रांस भी गई, स्पेन भी गई, जर्मनी भी गई। तो मतलब ये कला उठ के यहाँ से नहीं गई, उसके तत्व जैसे भारत में बंगाल शैली पढ़ते हैं, तो भारत में बंगाल शैली की स्टार्टिंग तो कलकत्ता कला विद्यालय से हुई, उसके पश्चात अन्य कला विद्यालयों में उनके छात्र जो गए वो उस प्रकार की विधा में काम करने लगे, उस प्रकार के सिद्धांतों पे काम करने लगे, तो वहां से बंगाल शैली का विस्तार हुआ। तो उसी प्रकार से सेम यहाँ की चीजें थी कि यहाँ का जो कलाकार था, बरोक शैली का जो कलाकार था, अगर यहाँ से ग्रुप में रहने के बाद में अगर कार्य करते करते कहीं अन्य चला गया कार्य करने लगा, तो वो कला क्या होती थी, अगर कोई स्पेन का कलाकार स्पेन चला गया तो कला स्पेन पहुंच गई, अगर फ्लोरेंस का है तो फ्लोरेंस पहुंच गई, जर्मनी का है जर्मनी पहुंच गई। इसी तरीके धीरे धीरे बरोक शैली जो थी स्टार्ट तो इटली में हुई थी, लेकिन आगे चल करके कुछ समय पश्चात पूरे वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व में फैल गई। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या चीजें रहेंगी, देखिएगा स्टार्टिंग ध्यान रखिएगा 1600 से 1750 ईस्वी, और कैसे पनपा और किसके द्वारा पनपा, तो यह प्रवृत्ति जो है वो माइकल एंजेलो की कला से प्रारंभ होकर राइफल की कला से होते हुए कहां से स्टार्ट हुई, तो यह प्रवृत्ति यानी कि बरोक कला जो थी यह प्रवृत्ति इसमें क्या रहा है, देखिएगा यह प्रवृत्ति माइकल एंजेलो की कला से प्रारंभ होकर माइकल एंजेलो की कला से प्रारंभ होकर राइफल की कला से होते हुए राइफल की कला से होते हुए एलग्रेको के चित्रों तक स्पष्ट हो गई थी। एलग्रेको जिसको आपने पीछे जब पढ़ा था आपने बाइजेंटाइन शैली, तो बताया था बाइजेंटाइन शैली का अंतिम कलाकार कौन था, तो बाइजेंटाइन शैली का अंतिम कलाकार बताया गया था एलग्रेको को। ठीक है, तो वही एलग्रेको की बात हो रही है कि बरोक शैली जो स्टार्ट हुई किससे स्टार्ट हुई, तो बरोक शैली माइकल एंजेलो की कला से प्रारंभ होकर राइफल की कला से होते हुए एलग्रेको के चित्रों में स्पष्ट हो गई थी, एलग्रेको के चित्रों में स्पष्ट हो गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या स्पष्ट हुआ, तो कहां से स्टार्ट हुई, कौन कौन किससे कलाकार इससे जुड़े या क्या क्या चीजें आई हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसके पश्चात जैसे और आगे जब बढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत कौन सा ऐसा कलाकार था जो इसका जन्मदाता था, मेन चीजें देखिएगा, तो माइकल एंजेलो को इस कला का जन्मदाता माना गया है। ठीक है, कि बरोक कला का जन्मदाता कौन था, अगर क्वेश्चन आ गया बरोक कला का जन्मदाता कौन था, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि बरोक कला है कहाँ की, तो इटली की है। कब स्टार्ट हुई, 1600 से 1750 ईस्वी में स्टार्ट हुई, किसकी कला से स्टार्ट हुई, आगे चल करके किसकी कला में बढ़ते बढ़ते अन्य जगहों पर गई उसके पश्चात, ठीक है, उसके पश्चात किसकी कला में समर्पित हुई, ये सारी चीजें वहां से व्यवस्थित हो गया। ठीक है, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, लग रहा है कि आप लोगों ने शेयर वगैरह नहीं किया है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर लें, तब तक जुड़ तो जाए काफी लोग। ठीक है, देखिएगा आगे बरोक कला का जन्मदाता कौन था, तो अगर क्वेश्चन आ जाता कि बरोक कला का पिता प्रारंभ करता या जन्मदाता, तो एक नाम याद रखिएगा माइकल एंजेलो, भले ही पुनर्जागरण कलाकार है पुनर्जागरण का, लेकिन इस समय काल में उसका बहुत योगदान रहेगा, उसी की कला से इसका जन्म हुआ, इसीलिए माइकल एंजेलो को इस कला का जन्मदाता माना जाता है या प्रारंभकर्ता माना जाता है। ठीक है, आवाज बहुत धीमी आ रही है, यहां से तो सारी चीजें सही है। एक सेकेंड बस वेट करिए, हम चक्कर ले रहे हैं। सही आ रही, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो देख, ठीक है, देखिए इसके पश्चात क्या चीजें, जैसे बरोक कला का जन्मदाता, आवाज सही है, थोड़ा सा अपनी वॉइस सही कर लो, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे बरोक कला का जन्मदाता या पिता अगर कभी पूछ लिया जाता है तो कौन आएगा, तो माइकल एंजेलो का नाम जो होता है बरोक कला का जन्मदाता और पिता के रूप में आता। आगे देखिएगा आप, जैसे इसके अंतर्गत आ जाए बहुत सारे कलाकार इसमें आएंगे, लेकिन अगर आ जाए कि बरोक कला का सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन था, हर एक कलावाद का हर एक समूह का कोई ना कोई सर्वश्रेष्ठ भी होता है, कोई ना कोई पिता और प्रारंभकर्ता भी होता है, तो बरोक कला का सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन था या बरोक शैली का सर्वश्रेष्ठ कलाकार, बरोक कला का सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन था, तो बरोक कला का जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार था वो था पीटर पॉल रूबेंस। कौन था? पीटर पॉल रूबेंस।
बहुत महत्वपूर्ण कलाकार रहेंगे, इनकी डिटेल आपको पढ़नी चाहिए, आगे चल के पढ़िएगा सभी लोग, ठीक है। तो कौन रहा है, बरोक कला का जन्मदाता माइकल एंजेलो, बरोक कला का सर्वश्रेष्ठ कलाकार पीटर पॉल रूबेंस, मतलब सर्वश्रेष्ठ कला किसकी रही है तो पीटर पॉल रूबेंस। आगे देखिएगा, और बरोक कला क्या था, तो इस समय जो था शास्त्रीय नियमों के बंधन को तोड़ करके अंतःकरण या अंतः प्रेरणा से कला सृजन करने की चेष्टा को या बढ़ावा दिया गया। शास्त्रीय कला के नियमों को तोड़कर, ये क्वेश्चन भी आता है, वह कौन सा कला आंदोलन है जो शास्त्रीय कला के नियमों का खंडन करता है, तो शास्त्रीय कला के नियमों का खंडन जो करेगा वो बरोक कला करेगी, क्योंकि यहाँ पर अपनी अंतः प्रेरणा का विकास किया गया था, अपने विचारों का विकास किया गया था, तो इस वाद इस शैली ने शास्त्रीय कला का विखंडन किया था, उसको नहीं अपनाया था, ठीक है। और यहाँ पर जो चीजें थी बनावटी हो गई थी, ड्रामेटिक वगैरह का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, आगे भी विशेषताएं पढ़ी जाएंगी तो वहां पर आएगा कि ड्रामेटिक लाइट, जैसे छत बनी हुई है, छत को ऐसा पेंट कर देते थे, आजकल जैसे इल्यूजन चलता है, ठीक है, और जैसे चलता है चीजें, जैसे छत है, मान लो कोई छत बनाई गई और छत ये बनी हुई है, वास्तविक रूप से ये छत ही है, लेकिन इस छत को ऐसा कलर कर दिया जाए आसमान के कलर में कि अगर नीचे बैठा हुआ व्यक्ति देखे उसको, तो उसको ये प्रतीत ना हो कि हम छत में बैठे, छत के नीचे बैठे, वो ऐसा प्रतीत हो हम खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, तो वो जो कला है वो किसके अंतर्गत आएगी, तो वही बरोक कला जिसको हम नाटकी कहते हैं, एक नाटकी प्रभाव उस पर आ जाता है जो वास्तविकता ले लेता है धीरे धीरे। तो शास्त्रीय नियमों का खंडन करते हुए इस कला में अंतः प्रेरणा और भ्रम को बढ़ावा दिया गया या चीजें उसके अंतर्गत आई। अब आगे देखिएगा कौन कौन से कलाकार इस वाद से, इस समूह से, इस ग्रुप से जुड़े, तो सबसे पहले वाद कलाकार देख लीजिएगा, तो सबसे पहले जैसे आता है कैरेवेजियो, कौन आता है कैरेवेजियो, एक कलाकार आता है कैरेवेजियो, इसी कैरेवेजियो ने सबसे पहले अपने चित्रों में ड्रामेटिक नाटकीयता का प्रयोग किया, ड्रामेटिक लाइट का प्रयोग किया, सबसे पहले किसने किया था, तो इसने किया था, सर्वश्रेष्ठ किसने किया था, तो जो रेम्ब्रा आएगा आगे चल के, आर्मेन वाइनबाइन रेम्ब्रा, उससे आएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा जैसे कौन सा कलाकार है, तो कैरेवेजियो हो गया, उसके अलावा कौन से कलाकार हैं, तो एक जॉन वर्मियर आते हैं, जॉन वर्मियर, सिर्फ आर्टिस्ट का नाम देख लीजिएगा, डिटेल तो आप लोग वैसे भी पढ़ सकते हैं उसकी, अगर आपको आर्टिस्ट पता चल गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो जॉन वर्मियर हो गया, क्लाद गैलिलोरा, कौन आ गया, तो क्लाद गैलिलोरा बहुत फेमस कलाकार रहेगा, क्योंकि क्लाद गैलिलोरा को फादर ऑफ मॉडर्न लैंडस्केप के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न लैंडस्केप क्लाद गैलिलोरा। आगे देखिए उसके पश्चात कौन है, तो आपका रेम्ब्रा, रेम्ब्रा को हारमेन वान राइन रेम्ब्रा भी कहते हैं, हारमेन वान राइन रेम्ब्रा भी कहते हैं, और उसके अलावा केवल रेम्ब्रा भी कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा कौन सा कलाकार आएंगे, फ्रांस हाल्स हो गया, फ्रांस हाल्स बहुत मोस्ट रहेगा, इसका एक चित्र कई बार पूछा जा चुका है, लाफिंग कैवेलियर, हंसता हुआ अश्वारोही या मुस्कुराता अश्वारोही के नाम से आता है। उसके पश्चात देखिएगा फ्रांस हाल्स के पश्चात कौन आता है, तो फ्रांस हाल्स के पश्चात आएगा पीटर पॉल रूबेंस, कौन रहेगा फ्रांस हाल्स के पश्चात कौन रहेगा, तो पीटर पॉल रूबेंस आता है फ्रांस हाल्स के पश्चात, फ्रांस हाल्स के पश्चात कौन आएगा, पीटर पॉल रूबेंस। ये जो था पीटर पॉल रूबेंस को ही इस अगला आंदोलन का या इस समूह का इस शैली का सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना गया था, और इसके चित्रों की भी काफी प्रशंसा की गई थी। आगे देखिएगा उसके पश्चात कौन चीजें आएंगी, ठीक है, ये जो माइकल एंजेलो द कैरेवेजियो लिखा हुआ है ये केवल कैरेवेजियो है, और जो आप अपना माइकल एंजेलो पढ़ते हो आता है माइकल एंजेलो ब्यूनारेत्ती, ठीक है, जो माइकल एंजेलो है उसका नाम है माइकल एंजेलो ब्यूनारेत्ती, ये जो है ये माइकल एंजेलो द कैरेवेजियो या माइकल एंजेलो द कैरेवेजियो करके आता है, ये कैरेवेजियो है, ये माइकल एंजेलो नहीं है, वो वाला माइकल एंजेलो नहीं रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा उसके पश्चात पीटर पॉल रूबेंस के पश्चात कौन है, तो पियत्रो द कोर्टोना, पियत्रो द कोर्टोना, पियत्रो द कोर्टोना, उसके पश्चात कौन आएगा, तो एंथनी वान डाइक, कौन रहता है, तो एंथनी वान डाइक, एंथनी वान डाइक, ठीक, कौन रहेगा, एंथनी वान डाइक। प्रियंशी वाजपेयी, ये केवल माइकल एंजेलो नहीं है, ये माइकल एंजेलो ये कैरेवेजियो वाला है, माइकल एंजेलो पुनर्जागरण काल में आता है, जो पिता माना गया था बरोक कला का, जो पिता माना गया था वो माइकल एंजेलो ब्यूनारेत्ती वाला है, ब्यूनारेत्ती जो मूर्तिकार रहा है, जिसने सिस्टाइन चैपल की छत को चित्रित किया है, लेकिन ये कैरेवेजियो जो है वो आर्टिस्ट आएगा इसी का, जिसका नाम है माइकल एंजेलो द कैरेवेजियो, और वो जो था वो माइकल एंजेलो ब्यूनारेत्ती था, ठीक, उसको ध्यान रखिएगा, लेकिन पिता में वही वाला आएगा। तो एंथनी वान डाइक कौन सा आया, तो एंथनी वान डाइक, और एंथनी वान डाइक के पश्चात कौन सा कलाकार रहेगा, तो एक रहेगा डिएगो रिवेरा, कौन रहेगा, डिएगो रिवेरा, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कौन सा कलाकार है, तो डिएगो रिवेरा रहेगा। उसके अलावा आता है डिएगो वेलास्के, कौन सा आता है, डिएगो वेलास्के, वेलास्के,
बहुत फेमस रहेगा, क्योंकि इसने जो सिवेले के कहारों का जो चित्रण किया है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक, काफी महत्वपूर्ण और चर्चित रहता है। तो डियागो बेलास के उसके पश्चात कौन आएगा, तो नेक्स्ट है निकोलस पुसिन। कौन रहेगा, तो नेक्स्ट है निकोलस पुसिन। निकोलस पुसिन उसके पश्चात कौन आता है, सर पीटर लेली। सर पीटर लेली और एक नेक्स्ट आएगा मूर्तिकार मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है बर्नी। चाहे इसी को केवल बर्नी नहीं लिख सकते हैं, चाहे इसी को जियान लारेंजो बर्नी नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी उसके अंतर्गत लिखा जा सकता है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसको एक बार देख लीजिएगा सबसे पहले कि क्या चीजें आई। सबसे पहले आपसे बता दिया गया कि ये कला समूह जो या कला शैली जो थी ये शास्त्रीय नियमों का खंडन करके पनपी। कहाँ पनपी, इटली में पनपी 1600 से 1750 के मध्य पनपी। और भी चीजें जो रही हैं, जिसको आवाज कम आ रही है अपनी आवाज बढ़ा ले, यहाँ से सारी चीजें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर दिक्कत होगी तो सभी को होगी। तो कैरेवेजियो हुआ आर्टिस्ट में, कैरेवेजियो माइकल एंजेलो को पिता या प्रारंभकर्ता मान लिया गया था। उसके अलावा पिता प्रारंभकर्ता माइकल एंजेलो को माना गया, सबसे प्रमुख कलाकार में पीटर पॉल रूबेंस का नाम आ गया। उसके अलावा अन्य भी कलाकार, कैरेवेजियो जो आपने लिखा है इसने सबसे पहले अपने चित्रों में नाटकीय प्रभाव या नाटकीय छाया प्रकाश को दिखाने वाला पहला कलाकार कौन था, कैरेवेजियो। नाटकीय छाया प्रकाश को दिखाने वाला सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन था, तो आपका रेम्ब्रा। नाटकीय छाया प्रकाश को दिखाने वाला पहला कलाकार कैरेवेजियो, नाटकीय छाया प्रकाश को दिखाने वाला सर्वश्रेष्ठ कलाकार हारमेन वान राइन रेम्ब्रा, ठीक। ये सारे आर्टिस्ट रहेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। आगे देखिएगा, पॉइंट करके लिख लीजिएगा क्या चीजें आती हैं। अब देख लीजिएगा, अब इसके अंतर्गत विशेषताएं कौन सी आएंगी, कैसे हमें पता चलेगा कि ये वाद या शैली जो है या चित्र जो है ये बरोक कला से प्रभावित रहा है। तो उसके अंतर्गत हमें देखना क्या पड़ेगा, बरोक शैली की विशेषताएं, क्या विशेषताएं उसके चित्रों में रहेंगी, किस प्रकार की विशेषताएं रहेंगी। तो देखिएगा इन विशेषताओं को, क्या विशेषताएं इसमें रहती हैं। सबसे पहले पॉइंट करके देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। आगे देखिएगा जैसे विशेषताएं किस प्रकार की, सबसे पहले एक पॉइंट आता है विशेषताओं में नाटकीय छाया प्रकाश। नाटकीय छाया प्रकाश, ये मोस्ट याद कर लो ये सब बिल्कुल, कि अगर कभी नाटकीय छाया प्रकाश या ड्रामेटिक लाइट की बात आएगी, एकमात्र वाद आपका रहेगा जो है बरोक कला या बरोक शैली, सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, सबसे ज्यादा फेमस रहेगा। ईसा रानी गैलिलोरा फेमस था फादर ऑफ मॉडर्न लैंडस्केप के लिए, फादर ऑफ मॉडर्न लैंडस्केप या आधुनिक दृश्य कला का पिता कहा जाता है क्लाद गैलिलोरा को। तो नाटकीय छाया प्रकाश के लिए कौन फेमस था, बरोक कला, बिल्कुल शब्द याद कर लो बिल्कुल। उसके अलावा क्या चीजें आती हैं, तो प्रकाश के छूटे हुए स्रोतों का प्रयोग, दूसरा पॉइंट याद कर लो, ये भी नाटकीय से रिलेट करता है, प्रकाश के छूटे हुए स्रोतों का प्रयोग। स्रोतों का प्रयोग, जैसे कोई कमरा है और कमरे में एक खिड़की दे दी गई, अब खिड़की से प्रकाश पूरा आ करके कमरे में आ रहा है, तो क्या है वो जो स्रोत हुआ, वो क्या हुआ, तो स्रोत तो आपका वो खिड़की हुई ना, तो खिड़की की सहायता से प्रकाश आ रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक। आगे देखिएगा उसके पश्चात नाटकीय छाया प्रकाश, उसके अलावा प्रकाश के छूटे हुए स्रोतों का प्रयोग। नेक्स्ट आता है फव्वारों का अंकन या फव्वारों के चित्र तथा भड़कीली एवं आकर्षक रंग योजना। फव्वारों के चित्र तथा भड़कीली व आकर्षक रंग योजना, भड़कीली व आकर्षक रंग योजना, आकर्षक रंग योजना, भड़कीली व आकर्षक रंग योजना, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो फव्वारों के चित्र तो मिलते ही मिलते हैं, उसके ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फव्वारों के चित्र कहाँ मिलते हैं या इसकी रंग योजना कैसी है, तो रंग योजना इसकी चटक आएगी, भड़कीली आएगी, ये तीन विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। और मंच सज्जा के समान द्वार और मेहराबों व खिड़कियों का अंकन, मंच सज्जा, जैसे कोई नाटक होती है तो मंच सजाया जाता है, थिएटर में आपका मंच सजाया जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे दरवाजे खिड़कियां ये सब चीजें बनती हैं, बिल्कुल मंच सज्जा के समान ही बनाई जाती हैं यहाँ पे, तो उनको भी लिख लीजिए, मंच सज्जा के समान द्वार तथा मेहराबों व खिड़कियों, जो खिड़कियां होती हैं, द्वार तथा मेहराबों व खिड़कियों आदि से या आदि में से दिखाई देने वाले विशाल भवन व दृश्य, आदि में से दिखाई देने वाले विशाल भवन व दृश्य, विशाल भवन व दृश्य। बस ये तीन आप चार पॉइंट याद कर लीजिएगा विशेषताओं में, इन्हीं विशेषताओं से कोई ना क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्या चीजें हैं, जैसे नाटकीय छाया प्रकाश,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी भी कोई वाद पूछ लिया जाए, कोई शैली पूछ लिया जाए कि नाटकीय छाया प्रकाश किसकी विशेषता रही है, तो बरोक शैली की विशेषता रही है। उसके अलावा प्रकाश के छूटे हुए स्रोतों का प्रयोग, जैसे बताया गया आपसे एक कमरे में एक बल्ब लगा दिया गया या एक खिड़की है, उस खिड़की से प्रकाश अंदर की तरफ आ रहा है और मेन कैरेक्टर पे पड़ रहा है। जैसे कोई चीज, कोई नाटक चल रहा है, मान लो ये थिएटर का आपका मंच है, उस पे प्रकाश यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर मेन कैरेक्टर है और इस मेन कैरेक्टर पे प्रकाश पड़ रहा है, बाकी की आकृतियों को डल कर दे रहा है, तो ये क्या होगा? ये नाटकीय छाया प्रकाश ही तो है, ये नाटकीय छाया प्रकाश ही रहेगा। तो इसके आगे देखिएगा क्या रहेगा, ये नाटकीय छाया प्रकाश ही रहेगा। और उसके अलावा फुवारों का भी अंकन यहाँ पर किया गया है चित्रों में, और आकर्षक रंग योजना भी रही है, भड़कीली यानी कि चटक रही है। साथ ही साथ मंच सज्जा के समान मेहराब या द्वार व खिड़कियों से विशाल भवनों को दिखाया गया, ये भी यहाँ की प्रमुख विशेषता रहेगी। बस इतनी चीजें आप ध्यान रखिए, बरोक कला के अंतर्गत ये मेन विशेषताएं रहेंगी, ठीक है। तो बरोक कला के अंतर्गत अब कलाकारों की डिटेल आएगी, उसको आप लोग अपने हिसाब से पढ़िएगा। अब बरोक जो चीजें हैं, इसने क्वेश्चन आपके काफी कवर हो जाएंगे, ये मेन विशेषताएं आपकी रही हैं। कलाकार आपके पता चल गए, कैसे पनपा, क्यों पनपा, कहाँ पनपा, ये सारी चीजें आई। अब इसके पश्चात जो आता है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या आता है इसके पश्चात, इसके पश्चात हमारा कला समूह जो आएगा या कला आंदोलन जो आएगा बरोक के पश्चात, यानी कि 1600 से लेकर 1750 तक हम चले, 1750 में क्या आया, तो अगली कला शैली जो आती है वो आती है रोकोको शैली। कौन सी आती है? अगली कला शैली जो आती है वो रोकोको शैली आती है। किस सती में पनपी है? तो ये 18वीं सती ईस्वी में पनपती है। कब पनपती है? 18वीं सती ईस्वी में ये शैली पनपती है। कि रोकोको शैली कब पनपी? तो रोकोको शैली, नमस्कार नमस्कार सैदाज जी, आगे देखिएगा, रोकोको शैली 18वीं सती ईस्वी में पनपी है। और कहाँ पनपी है? तो सबसे पहले इसका जब जन्म हुआ, जब रोकोको शैली 18वीं सती में पनपी है, तब इसका जन्म जो हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे? तो इसका जन्म हुआ था फ्रांस में, लेकिन इसी रोकोको शैली का जो चरम विकास हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। कहाँ पर हुआ था? तो जन्म हुआ फ्रांस में। और कई सारे ऐसे कला आंदोलन है जिनका जन्म कहीं और हुआ, विकास कहीं और हुआ, तो इसका जो चरम हुआ, चरम जो रहा है, ठीक है, इसका जो चरम रहा है वो हुआ है जर्मनी में, लेकिन इसका जन्म कहाँ पर हुआ है? जन्म हुआ है फ्रांस में, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म फ्रांस में हुआ। और चरम कहाँ पर हुआ? तो चरम जर्मनी में रहा, ठीक है। आगे देखिएगा इसके पश्चात क्या चीजें आती हैं। तो ये कैसे पनपी? तो लगभग 1715 ईस्वी का समय जो था वो फ्रांस के शासक लुई 14वें की मृत्यु के पश्चात फ्रांस की दरबारी कला में एक नई शैली का जन्म हुआ, उसको नाम क्या दिया गया? रोकोको शैली नाम दिया गया। मतलब लुई 14वें की मृत्यु के पश्चात फ्रांस में जिस दरबारी कला का जन्म हुआ 1715 में, उसकी मृत्यु हुई थी 1750 के लगभग, ये शैली आपकी पनपी, तो उसको क्या नाम दिया गया? रोकोको शैली नाम दिया गया। अब इसमें रहता क्या है, रोकोको में है क्या? तो सबसे पहले तो उसका सेंस समझ लो, रोकोको आएगा क्या? तो मूल रूप से भवनों की आंतरिक सज्जा से भी रोकोको शैली का आरंभ हुआ माना जाता है। कि आरंभ कैसे हुआ? तो मूल रूप से भवनों की आंतरिक सज्जा से, आंतरिक से मतलब घर के अंदर की बनावट की बात होती है, कि कैसे सजाया गया है उसको, ठीक है। आगे देखिएगा कि मूल रूप से मतलब अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो क्या चीज रही है इसके अंतर्गत, इस बात के अंतर्गत, तो मूल रूप से भवनों की आंतरिक सज्जा से भी, मूल रूप से भवनों की आंतरिक सज्जा से भी रोकोको शैली का आरंभ हुआ माना जाता है, ठीक है। तो किससे आरंभ हुआ? तो भवनों की आंतरिक सज्जा से। एक क्वेश्चन इससे पहले आपको और बताया गया था कि आंतरिक एवं बाह्य सज्जा पर ध्यान किस शैली में दिया गया है, कौन सी शैली थी? क्वेश्चन का आंसर बताइए जिसको पता हो। आंतरिक एवं बाह्य सज्जा पर ध्यान किस शैली में दिया गया है, आंसर दीजिए जिसको पता हो। वॉइस कम नहीं है, अपनी वॉइस कर लीजिए, यहाँ पे सब सिस्टम सही है, चेक कर रहा हूँ, सामने लैपटॉप भी रखा है, फोन भी रखा है, सारी चीजें चेक है, वो सारी चीजें, आवाज वगैरह सब सही है। गोथिक सही है, बिल्कुल गोथिक सही है, ठीक है। गोथिक शैली में ही आंतरिक एवं बाह्य सज्जा पर ध्यान दिया गया, लेकिन यहाँ पर रोकोको जो आई ये केवल आंतरिक सज्जा पर ध्यान देती है। इसका रोकोको का जो मेन अर्थ होता है, जब हम रोकोको का अर्थ निकालेंगे कि रोकोको ROCOCO का मतलब क्या होगा रोकोको, तो इसका मूल अर्थ जो होता है रॉक आर्ट। क्या होता है? इसका मेन अर्थ जो होता है रॉक वर्क या रॉक आर्ट कर सकते हैं, रॉक वर्क, ठीक है।
रोकोको का मतलब जो होगा क्या होगा, तो रोकोको का मतलब होता है, ठीक है, रोकोको का मतलब जो होता है, इसका अंत नहीं हुआ था। अंत का मतलब ये बताया गया है यहाँ पे आफ्ताब जी कि रोकोको शैली का विकास तो 18वीं सदी में जब हुआ तो फ्रांस में हुआ, लेकिन धीरे धीरे शैली जो थी पूरे जिसका चरम विकास जो हुआ मतलब पूरे विश्व में फैली, लेकिन विकास कहाँ पर हुआ तो जर्मनी में, अंत की बात नहीं आती। ठीक है, आगे देखिएगा, रोकोको का जो शाब्दिक अर्थ निकला क्या निकला, रॉक वर्ट यानी कि शिला संबंधी कार्य, शिला संबंधी कार्य। रॉक आर्ट का मतलब क्या होगा, शिला संबंधी कार्य जो होते हैं वही रॉक आर्ट के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर जो भी सजावट की गई, जो भी अलंकरण किए गए, वो अंग्रेजी के सी अक्षर के समान किए गए थे। किसके समान, अंग्रेजी के। जो भी अलंकरण या सज्जा की गई वो अंग्रेजी के सी अक्षर के समान की गई। तो एक क्वेश्चन और आता है कि अंग्रेजी के यश आकार के समान सज्जा कहाँ पर की गई थी, यश आकार के समान कहाँ की गई थी बताइए। यश आकार के समान सज्जा कहाँ पर की गई थी बताएं। हाँ, रीतिवाद। रीतिवाद में जो यश आकार के समान सज्जा की गई थी, मतलब सर के विपरीत दिशा में पैरों को ले जाना, ठीक है, वो था आपका कॉन्ट्रा पेस्ट्रो, जो कि रीतिवाद में था। ठीक है, वो किससे संबंधित था, वो कॉन्ट्रा पेस्ट्रो से संबंधित था। वो सारी चीजें ध्यान रखिएगा। कुछ शब्द थे ऐसे, कैटाकॉम्स, कॉन्ट्रा सेंट्रो, कैटाकॉम्स, कॉन्ट्रा सेंट्रो, कॉन्ट्रा पेस्ट्रो, ये सब वर्ड ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे यूज हुए, इन क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वहां पर रीतिवाद में यश आकार की आकृतियों से उसको सज्जा की गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सी आकार के अक्षरों का प्रयोग किया गया। रोकोको वर्क जो हुआ है, रोकोको शैली में जो कार्य हुआ है, रॉक संबंधी कार्य हुआ, कैसा, तो अंग्रेजी के सी अक्षर के समान यहाँ पर सज्जा की गई। ठीक है, अब इसके पश्चात देखिएगा क्या आता, अब इस शैली के अंतर्गत क्या चीजें रही हैं। तो यहाँ पर एक कैप्रिको प्रयोग हुआ, या किस प्रकार की सज्जा हुई है, यहाँ पर एक हास्य एवं व्यंग पर आधारित चित्र विधा का विकास हुआ था। कौन सी विकास विधा हुआ, तो लिखेगा इसमें, इस शैली में हास्य एवं व्यंग पर आधारित, इस शैली में हास्य एवं व्यंग पर आधारित, हास्य एवं व्यंग पर आधारित, हास्य एवं व्यंग पर आधारित एक चित्र विधा रही है। कौन सी है, तो चित्र विधा का विकास हुआ। वो चित्र विधा क्या थी, वो थी कैप्रिको। कैप्रिको, कैप्रिको होता क्या है, जैसे पूरा शरीर जो बनाया गया, कोई अगर चित्र बना है, पूरा शरीर हमने बना दिया मानव का, लेकिन उसका सर जो था क्या बना दिया, बकरे का। सर जो था बकरे का बना दिया, पूरा शरीर जो था मानव का बना दिया, तो इस विधा को क्या कहेंगे, तो ये विधा ही होती है आपकी केपरी को। क्या विधा होगी, केपरी को। आप लोग लाइक और शेयर तो कर लीजिए, कम से कम 216 लोग केवल जुड़े हैं, उस दिन 350 के ऊपर थे, 400 के करीब में, उतने तो कम से कम पहुंच जाएं। अगर हमें ऐसे ही कराना होगा, अगर तो हम अपनी क्लास में नहीं करा लेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, इस शैली में हास्य एवं व्यंग पर आधारित, हास्य एवं व्यंग का मतलब समझ सकते हैं, हास्य एवं व्यंग पर आधारित किस चित्र विधा का यहाँ पर किया गया प्रयोग, कैप्रिको। कैप्रिको में क्या होता है, तो कैप्रिको में जो सिर होता है किसका होता है, बकरे का होता है। ठीक है, बकरे का होता है, बाकी शरीर किसका होता है, तो बाकी शरीर होता है मानव का, बाकी शरीर किसका होता है, मानव का। अगर इसी को देखेंगे हम, जैसे मिस्र के अंतर्गत हम जा रहे थे, ठीक है, मिस्र के अंतर्गत हम जा रहे थे, तो मिस्र के अंतर्गत जब गए वहां पे हम, तो मिस्र में जब पहुंचे, जब चीजों को हमने देखा, तो वहां पर एक था आपका स्फिंक्स। स्फिंक्स बिल्कुल सेम चीजें रही हैं। वहां पर क्या होता था, स्फिंक्स में जो सर होता था राजा का होता था, पूरा शरीर किसका हो जाता था, शेर का। तो वही है, समझ लो, थोड़ा सा परिवर्तन है बस, कैप्रिको में जो रहा है सिर बकरे का है, और बाकी शरीर जो रहेगा वो मानव का रहेगा। ठीक है, बाकी शरीर किसका रहेगा, मानव का रहेगा। अब इसके पश्चात देखिएगा और चीजें रही है, इसके अलावा पोर्सिलिन वगैरह, जब भवन सज्जा की जाएगी तो पोर्सिलिन वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग सबसे पहले पोर्सिलिन का प्रयोग चाइना में हुआ था, वहां से इंडिया आया, इंडिया के अलावा अन्य भी देशों में पनपा। तो वहां पर पोर्सिलिन का संबंध किससे रहेगा, क्या चीजें रहेंगी। ठीक है, तो पोर्सिलिन का भी प्रयोग यहाँ पर अलंकरण में किया गया। अब देखिएगा इसके अंतर्गत कलाकार कौन कौन से आएंगे, तो कलाकार देख लीजिए, सबसे पहले ममता त्यागी सर, आप आज आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, आपकी आवाज में एनर्जी नहीं है, सो के उठे हैं, एनर्जी कहाँ से होगी, आज संडे है, लॉकडाउन है, पता है सबको। ठीक है, आगे देखिएगा उसके पश्चात क्या आता है, केप्रिको मिस्र की विधा नहीं है, केप्रिको एक हास्य और व्यंग की विधा है।
जिसमें सर जो था वो बकरे का बनाया गया था, बाकी जो पूरा शरीर था मानव का बनाया गया था, वो रोकोको की ही विशेषता है। ठीक है, वो रोकोको की विशेषता रहेगी। आगे देखिएगा कौन कौन से कलाकार इस रोकोको शैली से जुड़े, तो केवल कलाकार, बस इतना समझ लीजिएगा रोकोको कहाँ पनपी, तो रोकोको का विकास कहाँ हुआ, कब पनपी, कहाँ पनपी, होता क्या है रोकोको। तो रोकोको में रॉक वर्ल्ड होता है, जैसे आंतरिक सज्जा पर ध्यान दिया गया था। यहाँ पे कलाकार कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले कलाकारों में एक आता है फ्रोगोनार्ड। फ्रोगोनार्ड एक फ्रोगोनार्ड यहाँ पे इसी फ्रोगोनार्ड के आधार पर भारत के कलाकार रहे हैं प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, उनको भारतीय कला के लिए पुरस्कार दिया गया था, फ्रोगोनार्ड पुरस्कार, जो कि एकमात्र भारतीय कलाकार हैं जिनको पुरस्कार दिया गया था। ठीक, आगे देखिएगा फ्रोगोनार्ड के पश्चात कौन आता है, तो नेक्स्ट कलाकारों में आएगा विलियम होगार्थ। कौन आता है, विलियम होगार्थ, विलियम होगार्थ भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके पश्चात कौन है, तो नेक्स्ट आएगा थॉमस गेन्सबरो, थॉमस गेन्सबरो, थॉमस गेन्सबरो भी रहेगा। उसके पश्चात कौन आता है, तो थॉमस गेन्सबरो के पश्चात आएगा ट्रिपोलो। कौन रहेगा, ट्रिपोलो। थॉमस गेन्सबरो के पश्चात कौन आएगा, तो ट्रिपोलो रहेगा। ट्रिपोलो के पश्चात में सिमोन चार्डिन, सिमोन सार्दी भी लिख के आता है, सिमोन चार्डिन भी लिख के आता है। ठीक है, दोनों नाम आ सकते हैं, तो सिमोन चार्डिन या सिमोन सार्दी करके आता है। नेक्स्ट है जेसुआ रेनॉल्ड्स। कौन रहेगा, तो नेक्स्ट है जेसुआ रेनॉल्ड्स। कौन रहेगा, जेसुआ रेनॉल्ड्स। उसके पश्चात कौन आता है जेसुआ रेनॉल्ड्स के पश्चात, तो फ्रांसिस बुसे आता है, फ्रांसिस बुसे। जेसुआ रेनॉल्ड्स के पश्चात कौन आता है, फ्रांसिस बुसे, नाम याद रखिएगा। आगे देखिए उसके पश्चात एक आता है एंटोन वात्तो, अंतोआनोत वात्तो करके आता है, चाहे एंटोनो वात्तो करके आता है, एंटोनो वात्तो, एंटोनो वात्तो करके आता है। ये कलाकार किससे संबंधित रहा, इसके अलावा एक कलाकार और रहेगा जो इससे भी संबंधित है, संधिकालीन कलाकारों में एक आ जाता है, जैसे अगर आ गया संधिकालीन कलाकार, संधिकालीन कलाकारों में जो नाम आता है, संधिकालीन कलाकार जो आता है, संधिकालीन कलाकार, वहां पे जो नाम आएगा वो आता है फ्रांसिस्को द गोया का। किसका नाम आएगा, संधिकालीन कलाकारों में जो नाम आता है वो आता है गोया का। नाम ध्यान रखिएगा, वो संधिकालीन कलाकारों में आता है, क्योंकि उसका संबंध स्वच्छंदतावाद से भी रहा है, यहाँ से भी रहता है, तो वो आपका किससे आ जाता है, संधिकालीन कलाकारों में। ठीक है, तो कौन कौन से कलाकार रोकोको शैली से संबंध रखते हैं, फ्रोगोनार्ड, विलियम होगार्थ, थॉमस गेन्सबरो, ट्रिपोलो, सिमोन चार्डिन, जेसुआ रेनॉल्ड्स, फ्रांसिस बुसे, एंटोन वात्तो और संधिकालीन कलाकारों में गोया, ये कलाकार इतने इससे संबंधित रहेंगे। उसके अलावा जो विधा थी, जो चीजें थी, वो सारी आपको बताई गई। बाकी संधिकालीन कलाकार जो प्राचीन कला को आधुनिक कला से जोड़ने का काम करता है, वहां पर सबसे पहले जो नाम आएगा वो रहेगा गोया। इसका संबंध कहाँ से रहता है, तो गोया का संबंध जो है वो स्वच्छंदतावाद से भी रहता है। ठीक है, स्वच्छंदतावाद से रहेगा इसका संबंध, या रोमांटिसिज्म से संबंध रहेगा, यहाँ से भी संबंधित है, और रोमांटिसिज्म से भी संबंधित रहेगा, और रोकोको शैली से भी संबंधित है। अनुराग जी, अनुराग वर्मा, वीडियो क्लियर नहीं है, अपना ब्राइट वो बढ़ा लो, जो आपका क्वालिटी चलती है, क्वालिटी आपके ऊपर है, आप बढ़ाएंगे तो आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, वो यहाँ से कोई समस्या नहीं, यहाँ से सारी चीजें क्लियर है। अब देखिएगा उसके पश्चात क्या, अब कौन कौन से कलाकार थे, सारे हो गए। गोया का संबंध यहाँ से भी रहेगा, गोया का संबंध स्वच्छंदतावाद से भी है, इसलिए हमने इसको किसके अंतर्गत रख दिया, इसको हमने संधिकालीन कलाकारों में रख दिया। ठीक है, कहाँ रख दिया, तो संधिकालीन कलाकारों में भी रख दिया। वात्तो आता है, इसीलिए लिखा है एंटोनो वात्तो, उसको पढ़ो, रुचि से, रुचि रानी सर, वात्तो भी आता है, वही तो लिखा है वात्तो। ठीक है, आगे देखिए उसके पश्चात क्या है, नेक्स्ट देखिएगा उसके पश्चात क्या रहता है, फ्रोगोनार्ड, विलियम होगा, थॉमस गेन्सबरो। मेन उसका सेंस समझ लो कि रोकोको है क्या, रोकोको का मतलब ही होता है रॉक वर्क, यानी कि शिला संबंधी कार्य। कैसा, तो घर की आंतरिक सजावट की जो बात आती है इसके अंतर्गत आती है। इसमें जब सजाया गया तो हास्य एवं व्यंग पर आधारित भी चित्र बनाएंगे, शिल्प भी, शिल्प भी बनाए गए, कलाकार भी इसके अंतर्गत बहुत सारे आएंगे। तो आगे देखिएगा उसके पश्चात क्या आता है, अब हम मॉडर्न आर्ट में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि कहीं के भी कला हो 18वीं सदी के पश्चात ही आपकी मॉडर्न शुरू होती है। 18वीं सदी के पश्चात कौन शुरू होता है, तो मॉडर्न शुरू होती है आपकी 18वीं सदी के पश्चात, मॉडर्न आपकी शुरू होगी। तो इसके अंतर्गत क्या चीजें रहेंगी, कौन कौन सी चीजें रहेंगी, तो सबसे पहले देख लीजिएगा, अब आपकी मॉडर्न आर्ट में हम जब प्रवेश करेंगे तो उसके अंतर्गत पहला कला आंदोलन कौन सा रहेगा, कहाँ से हम शुरू करेंगे, उस चीज को देखिएगा। ये आपका मॉडर्न यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वेस्टर्न का, वेस्टर्न का मॉडर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट को बस समझते चलिएगा, ठीक है। उससे पहले एक बार कम से कम शेयर कर लीजिए अपने मित्रों में, अपने जानने वालों में इसको शेयर करिए, ताकि उनका भी तो कुछ बेनिफिट रहे, उनको भी समझ में आए चीजें। ठीक है, एक मिनट में कर लीजिए शेयर। ठीक है, ये पश्चिमी आधुनिक कला के अंतर्गत हम आ जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, कर दिया तो बहुत अच्छी बात है।
अगर नहीं किया है तो उससे भी अच्छी बात, बाकी वो करना है ना करना आपके ऊपर है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। तो देखिएगा पहला कला आंदोलन कहाँ पे रहेगा, कौन सा रहेगा? तो पहले कला आंदोलन मॉडर्न में हम प्रवेश कर गए हैं, इतना समझ लेना, क्योंकि 18वीं सदी के पश्चात जो आपका होता है वो मॉडर्न आर्ट ही आता है, चाहे वो इंडिया की बात हो, चाहे आपका वेस्टर्न की बात हो, चाहे पश्चिम की बात हो। आगे देखिएगा तो सबसे पहले आएगा आपका नवशास्त्रीयतावाद। सबसे पहला आंदोलन कौन सा रहेगा? तो नवशास्त्रीयतावाद। नवशास्त्रीयतावाद कौन सा रहेगा? नवशास्त्रीयतावाद। इसी को कहा जाता है नववर्गवाद, कई कई बार नाम चेंज करके आ जाते हैं, तो नवशास्त्रीयतावाद को ही कहा गया है नववर्गवाद। इसी को हम कह सकते हैं नियो क्लासिज्म, ठीक है, नियो क्लासिसिज्म, क्लासिज्म आता है, नियो क्लासिसिज्म करके आता है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना क्या रहेगा, तो नियो क्लासिसिज्म, क्लासिसिज्म आता है करके, तो ये कौन सा वाद रहेगा? तो आपका नवशास्त्रीयतावाद, नववर्गवाद या नियो क्लासिसिज्म आता है करके, ठीक। कब इसका विकास हुआ, कब जन्म हुआ? तो इस वाद का जो जन्म हुआ था या विकास हुआ था 1770 में स्टार्ट हुआ, 1830 में इसकी समाप्ति हो गई। कब समाप्ति हुई? तो 1770 से 1830 तक चला, किस देश में पनपा? तो इसको समझ लीजिएगा समय काल, इसको एक तरीका अपना लीजिए, बिल्कुल उसी प्रकार से सारे वाद आपको पढ़ने हैं। जैसे ये आपको बता दिया गया कि नवशास्त्रीयतावाद या नववर्गवाद हो गया, वाद कौन सा था? नवशास्त्रीयतावाद, नववर्गवाद, इसी को नियो क्लासिज्म कहते हैं। कब पनपा? 1770 से 1830, मतलब 1770 में इसका जन्म हुआ और 1830 ईस्वी में इसका अंत हुआ। कहाँ पनपा? तो इसका देश जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो फ्रांस रहेगा। कि पनपा कहाँ पर है? तो ये फ्रांस में पनपा, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा कि कहाँ पर पनपा, फ्रांस में पनपा। लेकिन संस्थापक कौन थे वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से व्यक्ति जो है वो इसके संस्थापक रहे इस वाद के, तो जाक लुईस दाविद। कौन थे? तो जाक लुईस दाविद जो है वो इसके संस्थापक थे। इसमें हुआ क्या था? तो जैसे प्राचीन काल में अभी आपने शास्त्रीय काल पढ़ा था, तो शास्त्रीय काल के जो नियम थे उसी, वहां पे मूर्तिकला होती थी, यहाँ पर चित्रकला हुई है, तो जिस प्रकार से वहां पे मूर्तिकला होती थी बिल्कुल उसी प्रकार से जो प्राचीन नियम थे उन नियमों को अपना करके यहाँ पर चित्रकारी की गई थी, उन सबको क्या नाम दिया गया था? तो उसको नवशास्त्रीयतावाद इसीलिए नाम दिया गया था। संस्थापक में जो नाम आया कौन सा था? तो जाक लुईस दाविद जो था ये संस्थापकों में रहा। इसके अलावा इसका प्रणेता चित्र कौन सा रहेगा, ठीक है, इस वाद का प्रणेता चित्र कौन सा रहेगा? तो प्रणेता चित्रों में सबसे पहले जो नाम आएगा यहाँ पे होरेशियो का प्रण। क्या आता है? होरेशियो का प्रण जो रहेगा, होरेशियो का प्रण, इसी को कहते हैं होराथी की शपथ। होरेशियो का प्रण करके आए, चाहे होरेशियो होराथी की शपथ करके आए, वो प्रणेता चित्र रहेगा। किस वाद का? तो नवशास्त्रीयतावाद का प्रणेता चित्र यही रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा उसके पश्चात क्या आता है, तो अन्य कौन से कलाकार आएंगे या किससे प्रभावित था, तो यह किसके सिद्धांतों से प्रभावित रहा, ये कई बार क्वेश्चन भी आया है, तो ये जर्मन विद्वान विंकलमैन से प्रभावित था, जो सौंदर्य शास्त्री रहे, दर्शन शास्त्री, तो जर्मन विद्वान विंकलमैन से प्रभावित, किससे? जर्मन विद्वान विंकलमैन से प्रभावित रहेगा। किससे प्रभावित था? तो जो ये कला आंदोलन रहा है, जर्मन विद्वान विंकलमैन से प्रभावित रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, जर्मन विद्वान विंकलमैन से प्रभावित रहा है, देखिएगा इसके अंतर्गत सबसे पहले नवशास्त्रीयतावाद का नाम क्या है। हर एक वाद का अगर कोई नाम है तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अब पेपर में जब परिवर्तन हो रहा है तो सिर्फ नाम ही चेंज करता है। जैसे इस बार टीजीटी पीजीटी के पेपर में अभिव्यंजनावाद का कहीं नाम नहीं दिया है, लेकिन उसकी जगह पे बार बार अभिव्यक्तिवाद नाम दिया गया है, ठीक है, तो वही चीज है, उसका नाम आप क्लियर रखें पहले से। तो समय 1770 से 1830, देश फ्रांस, संस्थापक जाक लुईस दाविद, उसी का जो प्रणेता चित्र रहेगा होराथी की शपथ या होरेशियो का प्राण, जर्मन विद्वान विंकलमैन से प्रभावित रहा है। फिर उसके अलावा अन्य कलाकार कौन से आते हैं, तो इस वाद के अंतर्गत अन्य कलाकार कौन आएंगे उनके बारे में जरा देखिएगा कि कौन कौन से कलाकार इसके अंतर्गत अन्य आते हैं। तो एक आता है डोमेनिको आंग्र। कौन आता है? डोमेनिको आंग्र, आंग्र जो कलाकार रहा है डोमेनिको आंग्र आता है। उसके अलावा एक विगी लिबर्न भी आती है, विगी लिबर्न महिला कलाकार रहेंगी, विगी लिबर्न, इनका भी नाम आता है। तो कौन कौन से कलाकार हो गए? एक तो जाक लुईस दाविद स्वयं हो गए, दो कलाकार और हो गए आपके डोमेनिको आंग्र और विगी लिबर्न, इनको ध्यान रखिएगा। बस इतनी चीजें देखिए, उसके पश्चात अगला कला आंदोलन कौन सा आएगा, तो नेक्स्ट देखिएगा उसके पश्चात, ठीक है, नेक्स्ट देखिए कौन सा उसके पश्चात आता। पहले एक फॉर्मेट ले लीजिए, जैसे आपसे बता दिया गया कि वाद कौन सा था, वाद कौन सा था, समय काल उसका, देश कौन सा था या संस्थापक कौन था, समय अगर देखेंगे तो समय कौन सा था, उसका देश कौन सा था, उसका संस्थापक कौन था, ठीक है। उसके अलावा और भी चीजें हैं जो प्रणेता करती या जो भी चीजें आएंगी,
तो उसको आगे जब यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत देख लेंगे। तो जैसे आपसे बता दिया गया कि वाद अगला कौन सा है, तो नेक्स्ट वाद है आपका स्वच्छंदतावाद। कौन सा रहेगा? स्वच्छंदतावाद। वाद कौन सा रहेगा? स्वच्छंदतावाद, जिसको हम कहते हैं रोमांटिसिज्म। क्या कहते हैं? रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म कहा जाता है कि क्या कहेंगे? तो रोमांटिसिज्म कहेंगे, ठीक है। रोमांटिसिज्म, रोमांटिक इज्म कर लीजिएगा, रोमांटिसिज्म, ठीक है। वाद कौन सा है? स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म। इसी को रोमांसवाद भी कहा जाता है। ये कब से कब तक पनपा? तो इसके पनपने का जो समय काल था 1800 से 1890। किस देश में पनपा? तो यह भी आपका फ्रांस में पनपा था। इसका संस्थापक कौन रहेगा? तो यहाँ पर थियोडोर जेरिकाल्ट। ये वही थियोडोर जेरिकाल्ट है जिरको है जिसने अपने घर में लाशों को रखकर चित्रण किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा है? थियोडोर जेरिकाल्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा रहेगा? थियोडोर जेरिकाल्ट। थियोडोर जेरिकाल्ट जो था ये प्रमुख संस्थापकों में रहता है। इसका नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाएगा कि कौन सा कलाकार था? तो थियोडोर जेरिकाल्ट था। इसको प्रणेता चित्र कौन सा रहेगा इस वाद का? तो प्रणेता चित्र देख लो कि प्रणेता चित्र कौन सा रहेगा। तो इसका प्रणेता चित्र जो है वो रहेगा रॉफ्ट ऑफ मेदुसा। रॉफ्ट ऑफ मेदुसा कौन रहेगा? तो रॉफ्ट ऑफ मेदुसा, या इसी को कहा जाता है मेदुसा का बेड़ा। इसी को हम क्या कह सकते हैं? मेदुसा का बेड़ा। एक हवाई जो आपका बेड़ा रहेगा, एक जहाज की घटना है, पानी वाले जहाज की घटना है, जिसमें कुछ अधिकारियों की दुष्टता की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। आगे देखिएगा, अंकुर तलवार, हम शास्त्रीवाद को क्यों नहीं पढ़ते? शास्त्रीवाद को हम पहले पढ़ चुके हैं। नवसाथीतावाद को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसको हमने पढ़ दिया। तो उसके पश्चात हम स्वच्छंदतावाद को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके पहले आप पढ़ चुके हैं शास्त्रीवाद को, पढ़ चुके हैं पीछे जब आपने स्टार्ट किया था। एजियन सभ्यता के बाद शास्त्रीय काल ही आता है, उसके बाद उसी प्रकार के नियमों का यहाँ पे प्रयोग हुआ इस फिर से आधुनिक काल में, इसीलिए नवशास्त्रीयतावाद उसको कहा गया। तो ये कलाकार किससे संबंधित रहे, या ये चित्र किसका है? तो ये भी थियोडोर जेरिकाल्ट का ही चित्र रहेगा। तो और कौन कौन से कलाकार, ये वाद जो रहा है ये किससे प्रभावित रहा है, या किस विद्वान से प्रभावित रहेगा? तो ये प्रभावित किससे है? तो जैसे पीछे आपने लिखा था नवशास्त्रीयतावाद जो था वो विंकलमैन, जर्मन विद्वान विंकलमैन से प्रभावित था। लेकिन ये किससे प्रभावित रहेगा? तो ये जियां जाक रूसो रहे इनसे प्रभावित है। जियां जाक रूसो, या जाक जियां रूसो से प्रभावित था, रूसो से प्रभावित आंदोलन रहा है। जिया जाक रूसो से प्रभावित रहा है। उसके अलावा इसके अंतर्गत कलाकार कौन कौन से आएंगे, तो देखिएगा कौन कौन से कलाकार इससे संबंधित रहे। तो एक तो देलाकरा कलाकार, देखिएगा किस कौन कौन से यहाँ से संबंधित रहेंगे। तो कलाकार इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश लैंडस्केप के कलाकार रहे वो सारे कलाकार भी स्वच्छंदतावाद के अंतर्गत आ जाएंगे। गोया भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, बाकी इसके कलाकार जो रहेंगे वो भी सारे आ जाएंगे। जिया जाक रूसो कहें चाहे जाक जिया रूसो कहें, इनके विचारों से प्रभावित रहा है ये आंदोलन। तो आंदोलन है स्वच्छंदतावाद, समय का 1800 से 1890, देश फ्रांस। संस्थापकों में आपका आता है थियोडोर जेरिकाल्ट। अब कौन कौन से कलाकार आते हैं देखिएगा। सबसे पहले जैसे आता है देलाकरा, क्योंकि जेरिकाल्ट के बारे में तो हमने पहले से लिख लिया। देलाकरा, इसी को ओजीन देलाकरा भी कहते हैं, देलाकरा भी कहते हैं। तो आगे देखिएगा देलाकरा के पश्चात कौन है? विलियम ब्लैक। कौन आता है? ब्रिटिश लैंडस्केप के सारे कलाकार आ जाएंगे। विलियम ब्लैक भी है, इसके अलावा जॉन कांस्टेबल भी आ जाएगा इसी के अंतर्गत। जॉन कांस्टेबल भी आ जाएगा, विलियम टर्नर भी आ जाएगा। विलियम टर्नर, जॉन कांस्टेबल के अलावा विलियम टर्नर भी आ जाएगा। और उसके अलावा आपका सबसे फेमस जो आता है गोया, फ्रांसिस्को गोया। कौन रहेगा? फ्रांसिस्को गोया आ जाएगा, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। कौन था? फ्रांसिस्को गोया। तो इन कलाकारों को मेन तो आपका सबसे प्रमुख में कौन आ गया? तो आपका थियोडोर जेरिकाल्ट आ गया। उसके अलावा कौन सा कलाकार था? तो आपका देलाकरा है, विलियम ब्लैक है, उसके अलावा जॉन कांस्टेबल, विलियम टर्नर, फ्रांसिस्को गोया, ये सारे कलाकार रहे हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। रॉफ्ट ऑफ मेदुसा ये चित्र रहा है प्रणेता। इसी चित्र के पश्चात ये आंदोलन, कला आंदोलन काफी विकास हुआ था इसका, ठीक है। ये फ्रांस में पनपा है। अब इसके पश्चात कौन सा आंदोलन रहेगा? तो नेक्स्ट देखिएगा इसके पश्चात कौन सा आंदोलन आता है, ठीक है। तो एक जरा फॉर्मेट बना लीजिएगा, जैसे किस वाद और काल की हम बात कर रहे हैं, वाद या काल कौन सा रहेगा, ठीक है। उसके पश्चात वाद और काल के पश्चात जैसे हम बात करते हैं कि उसका समय काल क्या रहेगा, कि समय की जब हम बात करेंगे समय क्या रहेगा, फिर कौन सा देश रहेगा, ठीक है, देश कौन सा है, देश के पश्चात संस्थापक कौन रहेगा, संस्थापक कौन रहता है उसका, और संस्थापक के पश्चात कौन सा रहेगा, संस्थापक के पश्चात
प्रमुख चित्र की हम बात करेंगे कि प्रमुख चित्र कौन सा है उस आंदोलन का। अगर होगा कोई प्रमुख चित्र तभी लिखा जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखा जाएगा, ठीक, उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्या होता है। प्रणेता चित्र का मतलब होता है जो प्रमुख चित्र रहे उस वाद का। ठीक है, कृष्णा बहुगुणा जी, जो प्रणेता चित्र होता है उस वाद का, प्रणेता चित्र का मतलब होता है जिस जो सबसे प्रमुख चित्र माना गया उससे, उसी से उस वाद का विकास किया गया। ठीक है, प्रमुख चित्र देखिएगा, प्रमुख चित्र के पश्चात घोषणा पत्र। अगर किसी ने उस वाद का घोषणा पत्र तैयार किया है, मैनिफेस्टो तैयार किया है, उसकी बात आएगी। अगर नहीं है तो अन्य कलाकारों में उसका नाम लिख दिया जाएगा, जो भी कलाकार वहां पर रहेगा। अब इसी फॉर्मेट को चूज करके बार बार आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। ठीक है, बार बार उतरना नहीं पड़ेगा। तो जैसे नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं कि क्या रहेगा, तो अगला आंदोलन हमारा कौन सा रहेगा, तो हमारा सबसे पहले नवशासितावाद हो गया, उसके पश्चात स्वतंत्रतावाद हो गया। नेक्स्ट कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट में हम आगे आएंगे आपका यथार्थवाद। नेक्स्ट कौन सा रहेगा, यथार्थवाद। यथार्थवाद का मतलब क्या होता है, तो जैसी चीजें हमें दिखाई दें वैसी ही चीजें हम बनाए, उसमें कोई भी परिवर्तन ना करें, वो होता है यथार्थवाद। उसी को कहा जाता है रियलिज्म। तो इसका समय काल क्या रहेगा, तो यथार्थवाद का जो समय काल रहता है 19वीं सदी का प्रथम दशक। ठीक है, प्रथम दशक 19वीं सदी का प्रथम दशक अगर हम मानेंगे तो 18वीं सदी तक तो 18वीं सदी थी। 1801 से लेकर के 10 के बीच में पहला दशक आता है 19वीं सदी का, तो वही रहेगा आपका। ठीक है, तो 19वीं सदी का प्रथम दशक हो गया। देश कौन सा रहेगा, तो समय काल इसका 19वीं सदी का प्रथम दशक आपने लिख लिया। देश कौन सा रहेगा, देश इसका भी फ्रांस रहेगा, कि कौन सा देश है, फ्रांस रहेगा। संस्थापक में किसका नाम आएगा, तो एक आर्टिस्ट रहे गुस्ताव कुर्बे। कौन थे, गुस्ताव कुर्बे संस्थापक रहेंगे, कि संस्थापक कौन थे इस कला आंदोलन के, तो गुस्ताव कुर्बे या प्रमुख कलाकारों में। चित्र कौन सा रहेगा, तो एक चित्र है ओरना का दफन संस्कार। कौन सा रहेगा, ओरना का। इनका जन्म भी ओरना में हुआ था, जो कुर्बे हैं इनका जन्म भी ओरना में हुआ था। प्रमुख चित्र कौन सा है, ओरना का दफन संस्कार। ये प्रणेता चित्र रहेगा इस वाद का। उसके अलावा घोषणा पत्र किसी ने भी यहाँ पे प्रमाणित नहीं किया था, या घोषणा पत्र किसी ने नहीं उसको संपादित किया था, इसलिए उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। अन्य कलाकारों में किसका नाम आएगा, तो सारे नाम लिख लीजिएगा। जैसे अन्य कलाकार कौन से हैं, तो ओनोर दोमी कौन सा रहेगा, ओनोर दोमी, ये व्यंग कलाकार भी माना जाता है। उसके अलावा थियोडोर रूसो, ओनोर दोमी के पश्चात कौन सा है, तो थियोडोर रूसो भी रहेगा। वो जियां जाक रूसो, थियोडोर रूसो और हेनरी रूसो, तीन अलग अलग व्यक्ति हैं। एक जियां जाक रूसो जो सौंदर्य शास्त्री दर्शन शास्त्रियों में आता है, आपका जो थियोडोर रूसो है ये बार्बिजन आर्टिस्ट रहेगा, क्योंकि इसकी एक दूसरी कड़ी है, यथार्थवाद की दूसरी कड़ी जो रहेगी प्राकृतिक यथार्थवाद, वो बार्बिजन रहेगा। ठीक है, आगे देखिएगा जी, लव 1, 2, 3। मैं डीएवी स्टूडेंट था सर, आप डीएवी कॉलेज में स्टूडेंट तो नहीं, मैं था, हो चुका, मैं स्टूडेंट जो था वो पढ़ चुका हूँ वहां पे। आगे देखिएगा, ओनोर दोमी है, थियोडोर रूसो, उसके अलावा कौन सा कलाकार है, तो जीन फ्रांसिस मिले। जीन फ्रांसिस मिले, ठीक है, ये कुछ जो बार्बिजन आर्टिस्ट होंगे उनको भी इसी के अंतर्गत हम लिख लेंगे, क्योंकि बार्बिजन भी इसी का समूह था। यहाँ पे ये यह है कि सामाजिक यथार्थवाद है वो प्राकृतिक यथार्थ हो जाएगा, यथार्थवाद बस उतना ही अंतर रहेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अन्य कलाकारों में आपने मेन कलाकार गुस्ताव कुर्बे लिख लिया, नेता जो था उसका, ओनोर दोमी लिखा, थियोडोर रूसो, जीन फ्रांसिस मिले, कैमिली कोरो, उसके अलावा कौन रहेगा, तो चार्ल्स दोविनी। कौन रहेगा, कैमिली कोरो के पश्चात कौन आता है, तो चार्ल्स दोविनी आता है। कैमिली कोरो के पश्चात कौन आएगा, चार्ल्स दोविनी। ये सब कलाकार किसके अंतर्गत आ गए, ये सब यथार्थवाद में आ गए, लेकिन इसमें से कुछ कलाकार अभी बार्बिजन दल में जाएंगे, वो है यथार्थवाद का ही कड़ी। क्योंकि यथार्थवाद की दो कड़ियां थी, एक होता है सामाजिक यथार्थवाद, एक होता है प्राकृतिक यथार्थवाद। तो सामाजिक यथार्थवाद में हमने यथार्थवाद को लिख लिया, प्राकृतिक यथार्थवाद में कुछ कलाकार यहाँ के जो थे इस समूह के, वो पेरिस में फॉन्टेन ब्लू का एक जंगल पड़ता है, वहां पे बार्बिजन नामक एक गांव पड़ता है, उस गांव में जाकर के उन्होंने अपने दृश्य चित्र बनाए हैं। तो अपने विषय को उन्होंने प्रकृति पे आधारित कर लिया था, इसीलिए उसको बार्बिजन गांव में उन्होंने अपने चित्र बनाए, इसीलिए बार्बिजन दल बन गया। ठीक है, तो इसके पश्चात इसी का एक दूसरा अंग रहेगा, यथार्थवाद का ही दूसरा अंग रहेगा। कौन सा रहेगा, तो उसके अंतर्गत देखिएगा यथार्थवाद का दूसरा अंग कौन सा रहेगा। ठीक है, तो यथार्थवाद का दूसरा अंग कौन सा रहेगा, देखिएगा उसके पश्चात वो बार्बिजन आएगा, तो बार्बिजन के बारे में भी हम लिख लेंगे कि बार्बिजन क्या प्रमुख रहा है उसके अंतर्गत। तो नेक्स्ट देखिएगा क्या चीजें आती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा बार्बिजन के अंतर्गत क्या आएगा, तो अगला समूह जो रहेगा बार्बिजन दल। लेकिन बार्बिजन दल जो है
वो आपका यथार्थवाद की दूसरी कड़ी, इसके अंतर्गत लिख सकते हैं यथार्थवाद की दूसरी कड़ी। यथार्थवाद की दूसरी कड़ी का मतलब है कि ये आपका है यथार्थवाद ही, लेकिन एक सामाजिक यथार्थ होता है यथार्थवाद, एक प्राकृतिक यथार्थवाद होता है। तब ये जो शाखा है प्राकृतिक यथार्थवाद के अंतर्गत आएगी, जो पेरिस में फांतेन ब्लू के जंगलों में जाकर बसी या वहां पर जाकर के चित्रकारी की। तो इसके अंतर्गत देखिएगा बारबीजन दल आपका हो गया, बारबीजन ग्रुप या बारबीजन समूह हो गया। बारबीजन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उस जगह का नाम, उस गांव का नाम बारबीजन था। तो समय काल इसका क्या रहेगा, तो इसका समय काल था 1830। क्या समय काल रहेगा, 1830 ईस्वी। देश कौन सा रहेगा, तो ये आपका पेरिस फ्रांस रहेगा, फ्रांस, या इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं पेरिस के फांतेन ब्लू के जंगलों में। पेरिस के देश तो फ्रांस ही रहेगा, पेरिस के फांतेन ब्लू के जंगल में, फांतेन ब्लू के जंगल में, ठीक है, पेरिस के फांतेन ब्लू के जंगल में ये देश फ्रांस ही रहेगा। वहां पर एक गांव पड़ता है फांतेन ब्लू के जंगलों में आपका बारबीजन, ठीक है, बारबीजा गांव पड़ता है। उसी गांव में चित्रकारी उन लोग किए थे, अपने विषय को प्रकृति पे आधारित उन्होंने किया था, इसीलिए उसको बारबीजन नाम दे दिया गया था। आगे देखिएगा इसका संस्थापक में कौन सा आता है, तो यहाँ पर जो संस्थापक आएगा वो आएगा थियोडोर रूसो। कौन रहेगा, थियोडोर रूसो रहेगा। और प्रमुख चित्र कौन से रहेंगे, तो प्रमुख चित्रों में यहाँ पर कोई नाम नहीं आएगा, घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं आएगा। अन्य कलाकारों में वही आपके जो पहले से आप लिख चुके हैं कलाकार यथार्थवाद में, जैसे आपके मिले रहे हैं, मिले, जान फ्रांसिस मिले, पूरा नाम हम नहीं लिख रहे हैं, नाम वही है मिले, जान फ्रांसवा मिले, जान फ्रांसिस मिले। उसके अलावा कोरो, यानी कि कैमिली कोरो, कोरो का मतलब कैमिली कोरो। उसके अलावा एक रहते हैं जीन बुदिन, कौन रहते हैं, जीन बुदिन, और एक रहते हैं चार्ल्स दोबिनी। कौन रहेंगे, तो जीन बुदिन के अलावा एक रहते हैं चार्ल्स दोबिनी, वो भी प्रमुख कलाकारों में रहेंगे। तो ये कलाकार किससे संबंधित हैं, मिले, कोरो, जीन बुदिन, चार्ल्स दोबिनी जो रहेंगे, ये बारबीजन दल के, ये ग्रुप के रूप में, पूरा वाद नहीं कहा जा सकता, बारबीजन वाद नहीं है, ये दल या समूह रहेगा एक, क्योंकि वाद तो इसका यथार्थवाद ही रहेगा, ठीक है। तो पेरिस ये फ्रांस में ही पड़ता है, ठीक है, फ्रांस देश में ही पनपेगा, तो फ्रांस की राजधानी रहेगा पेरिस के फांतेन ब्लू के जंगल में, एक बारबीजन गांव पड़ता है, वहां पर यथार्थवाद का एक समूह जा करके वहां पर चित्रकारी करने लगा, इसलिए उसको बारबीजन दल या बारबीजन ग्रुप या बारबीजन समूह के नाम से जाना गया है, ठीक है। उसके आगे देखिएगा, अब ये बारबीजन हो गया, ये किसकी कड़ी है, तो बारबीजन यथार्थवाद की दूसरी, कभी वाद इसका वाद आ जाए कि चार्ल्स दोबिनी किस वाद से संबंध रखता है, मिले किस वाद से संबंध रखता है, तो हमेशा यथार्थवाद सही होगा, क्योंकि बारबीजन कोई वाद नहीं है, एक दल है, एक समूह है, जो जंगल में जाकर के अपने चित्र को उसने चित्रित किया था। तो आगे देखिएगा इसके पश्चात कौन रहेगा आंदोलन, कौन सा आंदोलन इसके पश्चात आता है, तो बारबीजन के पश्चात जो अगला आंदोलन आएगा वो आता है प्राक रैफेलवाद। कौन रहता है, अगला आंदोलन जो आता है प्राक रैफेलवाद आता है, और प्राक रैफेलवाद को ही कहते हैं प्री रैफलाइज्ड ब्रदरहुड, PRB लिख के आता है, प्राक रैफेलवाद प्री रैफलाइज्ड ब्रदरहुड, या इसी को PRB लिख के आता है। तो प्राक रैफेलवाद का समय काल क्या रहेगा, तो 1848 ईस्वी। क्या समय काल रहेगा, तो 1848 ईस्वी में प्राक रैफेलवाद का विकास हुआ, और कहाँ पर विकास हुआ, तो इसका देश जो था इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन में इसका विकास हुआ। तो प्राक रैफेलवाद का जन्म कब हुआ, 1848 ईस्वी में हुआ था, और उसके अलावा कहाँ पर हुआ जन्म, तो इंग्लैंड में हुआ है। संस्थापक कौन रहा इसका, तो इसके संस्थापकों में जो नाम रहता हॉलमन हंट का नाम आता है, ठीक है, हॉलमन हंट का नाम सबने सुना होगा। हॉलमन हंट जो रहेंगे ये संस्थापकों में रहेंगे। प्रमुख चित्र और घोषणा पत्र में किसी का नाम नहीं आएगा। अन्य कलाकारों में जो भी नाम है लिख लीजिएगा, जैसे एक नाम है जॉन एवरेट मिलेस, जॉन एवरेट मिलेस, मिलेस या मिलायस का नाम सबने सुना होगा, क्योंकि जो एक साबुन है आपकी पियर साबुन का जो लोगो, बच्चे की पेंटिंग जो बबल्स बनाई गई थी वो इन्हीं की पेंटिंग थी, मिलायस की। पियर साबुन का जो लोगो बना था, पियर साबुन का जो लोगो बना था आपका बबल्स पेंटिंग, जो बच्चे बुलबुला बनाता हुआ बच्चा, वो बबल्स पेंटिंग इन्हीं की रही थी, जॉन एवरेट मिलेस की, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो रहता है कौन सा कलाकार आता है, ठीक है, दूसरा कलाकार कौन सा रहता है, दूसरा कलाकार रहेगा दांते जिब्राइल रोजेंटी, दांते जिब्राइल रोजेंटी, कौन सा रहेगा, दांते जिब्राइल रोजेंटी, ठीक है, दांते जिब्राइल रोजेंटी रहेगा। उसके अलावा कौन है, तो एक विलियम मॉरिस रहता है, विलियम मॉरिस जो आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का प्रारंभकर्ता माना जाता है, ठीक है, विलियम मॉरिस वही है ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट का स्टार्ट उसी ने किया था, या इसी को हम कहते हैं कला एवं हस्तशिल्प आंदोलन का प्रारंभकर्ता कौन था, तो विलियम मॉरिस था। ये सारे कलाकार महत्वपूर्ण रहेंगे। तो कौन सा वाद आपने पढ़ा, सबसे पहले वाद या काल जो है प्राक रैफेलवाद रहेगा,
कब पनपा? 1848 ईस्वी में पनपा। कहाँ पनपा? इंग्लैंड में। कौन संस्थापकों में आता है? हॉलमन हंट। उसके अलावा अन्य कलाकारों में कौन से नाम रहेंगे? तो सारे कलाकार प्रमुख हैं, चाहे जॉन एवरेट मिलेस आए, मिलायस या मिलेस करके आता है, जॉन एवरेट मिलेस, दांते जिब्राइल रोजेंटी और विलियम मॉरिस। ये किसकी बात हम कर रहे थे? ये हम कर रहे थे प्राग रैफेलवाद की बात। ठीक है, अब इसके आगे और कौन सा वाद रहेगा, कौन सा समूह रहेगा, एक एक वाद के बारे में बस इसी तरीके से। बेसिक क्वेश्चन जितने भी होंगे टीजीटी पीजीटी के लिए तो मोस्ट रहेगा ही, साथ ही कोई भी एग्जाम अगर जहाँ पे वेस्टर्न आती है, क्योंकि वेस्टर्न लगभग हर जगह आती है, कुछ ही जगह ऐसी हैं जैसे केवीएस एनवीएस में अभी नहीं आता है, लेकिन आने वाले समय में वहां पे भी आने लगेगा, तो इसलिए इस पे आपको बेसिक पूरा तैयार हो जाएगा। अगर आपने जब तक एक क्लास चली आपने देख लिया तो आपका बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन बेसिक से गलत नहीं होने देंगे, ठीक है, उसको आपको कंप्लीट ही करवा देंगे। तो अगला वाद कौन सा रहेगा? अब आता है प्रभाववाद, जो प्रकाश पर केंद्रित हुआ। प्रभाववाद को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इम्प्रेशनिज्म। क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं इम्प्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म। प्रभाववाद को क्या कहा गया? तो इम्प्रेशनिज्म कहा गया। ये किस देश में पनपा, क्या समय काल रहेगा? तो इसके पनपने का समय है, वैसे तो 1863 में इसकी कुछ कड़ियां देखने को मिल गई थी, लेकिन 1863 ईस्वी में जिन कलाकारों के प्रभाववादी थे उनकी कलाकृतियों को अस्वीकृत कर दिया गया था, इसीलिए उन्होंने सालोन द रिफ्यूजेज या स्वीकृत कलाकृतियों की प्रदर्शनियां उन्होंने की थी, ठीक है, वो अलग चीज थी, वहां से प्रॉपर विकास नहीं माना गया था, सिर्फ एक कड़ी मानी गई थी, ठीक है। लेकिन प्रभाववाद का जो प्रॉपर समय है 1874 से 1886 ईस्वी, यानी कि 1874 से 1886 ईस्वी का जो समय आता है इसके अंतर्गत आता है। तो प्रभाववाद किस पे केंद्रित था? यहाँ पर छाया वगैरह का अंकन नहीं होता था, सिर्फ प्रकाश को चित्रित करते थे। इनका काम ये होता था प्रभाववादियों का, जैसे अगर 10 पेंटिंग बना रहे हैं तो 10 एक पेंटिंग अगर बना रहे हैं कहीं पे बैठ के, मान लीजिएगा ये व्यू है बैठने का, किसको ये आर्टिस्ट जो है यहाँ पर बैठ कर चित्र बना रहा है, तो सामने नदी का दृश्य है, सामने नदी को बना रहा, तो क्या करता वो 10 कैनवास लगाता, एक यहाँ पे लगाता, ये इस तरीके से 10 स्थितियों में 10 कैनवास लगाता, 20 कैनवास जितने भी उसके होता। सुबह अगर 7 बजे उसने चित्रकारी शुरू की है तो 7 से 8 बजे तक चित्रकारी इस पे करता, 8 से 9 तक इसमें करता, फिर 9 से 10 इसमें करता, समय बढ़ाता चला जाता। अगले दिन फिर से वो चित्रकारी शुरू करता तो उसी समय से जिससे उसने शुरू किया था, जिस समय तक उसने काम किया था, फिर करता जब तक ये चीज पूरी या चित्र पूरा ना हो जाए तब तक काम करता। तो क्या होता है, एक दृश्य के जब दिन में प्रकाश के कई सारे इफेक्ट होते हैं ना, कि अभी लाल दिख रहा है शाम को आपका लाल दिखेगा, दोपहर में पीला प्रकाश आएगा, तो वो प्रकाश के कई सारे क्षणिक प्रभावों को चित्रित करता था, ये उसकी विशेषता रहती है, सब काफी फेमस रहती है, ठीक है। तो आगे देखिएगा प्रभाववाद के अंतर्गत इसी प्रकार का चित्रण हुआ है, ज्यादातर मोने जो कलाकार रहा है, मोने क्लाद मोने जिसको पेंटर ऑफ सीरीज भी कहते हैं, उसने इसी प्रकार का चित्रण किया है। तो कौन सा वाद आया? प्रभाववाद, इसको इम्प्रेशनिज्म कहेंगे। समय काल 1874 से 1886 ईस्वी, 1874 से 1886 रहेगा। देश कौन सा रहेगा? इसका भी देश संस्थापक जो देश रहेगा फ्रांस रहेगा। संस्थापकों में यहाँ पर क्लाद मोनेट, चाहे मोनेट लिख दे, देखिए माने को नहीं माना जाएगा संस्थापक, माने को सिर्फ अग्रदूत माना जाता है, ठीक है, अग्रदूत माना जाता है, लेकिन संस्थापक में जो मेन नाम रहेगा वो क्लाद मोनेट या मोने केवल कह सकते हैं, मोनेट भी कह सकते हैं, मोने भी कह सकते हैं, ठीक है, क्लाद मोनेट या मोने ही संस्थापकों में रहेंगे। प्रमुख चित्र कौन सा रहेगा? तो ये जो पनपा था ये तृण पर भोजन से नहीं पनपा था, तृण पर भोजन तो अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनियों में गया था, ये जो वाद पनपा है जो प्रणेता चित्र इसका माना जाएगा। प्रणेता चित्र का है, प्रमुख चित्र का है, कौन सा रहेगा? तब सूर्योदय का प्रभाव आएगा, ठीक, सनराइज इंप्रेशन या सूर्योदय का प्रभाव, सूर्योदय का प्रभाव चित्र रहेगा, इसी को क्या कहेंगे? सनराइज इंप्रेशन कहेंगे, सनराइज इंप्रेशन, ठीक है, सनराइज इंप्रेशन कहेंगे। यहाँ पर सूर्य का प्रभाव चित्रित किया गया था, एक साथ कई सारे चित्रों को चित्रित किया जाता था इसी प्रकार से, आप समझ सकते हैं उसको जो बताया जा रहा है, भली भांति उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा वाद आया? प्रभाववाद, इंप्रेशन मोस्ट रहेगा, ये जितने भी आधुनिक वाद रहे उनमें लगभग सबसे महत्वपूर्ण में आ जाता है प्रभाववाद, इंप्रेशन कहते हैं। समय का 1874 से 1886, फ्रांस में पनपा, संस्थापकों में या प्रमुख कलाकारों में क्लाद मोनेट का नाम आएगा। सूर्योदय का प्रभाव या सनराइज इंप्रेशन इसका प्रमुख चित्र रहेगा। इसका घोषणा पत्र भी आता है, किसने दिया था? तो ली राय, एक ली राय रहे हैं, या ली राय नहीं आता है तो लुई ले राय आता है, ये संस्थापक मतलब घोषणा पत्र प्रदान करने वालों में रहेंगे। कि मैनिफेस्टो किसने तैयार किया? घोषणा पत्र को ही मैनिफेस्टो कहते हैं, ठीक है, मैनिफेस्टो कहते हैं। तो इसका मैनिफेस्टो किसने तैयार किया? तो इसका घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो तैयार करने का काम जो किया था ली राय या लुई ले राय ने किया था। अब अन्य कलाकार कौन थे? उनके केवल नाम लिखने हैं, बहुत सारे कलाकार आएंगे लेकिन मेन मेन कलाकारों के आप नाम लिख लीजिएगा। जैसे एक होता है एडवर्ड माने, ओबीसी के अंतर्गत आएगा,
एडवर्ड माने, उसके अलावा एक आता है क्लाद मोले, तो आपका वहां पे लिखा हुआ एडवर्ड माने हो गया, देगा हो गया, एडगर देगा, एडगर देगा, एडगर देगा रहेगा। उसके अलावा कैमिली पिशारो कौन रहेगा, एडगर देगा के पश्चात कैमिली पेसारो पिशारो। उसके अलावा एक आता है अगस्त रेनवा, या अगस्त रेनवार का नाम आता है, अगस्त रेनवार। या उसके अलावा हेनरी द तुलूज लोत्रेक, केवल लोत्रेक का नाम लिख सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे आप लिखेंगे तो अल्फ्रेड सिसली है, जेम्स विस्लर है, वाल्टर सिकर्ट है, और भी कई सारे, जैसे मैरी कैसेट एक महिला कलाकार रही है जो देगा की शिष्या थी, लुविस कोरिंट है, मोरिस प्रेडरगास्ट है, बहुत सारे रहेंगे, लेकिन मेन कलाकार जो रहेंगे वो यही रहेंगे। मेन कौन से रहेंगे, सबसे पहले क्लाद मोने जो संस्थापक रहा है यानी कि प्रमुख कलाकारों में, उसके अलावा ये कलाकार याद रखिए, एडवर्ड माने, एडगर देगा, कैमिली पिसारो, अगस्त रेनवार और लोत्रेक। देगा जो था ये बैले डांसर था, बैले डांसर को चित्रित करने वाला प्रमुख कलाकार रहा है, ठीक, बहुत ध्यान रखिएगा। इस पर तो माने ने चित्र बनाया तरण पर भोजन, इस वाद का चित्र रहा है, क्योंकि माने के चित्र तरण पर भोजन को अस्वीकृत कर दिया गया था, जो भी एग्जीबिशन वहां पे फ्रांस में होती थी, इसीलिए वो अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी में आ जाता। संस्थापकों में प्रमुख चित्रों में सूर्योदय का प्रभाव ही रहेगा, है जरूर वो प्रभाववादी चित्र, लेकिन वो कड़ी के रूप में आता है, प्रमुख या प्रणेता चित्रों में सूर्योदय का प्रभाव आता है, क्योंकि इसका मतलब क्या था, प्रकाश, ये लोग प्रकाश को चित्रित करते थे, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट वाद कौन सा रहेगा, तो इसके पश्चात अगला वाद या समूह जो आएगा वो आएगा आपका प्रभाववाद के पश्चात, अगला समूह जो रहेगा वो आएगा नव प्रभाववाद। नेक्स्ट कौन सा आता है, तो प्रभाववाद के पश्चात अगला जो कला आंदोलन आएगा कौन सा आएगा, तो आएगा नव प्रभाववाद। तो नेक्स्ट इन डाल लीजिएगा, उसके पश्चात कौन है, तो अगला आएगा नव प्रभाववाद, इसी को कहते हैं नियो इंप्रेशनिज्म, क्या कहा जाता है, इसी को नियो इंप्रेशनिज्म भी कहते हैं, इसी को नव प्रभाववाद को बिंदुवाद भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चित्रांकन है वो पॉइंट में किया जाने लगा था, अगर रंगों को क्या करते थे, इस प्रकार से लगाते थे, उसके पहले रंगों को ब्रश से जैसे भी लगाते हो, इसको जो होता था बिंदुओं की सहायता से लगाया जाता, इसीलिए बिंदुवाद, या इसी को ऑप्टिकल मिक्सर भी कहा जाता है, इसी में ऑप्टिकल मिक्सर हुआ था। किस प्रकार से होता है ऑप्टिकल मिक्सर, पहले इसको समझ लो, ऑप्टिकल मिक्सर इसी को कहते हैं दृश्य जन्य मिश्रण। होता क्या है, जैसे आपसे कह दिया गया हमने कि आपको हरा रंग लगाना है, आप हरा रंग ना लगाएं, आप क्या करें, आप इसको पीले और नीले को बिल्कुल पास पास लगा दें, जब दूर से आप देखेंगे तो ये आपको कैसा दिखेगा, तो नीले पीले का मिश्रित होकर दिखेगा आपको, ये हरा दिखेगा, तो यही होता है ऑप्टिकल मिक्सर, दृश्य जन्य मिश्रण जो होता है यही होता है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। आगे देखिएगा कि क्या रहता है उसके अंतर्गत, तो ऑप्टिकल मिक्सर कौन सा वाद रहा है, ऑप्टिकल मिक्सचर, तो नव प्रभाववाद या बिंदुवाद, इसमें बिंदुओं की सहायता से बिंदुवाद, विभक्तिवाद, पॉइंट लिज्म, क्रोमोनिरोलिज्म, इस तरह कई सारे नाम आते हैं, लेकिन आप इतने ही ध्यान दीजिएगा। समय काल क्या माना गया, तो इसका समय काल जो रहेगा वो 1886 से माना जाएगा 1903 ईस्वी तक, क्या रहेगा, 1886 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक माना जाएगा। देश कौन सा है, इसका देश रहेगा फ्रांस। संस्थापकों में जॉर्ज स्यूरत का नाम आता है, कौन रहेंगे, जॉर्ज स्यूरत, कौन रहेंगे, जॉर्ज स्यूरत, या इसी को क्या कहेंगे, स्यूरा, जॉर्ज स्यूरत या स्यूरा का नाम आएगा, सोरा, कई कभी कभी इसका नाम सोरा भी लिख के आ जाता है, ठीक है, जॉर्ज स्यूरत आ जाए, स्यूरा आ जाए, सोरा आ जाए, कुछ भी नाम आ जाए, इन्हीं का प्रमुख रहेगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या रहेगा, ठीक है, जिसको भी आवाज नहीं आ रही अपना खुद का मोबाइल सेटअप करे, हमारे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नव प्रभाववाद, बिंदुवाद, ऑप्टिकल मिक्सर, उसी को कहेंगे, 1886 से 1903 ईस्वी तक चलता है। देश क्या था, किस देश में पनपा, फ्रांस में, और कौन से संस्थापक रहे, तो जॉर्ज स्यूरत, स्योरा या सोरा, कोई भी एक नाम, एक कलाकार एक ही, अलग नहीं है, एक ही कलाकार रहेगा। तो इसके अंतर्गत प्रमुख चित्र कौन सा आता है, तो यहाँ का जो चित्र प्रमुख रहेगा स्नान स्थल रहेगा, कौन सा है, स्नान स्थल, प्रमुख चित्र कौन सा रहेगा, स्नान स्थल। मैनिफेस्टो किसने दिया है, घोषणा पत्र किसने दिया है, तो एक रहे हैं फेल फेनियो, कौन रहे हैं, फेल फेनियो रहे हैं, उन्होंने घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो तैयार किया था इसका, उसको भी ध्यान रखिएगा, किसने तैयार किया था, तो मैनिफेस्टो तैयार करने का जो काम किया था वो फेल फेनियो ने किया था। अन्य कलाकार कौन से रहे हैं, तो अन्य कलाकारों में पॉल सिग्नान का नाम आएगा, केवल नाम लिख लीजिएगा, अन्य कलाकार कौन से हैं, तो अन्य कलाकारों में पॉल सिग्नान हो गए, या पॉल सिग्नान इन्हीं को लिख के आता है, हेनरी एट द नवर क्रॉस हो गए, हेनरी, हेनरी एंड द, या एड द, हेनरी एड, एड नवर क्रॉस, हेनरी एड नवर क्रॉस हो गए। नेक्स्ट आर्टिस्ट कौन हो गए, हेनरी एड नवर क्रॉस, एक हो गए थियो वान रसेलबर्ग,
थियोवान रसेलबर्ग, कौन रहेंगे? तो थियोवान रसेलबर्ग ये कलाकार रहेंगे। तो कौन कौन से कलाकार आए? सबसे पहले वाद समझ लो कौन सा था। सबसे पहले वाद में जो आता है आपका वो रहेगा, ठीक है, आगे देखिएगा कौन सा रहता है। तो नेक्स्ट है जैसे नव प्रभाववाद, वाद कौन सा? नव प्रभाववाद, इसी को हम बिंदुवाद कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चित्रांकन बिंदुओं की सहायता से किया गया था, जो रंग लगाए गए थे बिंदुओं की सहायता से लगाए थे, इसीलिए इसको हम बिंदुवाद या विभक्तिवाद या इसी को ऑप्टिकल मिक्सचर, मतलब परस्पर विरोधी रंगों को पॉइंट में लगाया जाता था, क्योंकि यहाँ पर रंगों को मिक्स नहीं किया जाता। ये पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा कला आंदोलन जहाँ पर रंगों को मिक्स नहीं करते थे, तो प्रभाववाद के किसी भी तत्व में मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा 1886 से 1903 तक समय काल रहेगा, देश फ्रांस रहेगा, प्रमुख कलाकारों में जॉर्ज सिवरा सिवरा या सोरा रहेगा, स्नान स्थल इसका प्रमुख चित्र रहेगा, घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो फेल फेनियो ने तैयार किया था, प्रमुख कलाकारों में पॉल सिग्नाक, हेनरी एड नवर क्लास, थियोवान रसेलबर्ग, इतने कलाकार, इतनी चीजें आएंगी। आगे देखिए उसके पश्चात नेक्स्ट कौन सा कला आंदोलन आएगा, तो प्रभाववाद की तीन कड़ियां थी, एक तो प्रभाववाद था, दूसरा नव प्रभाववाद था, तीसरा एक था उत्तर प्रभाववाद। कौन सा था? तो उत्तर प्रभाववाद था। देखिएगा कि वाद के बाद कौन सा आएगा, तो प्रभाववाद में कौन सा आएगा इसके पश्चात, तो कौन सा आता है तत्व, देखिएगा नेक्स्ट है अगला तत्व कौन सा आएगा, क्योंकि प्रभाववाद के बारे में तो हमने लिख लिया, नव प्रभाववाद के बारे में लिख लिया, अब हमारा तत्व कौन सा बचेगा, तो नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रभाववाद। कौन सा रहेगा? तो नेक्स्ट रहेगा उत्तर प्रभाववाद, तो हेडिंग डाल लीजिएगा उत्तर प्रभाववाद। उत्तर प्रभाववाद को क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। क्या कहते हैं? पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। उत्तर प्रभाववाद को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रभाववाद को पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक पनपा? तो 1880 से 1910 तक। इसका समय काल क्या रहेगा? 1880 से 1910 ईस्वी तक पनपा। आप देखिए ये न करिएगा कि नव प्रभाववाद को 1886 से 1903 लिख लिया, तो ये पहले कैसे हो सकता है? वाद में समय इधर से उधर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके बाद ही वो आए। 1880 से 1910 करेंगे, ठीक है, समय काल रहेगा, क्योंकि वो 86 में आता है, लेकिन तब भी समय पनपने तो लगा था, आर्टिस्ट तो पहले आने लगे थे, चाहे आप जिस आर्टिस्ट की बात करेंगे तो आर्टिस्ट पनपने लगा था, कार्य कुछ कुछ होने लगा था, तो उससे मतलब नहीं है। कभी क्रम आएगा तो नव प्रभाववाद के बाद उत्तर प्रभाववाद लगाना, समय अपने हिसाब से लगाना जो आएगा, ठीक है, क्रम एक सब सारी चीजें क्रम से ही लिख रही है, उसके लिए परेशान ना होना। तो देश कौन सा रहेगा? तो देश फ्रांस है। संस्थापकों में किसका नाम आएगा? तो यहाँ पर जो संस्थापक है पाल सेजान रहेगा। कौन है? पाल सेजान, पाल सेजान रहेगा। इसी को सेजा भी कहते हैं, क्या कहा जाता है? सेजा, या इसी को सेजा भी कहते हैं, कई सारे नाम आते हैं, कई जगह पे पाल सेजान ही आ जाता है, कई पर सेजा आ जाता है, और कई पे सेजान ही आ जाता है। आफ्ताब आलम सर वीडियो एंड आवाज सब सही आ रही? हाँ ठीक है, धन्यवाद, क्योंकि हमारे पास हाथ में फोन है, हम फोन से चेक कर रहे हैं, ठीक है, फोन से ही सारी चीजें हम चेक कर ले रहे हैं, हमारे पास हाथ में ही है। देखिएगा संस्थापक कौन रहेगा? पाल सेजान, सेजान या सेजान रहता है, तो इसके अंतर्गत क्या रहेगा? तो देखिएगा पॉइंट करके, तो प्रमुख चित्रों में कौन कौन सा नाम आएगा? प्रमुख चित्र देख लीजिएगा इसका, कौन सा चित्र आता है? तो यहाँ पर जो प्रमुख चित्र रहेगा वो आपका रहेगा स्नान मग्न। कौन सा रहेगा? ये रहेगा स्नान मग्न। इसने इसके अलावा हमने जब नव प्रभाववाद पढ़ा था वहां पर हमारा जो था वो था स्नान स्थल, यहाँ पर जो है वो है स्नान मग्न, ध्यान रखिएगा दोनों को। वाद कौन सा है? वाद उत्तर प्रभाववाद है, पोस्ट इंप्रेशनिज्म कहेंगे, 1880 से 1910 तक पनपा, देश फ्रांस रहेगा, संस्थापक में या प्रमुख कलाकारों में पाल सेजान, सेजान या सेजान करके कुछ भी आ जाए वही नाम है, प्रमुख चित्रों में स्नान मग्न प्रमुख चित्र रहेगा, घोषणा पत्र देने वाले कौन थे? तो रोजर फ्राई, ये वही रोजर फ्राई हैं जिन्होंने सेजान के चित्रों को लचीला आकार कहा था, और सबसे पहले घन आकृतियां जो महसूस की गई थी वो सेजा की आकृतियों में ही की गई थी, उसने जो स्टील लाइफ बनाए थे उसी में घन आकृतियां आई थी, इसीलिए इसको घनवाद का पितामह भी कहते हैं, प्रेरणा स्रोत या पितामह भी कहते हैं, और पिता में पिकासो का नाम आता है, क्योंकि इसी की आकृतियों में, सेजान की आकृतियों में सबसे पहले घन आकृतियां देखी गई थी, ठीक है। तो मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र किसने दिया? रोजर फ्राई ने। फिर प्रमुख अन्य कलाकार कौन से थे? तो दो कलाकार और हैं, एक रहेगा पॉल गॉगिन, पॉल गॉगिन। इन कलाकारों की कृतियों से बहुत सारे आंदोलन पनपे, जैसे सेजान की कला से आगे चल करके घनवाद पनपा, पॉल गॉगिन की कला से आगे चल करके प्रतीकवाद, नावी कला, फाववाद पनपा, और आगे चल करके वान गॉग जो आते हैं, वान गॉग की कला से अभिव्यंजनावाद पनपा। वान गॉग जो कलाकार रहेंगे इन्हीं को विंसेंट वान गॉग भी लिख सकते हैं, विंसेंट वान गॉग, केवल वान गॉग, तो विंसेंट वान गॉग की कला से, ठीक है, विंसेंट वान गॉग की कला से कौन सा आंदोलन पनपा? व्यंजनावाद। पॉल गॉगिन कला के आंदोलन कौन सा पनपा? तो आगे चलकर पॉल गॉगिन की कला से फाववाद, प्रतीकवाद, नावी कला, ये सारी चीजें पनपेंगी, और पाल सेजान की कला से तो घनवाद पनपा ही था, ये ध्यान रखना सिर्फ,
अब इस आंदोलन के पश्चात कौन सा आएगा, तो अगला क्या आएगा, तो नेक्स्ट वही हम प्रतीकवाद की बात करेंगे, क्योंकि सारी चीजें हमें क्रम से लिखनी है, तो क्रम हमें ध्यान रखना है कि किसके पश्चात कौन आएगा। तो नेक्स्ट हमारा है प्रतीकवाद। प्रतीकवाद को हम क्या कहते हैं, तो प्रतीकवाद को सिंबलिज्म, क्या कहते हैं, प्रतीकवाद को रहस्यवाद भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रतीकवाद को रहस्यवाद भी कहते हैं और इसी को सिंबोलिज्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंबोलिज्म भी कहते हैं, सिंबोलिज्म भी कहा जाता है। तो प्रतीकवाद को रहस्यवाद भी कहते हैं और इसी को सिंबोलिज्म भी कहते हैं। हाँ, एजुकेशन पॉइंट, रोजर फ्राई रूपवाद का प्रवर्तक था, फॉर्मलिज्म रहा है, सही आपने कहा है, वो सही है, ठीक है। रोजर फ्राई जो था रूपवाद का प्रवर्तक था, एक क्वेश्चन भी आ चुका कई बार पेपर में, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट कौन सा, स्नान मग्न वितुल चौधरी, ये स्नान मग्न युवतियां नहीं है, अगर स्नाना मग्न युवतियां कहेंगे तो रेनवार का चित्र हो जाएगा, ठीक है, वो ध्यान रखना, रेनवार का चित्र हो जाएगा, स्नान मग्न युवतियां नहीं, केवल स्नान मग्न की बात है यहाँ पे। तो देखिएगा कौन सा वाद आया उसके पश्चात, प्रतीकवाद या रहस्यवाद, उसी को सिंबोलिज्म कहा जाता है। समय काल क्या मानेगा इसका, तब इसका समय काल जो है 1885 ईस्वी आता है, कि समय काल क्या रहेगा, तो 1885 ईस्वी जो रहेगा वो इसका समय रहेगा, ठीक है। उसके अलावा किस देश में पनपा, तो अभी तक सारे जो हम पढ़ रहे हैं सारे हमारे फ्रांस के रहे हैं। संस्थापकों में किसका नाम रहेगा, तो यहाँ पर संस्थापक तो पॉल गॉगिन की कला से ही ये आंदोलन पनपेगा, तो संस्थापक में पॉल गॉगिन या कभी कभी गोंगवा, पॉल गॉगिन कभी कभी गोंगवा या गोगा का नाम आता है। पॉल गॉगिन से कौन सा भारतीय कलाकार सर्वाधिक प्रभावित था, आंसर दीजिए, पॉल गॉगिन की कला से कौन सा भारतीय कलाकार सर्वाधिक प्रभावित था, बताएं, पॉल गॉगिन की कला से सर्वाधिक कौन सा भारतीय कलाकार प्रभावित था, क्योंकि पॉल गॉगिन, हाँ अमृता शेरगिल, बिल्कुल सही है, अमृता शेरगिल, क्योंकि अमृता शेरगिल जो थी इनकी ताहिती कला, उन्होंने ताहिती द्वीप पर जो उष्णकटिबंधीय द्वीप रहा है, ताहिती द्वीप पर जो चित्रांकन किया था उसी को उनसे प्रभावित रही है काफी, तो अमृता शेरगिल रहेंगे। तो पॉल गॉगिन, गोंगवा और गोंगा कुछ भी आ सकता है, और इसका प्रणेता चित्र कौन सा रहेगा, तो पीला ऐसा, कौन सा रहेगा, पीला ईसा, या इसी को कहते हैं एलो क्राइस्ट, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एलो क्राइस्ट, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है एलो क्राइस्ट, ठीक है। तो एलो क्राइस्ट या पीला ईसा जो था ये प्रणेता चित्र रहा है इस कला आंदोलन का या इस कला समूह का। उसके अलावा घोषणा पत्र में किसी का नाम नहीं है। प्रतीकवाद, रहस्यवाद कहते हैं, सिंबोलिज्म भी कहते हैं, 1885 ईस्वी, संस्थापना का समय है फ्रांस में पनपा, पॉल गॉगिन गोंगवा या गोंगा की कला से पनपा था इसीलिए संस्थापक में उसी का नाम है। अन्य कलाकारों में, घोषणा पत्र कोई नहीं प्रतिपादित करता इसलिए अन्य कलाकारों में किसका नाम रहेगा, तो यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा ओडलिन रेडॉन, कौन रहेंगे, तो अन्य कलाकारों में ओडलिन, ओडलिन रेडॉन या रेडा करके आता है, ओडलिन रेडॉन या रोदा करके आ जाता है कभी कभी। उसके अलावा पियर बोनार कौन रहेगा, तो पियर बोनार, पियर बोनार। उसके अलावा नेक्स्ट रहेगा मोरो, ये मोरो वही है जो मातिस का गुरु रहेगा, मोरो, ये मोरो वही है, वो जो आएगा मोरो वो मातिस का गुरु रहेगा, हेनरी मातिस जो थे उन्हीं का गुरु है मोरो, और इसने मातिस को कहा भी था कि तुम हमारे सुपरिचित दुश्मन हो, उससे अच्छा कार्य करने लगा था। उसके अलावा गुस्ताव क्लिम्ट आते हैं, ये भी प्रतीकवाद के अंतर्गत आएंगे, कौन है, तो गुस्ताव क्लिम्ट कौन रहेंगे, तो गुस्ताव क्लिम्ट रहेंगे, ठीक है। गुस्ताव क्लिम्ट के पश्चात कौन आते हैं, तो हेनरी रूसो आते हैं, कौन आएंगे, हेनरी रूसो। इससे पहले हमने बारहवीं जनरल में एक थियोडोर रूसो लिखा था, तो थियोडोर रूसो और हेनरी रूसो दोनों में अलग है। पेंटिंग नहीं है रुचि रानी, वो रोडिन दूसरा है, वो दूसरा रहेगा, एडलिन रोडान नहीं है, वो ये आर्टिस्ट है, वो मूर्तिकार रहेगा, ठीक है, वो दूसरे की पेंटिंग है, ठीक है, वो मूर्तिशिल्प रहेगा गेट्स आफेल, ठीक है। आगे देखिएगा उससे संबंधित रहेगा, तो कौन कौन से कला का प्रतीकवाद, रहस्यवाद, सिंबोलिज्म कहते हैं 1885 ईस्वी में ये वाद पनपा, फ्रांस में पनपा, प्रणेता या प्रारंभकर्ता में जो नाम आता है पॉल गॉगिन गोंगवा या गोंगा का आता है, पीला ईसा प्रमुख चित्र रहेगा। उसके अलावा प्रमुख कलाकारों में ओडलिन रेडॉन, पियर बोनार, मोरो, गुस्ताव क्लिम्ट और हेनरी रूसो, ये सब प्रमुख कलाकार रहेंगे। इसी हेनरी रूसो को ही संडे पेंटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कभी आ जाए अगर संडे पेंटर कौन है, तो संडे पेंटर के नाम से जो प्रसिद्ध रहेगा वो हेनरी रूसो रहेगा, ठीक है। उसके पश्चात कौन सा कला आंदोलन आता है, तो नेक्स्ट रहेगा नावी कलाकार समूह, कौन सा रहता है, तो नेक्स्ट रहेगा नावी, और नावी कलाकार समूह का भी प्रणेता या प्रारंभकर्ता में आपको नाम पहले ही बताया गया कि पॉल गॉगिन ही रहेगा, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, हाँ।
दोनों अलग अलग रहेंगे, अगस्त रोदा और ओडलिन रोडान दोनों अलग अलग रहेंगे। तो आगे देखिएगा कि वाद या दोनों को चेक करिएगा, गूगल डालिएगा, अगस्त रोडा डालिएगा, उसके अलावा ओडलिन रोडान डालिएगा, दोनों अलग अलग डिटेल मिल जाएगा। दोनों का जन्म एक ही समय काल में है लेकिन दोनों आर्टिस्ट अलग है, एक आर्टिस्ट है एक मूर्तिकार है, ठीक है। आगे देखिएगा उसके अलावा क्या रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा उसके आगे, आगे देखिए वाद या आंदोलन कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट है नावी कलाकार समूह। कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट आंदोलन जो रहेगा कौन सा आता है, वो रहेगा नावी कलाकार समूह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन सा आंदोलन रहेगा, तो नेक्स्ट रहेगा नावी कलाकार समूह। कौन सा रहेगा, नावी कलाकार समूह। तो ये किससे पनपेगा, किस कला आंदोलन से संबंधित या प्रभावित रहेगा, तो नावी कलाकार समूह के अंतर्गत क्या आता है देखिएगा, तो नावी कलाकार समूह समय काल क्या माना जाएगा, तो नावी कलाकार समूह का समय काल है 1891 ईस्वी, 1891 ईस्वी। समय जरूर ध्यान रखिए, कहाँ पनपा, किस देश में पनपा, संस्थापक, सारे मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पेपर में कभी ना आया और बताया नहीं जा रहा है, ठीक है, या बताया जा रहा है कोई ऐसी चीज है जो बताया जा रहा है। देखिए इससे पहले जो था बहुत सारे आंदोलन या चीजें हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे कुछ हमें समझना पड़ता, यहाँ पे समझना कुछ है नहीं, सीधे संस्थापक कौन था, चित्र कौन था, प्रणेता चित्रकार कौन था, सारी चीजें आपकी पहले से डिसाइड है। तो नावी कलाकार समूह हो गया, उसके अलावा 1891 ईस्वी, 1891 ईस्वी इसका समय काल माना जाएगा। किस देश में पनपा, तो देश इसका फ्रांस ही रहेगा, कि देश क्या था, तो देश इसका फ्रांस ही रहेगा। उसके अलावा प्रमुख कलाकार जैसे संस्थापकों में नाम आता है, तो संस्थापक में जब आ गया तो इसमें दो नाम लिखेगा दो तरीके से, एक तो जैसे संस्थापक में किसका नाम आएगा, तब पॉल गॉगिन का, पॉल गॉगिन का नाम आएगा। संस्थापक कौन था, तो पॉल गॉगिन या पॉल गोंगवा संस्थापक था। लेकिन अगर उसके अलावा प्रमुख कलाकार कभी पूछता है कि नावी कलाकार समूह का प्रमुख कलाकार कौन था, तो आप पियर बोनार को सही करेंगे। प्रमुख कलाकार कौन था, तो प्रमुख कलाकार में, और ये भी ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि एक कलाकार एक आंदोलन में ही काम करे, एक कला आंदोलन में ही काम करे। प्रभाव आदि कलाकार रंगों को बिना मिश्रित करते हुए लगाते थे, सर सही, हाँ बिना मिश्रित करे प्रभाववाद में लगता था, सही है। कान काटा था विंसेंट वान गॉग ने, कान काटा था विंसेंट वान गॉग ने, ठीक है। तो पॉल गॉगिन प्रमुख कलाकारों में पियर बोनार आ जाएगा, पियर बोनार ये दो तीन आंदोलन में काम कर सकते हैं कलाकार, कोई जरूरी नहीं है कि एक आंदोलन में ही काम करे, ठीक है, कलाकार काम कर सकता है। प्रमुख चित्र कौन सा रहेगा यहाँ पे, तो नावी कलाकार समूह का जो प्रमुख चित्र है वो रहेगा आपका चिल्ड्रेन प्लेइंग हुप्स। कौन सा रहेगा, चिल्ड्रेन प्लेइंग हुप्स या केवल हुप्स करके आ जाता है, चिल्ड्रेन प्लेइंग हुप्स का है या केवल हुप्स का है, वो प्रणेता मतलब प्रणेता चित्रों में आ जाएगा। उसके अलावा मैनिफेस्टो तैयार करने वाला कोई नहीं था, तो सिर्फ प्रमुख कौन सा रहेगा, शुभम तिवारी। सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, ठीक, सारी चीजें को मेरे सामने भी चल रहा है, ठीक है। तो प्रमुख घोषणा पत्र हो गया, उसके पश्चात कौन रहेगा, तो अन्य कलाकार कौन थे, तो अन्य कलाकारों में नाम देख लीजिएगा, केवल एडवर्ड बेलार्ड, कौन थे, एडवर्ड बेलार्ड थे। अन्य प्रमुख कलाकारों में किसका नाम आता है, तो एडवर्ड बेलार्ड थे। एडवर्ड बेलार्ड के पश्चात कौन नाम आता है, तो नेक्स्ट रहेंगे मॉरिस देनी। कौन रहेंगे, मॉरिस देनी। एडवर्ड बेलार्ड के पश्चात कौन रहेगा, मॉरिस देनी रहेंगे। मॉरिस देनी के पश्चात कौन रहेंगे, तो नेक्स्ट है पॉल सेरुशियर। कौन रहेंगे, तो पॉल सेरुशियर का नाम आता है, पॉल सेरुशियर, ठीक है, मॉरिस देनी, पॉल सेरुशियर। उसके अलावा जैसे नाम आता है कौन सा रहेगा, तो पियर बोनार। यहाँ पे भी पियर बोनार कलाकारों में भी हैं और प्रमुख कलाकारों में भी हैं, तो सारे नाम आ गए आपके सामने। तो कौन सा कला आंदोलन यह रहा है, आगे देखिएगा वाद कौन सा है, तो नावी कलाकार समूह। कब स्थापित हुआ, 1891 में, कहाँ पनपा, फ्रांस में। प्रणेता कलाकार कौन रहेगा, पॉल गॉगिन, क्योंकि इसी की कला से ये पनपा था। उसके अलावा प्रमुख कलाकार जब कभी आता है तो पियर बोनार, ठीक है। उसके अलावा चिल्ड्रेन प्लेइंग हुप्स या केवल हुप्स भी आ सकता है, ये प्रणेता चित्र रहेगा। मैनिफेस्टो तैयार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए ये प्रमुख कलाकारों में एडवर्ड बेलार्ड, मॉरिस देनी, पॉल सेरुशियर और पियर बोनार, ये वहां के जो रहेंगे प्रमुख कलाकार रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि प्रमुख कलाकार कहाँ के हैं, तो ये सब वही इसी आंदोलन से संबंधित रहेंगे। अब इसके पश्चात अन्य क्या चीजें रहती हैं या क्या क्या महत्वपूर्ण आता है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या महत्वपूर्ण रहेगा, क्या चीजें आएंगी। तो नेक्स्ट कला आंदोलन, उसके पश्चात कौन सा आता है, नो आर्ट अब आएगा, नो आर्ट उसके पश्चात रहता है, तो नो आर्ट कब आएगा उसको समझ लीजिएगा कि नो आर्ट आएगा कब, ठीक है। तो नो आर्ट देखिएगा कब आता है, ठीक है। तो अब इसके पश्चात वाद या आंदोलन में नो आर्ट आएगा, नो आर्ट जो है वो पूरी तरीके से विज्ञापन से संबंधित रहेगा। नो आर्ट जो रहेगा, नो आर्ट जो रहता है वो विज्ञापन से संबंधित काम होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे पोस्टर वगैरह बनाना है
पोस्टर बनाया, डिजाइन बनाया, किसी जगह पे प्रदर्शित किया, उसको सज्जा की, इंटीरियर डिजाइनिंग की, ये सब इंटीरियर डिजाइनिंग से लेकर के पोस्टर, ये सारी चीजें जो है ये न्यू आर्ट के अंतर्गत आती है, अप्लाइड कह सकते हैं, उसी से संबंधित मान सकते हैं, या और भी जो चीजें रहे उसी से संबंधित रहेगा। तो न्यू आर्ट हो गया, उसका समय काल क्या रहेगा? तो न्यू आर्ट का जो समय काल है, इसके दो समय काल आते हैं, ठीक है। एक तो 1880 से आता है, 1880 से 1914 ईस्वी तक का समय आता है, 1914 ईस्वी तक का समय। उसके अलावा एक दूसरा समय आता है 1893 से 1906 तक का समय, 1893 से 1906 तक का समय। कोई एक ही समय इसमें आएगा, दोनों नहीं आएंगे, दोनों समय काल सही है, एक नहीं सही है, दोनों सही है। 1880 से 1914 भी सही है, 1893 से 1906 भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन डिपेंड करता है क्या सही होगा। पेरिस कहाँ पनपा? तो पेरिस में पनपा। पेरिस कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में नो आंदोलन पनपा, लेकिन आगे चल करके पूरे भारत, पूरे विश्व में फैल गया था, तो पेरिस में पनपा। संस्थापक में किसका नाम रहेगा? तो विलियम मॉरिस। आपको भी पहले बताया गया था, विलियम मॉरिस जो आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट के स्टार्ट करता भी रहे हैं, प्रारंभ करता भी रहे हैं। हाँ शुभम तिवारी, वीडियो रहेगा ये, ठीक है, वीडियो रहेगा, उसके लिए परेशान ना हो। तो विलियम मॉरिस कौन रहेगा? तो विलियम मॉरिस रहेगा इसका संस्थापक। कौन है? तो विलियम मॉरिस ही इसका संस्थापक रहेगा, ठीक है। ये संस्थापक कौन है? तो विलियम मॉरिस, जो आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट का स्टार्ट करता भी रहा है। प्रमुख चित्रों में कोई नाम नहीं आएगा, घोषणा पत्र में कोई नाम नहीं आएगा। प्रमुख कलाकारों में हमने बताया जो पोस्टर आर्टिस्ट रहेंगे, पोस्टर बैनर ये सब चित्रित करते थे, उन सब का संबंध भी संबंधित रहेगा उसी से, ठीक है। आगे देखिएगा, उसके अलावा उसी से संबंधित रहेंगे। तो घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो किसी ने तैयार नहीं किया। प्रमुख चित्रों में कोई नाम आना नहीं है। आंदोलन कौन सा है? नो आर्ट, जो कि आपका पूरी तरीके से विज्ञापन से संबंधित रहेगा। पोस्टर डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग सब से संबंधित रहेगा। 1880 से 1914 तक चला, या 93 से 1906 तक चला। किस देश में पनपा? पेरिस फ्रांस में पनपा। विलियम मॉरिस संस्थापक में आ जाएंगे, प्रमुख कलाकारों में भी उन्हीं का नाम आएगा। उसके अलावा कौन कौन से कलाकार संबंधित हैं? तो जो भी पोस्टर आर्टिस्ट रहेगा सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे जूल्स चैरेट, जैसे कौन आते हैं? जूल्स चैरेट, इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। जूल्स चैरेट का नाम बहुत फेमस रहता है। उसके अलावा क्योंकि इनको आधुनिक पोस्टरों का पिता भी माना गया है और महिलाओं की मुक्ति का पिता भी माना गया है। आगे देखिएगा, जूल्स चैरेट जो रहेंगे उसके पश्चात कौन है? तो नेक्स्ट आते हैं जूल्स चैरेट के पश्चात लोत्रेक। लोत्रेक वही है जो प्रभाववाद में रहे, वो यहाँ से भी संबंध रखते हैं। लोत्रेक के पश्चात कौन आते हैं? तो अल्फोंस मुंचा। सब पोस्टर आर्टिस्ट रहेंगे, कौन है? अल्फोंस मुंचा का नाम आता है। मुंचा लिख के आए चाहे मुंचा लिख के आए, अल्फोंस मुंचा। और उसके अलावा हेनरी वान द वेल्दे, कौन आता है? हेनरी वान द वेल्दे, कौन रहता है? हेनरी वान द वेल्दे का नाम आएगा। तो कौन कौन से अन्य कलाकारों में कौन कौन से नाम आए? तो प्रमुख कलाकारों में आपको बता दिया गया, सबसे प्रमुख कलाकार विलियम मॉरिस है, उन्हीं ने स्थापना की थी न्यू आर्ट की। और इतना समझ लेना कि विज्ञापन से, पोस्टर, इंटीरियर डिजाइनिंग, सजावट से संबंधित रहेगा आपका न्यू आर्ट। उसके अलावा प्रमुख कलाकारों में और कौन है? तो जूल्स चैरेट प्रमुख रहेंगे, क्योंकि इनको महिलाओं की मुक्ति का पिता और उसके अलावा आधुनिक पोस्टरों का पिता दोनों माना गया है। कभी भी अगर आ जाता है कि पोस्टर कलाकार, अगर जूल्स चैरेट है तो यही माना जाएगा, इसी को जूल्स चैरेट भी लिख के आ जाता है। लोत्रेक दूसरा रहेगा, इसी को हेनरी द तुलूज लोत्रेक कहते हैं, प्रभाववादी भी है और आपका नो आर्ट से भी रिलेटेड रहेगा। अल्फोंस मुंचा, हेनरी वान द वेल्दे, ठीक है। अब इसके पश्चात देखिएगा अगला कला आंदोलन कौन सा रहेगा। तो नेक्स्ट कला आंदोलन आपका आ रहा है, समय काल नेक्स्ट आएगा फाववाद की। कौन सा कला आंदोलन है? तो नेक्स्ट कला आंदोलन रहेगा आपका फाववाद, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट कला आंदोलन रहेगा फाववाद, ठीक है। फाववाद, फाववाद को क्या कहते हैं? इसी को जंगलवाद भी कहते हैं। फाववाद को जंगलवाद भी कहा जाता है। फाववाद कहें चाहे जंगलवाद कहें, इसी को फाविज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को फाविज्म भी कहते हैं। चाहे फाववाद कहें, चाहे जंगलवाद कहें, चाहे फाववाद कहें, चाहे जंगलवाद कहें, चाहे फाविज्म कहें, आप समय काल के हिसाब सब आपको समय बताया जा रहा है। जैसे पूछ रहे हैं कौन है, आरती प्रजापति सर, नावी कलाकार समूह के बाद फाववाद नहीं आएगा क्या? अब ये बताइए, नावी कलाकार समूह 1891 था, उसके बीच में जरूरी थोड़ा ना है न्यू आर्ट आ जाए। न्यू आर्ट आंदोलन जब आएगा, आपको समय के हिसाब से सारी चीजें दी जा रही है, आप उसी हिसाब से लगा लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं। बीच में और भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जो एक समय में पनपे, तो एक समय के हमें उसको तो हमें आगे पीछे करना पड़ेगा। किसी को एक ही समय में बहुत सारे आंदोलन पनपे हैं, उससे मतलब नहीं है। और यहाँ पर एक एक साल का अंतर नहीं देखा जाएगा, अगर 2-4-5 साल का अंतर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि एवरेज में आ रहा है। अगर कोई है 2 से 6 चलता है, तो कोई यहाँ पे 1 से लेकर के 5 चल गया, तो एवरेज में आ जाएंगे ना दोनों, तो उससे मतलब नहीं है। वो आपको देखना पड़ेगा, जब आएंगे कभी, अगर क्रम आएगा तो सारे नहीं आएंगे,
आपको तो सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो फाववाद, जंगलवाद को क्या कहते हैं? फाविज्म कहते हैं। कहाँ पे पनपा? तो फाविज्म आपका फ्रांस में पनपा था। और ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कला आंदोलन था जो रंगों को डायरेक्ट ट्यूब से चित्रपट पर लगाया जाता था, रंगों को चित्रपट पर लगाया जाता था डायरेक्ट ट्यूब से। आफ्ताब आलम क्या पूछ रहा है? अगर सर दोनों दिया हो तो कौन सा समय सही होगा? दोनों में से अगर नो नो आर्ट की बात होगी तो पहला वाला समय मान लिया जाएगा आपका 1880 से 1914 वाला, ठीक है, पेरिस वाला। देखिएगा समय काल क्या रहेगा फ्रांस, देश कौन सा रहेगा आपका इसका फाववाद का, तो फ्रांस हो। समय काल क्या रहेगा तो 1905 लिख लीजिएगा। समय काल क्या है तो समय काल 1905, देश कौन सा रहेगा फ्रांस, ठीक है। फाववाद को क्या कहते हैं? जंगलवाद, इसी को फाविज्म कहा जाता है। उसके अलावा देश कौन सा था? फ्रांस था। संस्थापक कौन था? तो संस्थापकों में यहाँ पे भी रहा, एक तो प्रेरणा स्रोत आता है, दो प्रकार से आता है कि एक तो प्रेरणा स्रोत आएगा कि प्रेरणा स्रोत कौन रहा है, तो गॉगिन आ जाएंगे, पॉल गॉगिन जो थे, पॉल गोगोई या गॉगिन, वो प्रेरणा स्रोत में आ जाएंगे। अगर मेन प्रमुख कलाकार की बात आएगी कौन था, तो प्रमुख कलाकार में मातिस का नाम आ जाएगा कि प्रमुख कलाकार कौन था, तो प्रमुख कलाकार में नाम है मातिस का, ठीक है। प्रमुख कलाकार मातिस है, प्रेरणा स्रोत जो रहेगा पॉल गॉगिन रहेगा, उसको ध्यान रखिएगा, पॉल गॉगिन प्रेरणा स्रोत है। उसके अलावा प्रमुख कलाकारों में मातिस रहेगा। प्रमुख चित्र कौन सा है देखिएगा, प्रमुख चित्रों में आता है जीवन का आनंद, कौन सा रहेगा? जीवन का आनंद। प्रमुख चित्र कौन सा है? जीवन का आनंद, इसी को कहते हैं जॉय ऑफ लाइफ। क्या कहेंगे? जीवन का आनंद या जॉय ऑफ लाइफ प्रणेता चित्र या प्रमुख चित्र रहेगा। उसके अलावा इसका घोषणा पत्र किसने दिया है फाववाद का, तो फाववाद का घोषणा पत्र दिया है लुईस वाक्सेल ने। किसने दिया है? लुईस वाक्सेल ने इसका घोषणा पत्र दिया है। तो ध्यान रखना घोषणा पत्र देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो घोषणा पत्र देने वाले व्यक्ति ही लुईस वाक्सेल रहे हैं, ठीक है। उसके पश्चात अन्य कलाकार कौन थे, तो अन्य कलाकारों में नाम देख लीजिएगा, एक तो आंद्रे डेरेन आता है, आंद्रे डेरेन आता है, कौन सा कलाकार रहेगा? आंद्रे डेरेन। उसके अलावा कौन सा रहता है, तो मोरिस ब्लामंग। आंद्रे डेरेन के अलावा कौन सा है, तो मोरिस ब्लामंग का नाम आएगा, मोरिस ब्लामंग। मोरिस ब्लामंग के अलावा बी आर्डस, जैसे उससे संबंधित रहता है, मोरिस ब्लामंग के अलावा राहुल डफी कौन आता है, तो मोरिस ब्लामंग के अलावा राहुल डफी आता है। राहुल डफो के अलावा जैसे आता है एक गुएरे आता है, गुएरे गुएर करके आता है, गुएर नाम याद रखिए। कौन से और भी कलाकार हैं, लेकिन हम मुख्य कलाकारों का नाम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो कौन सा वाद है, वाद या काल जो है फाववाद या जंगलवाद, इसी को फाविज्म कहा जाता है। 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, इसी समय काल का ये चित्र भी है जॉय ऑफ लाइफ। एक पिकासो का भी जॉय ऑफ लाइफ रहेगा, लेकिन वो 1946 का है, ये 1905 का रहेगा, ठीक है। तो फ्रांस में पनपा, प्रेरणा स्रोत यानी कि किसकी कला से आंदोलन पनपा, तो पॉल गॉगिन से। लेकिन प्रमुख कलाकारों में किसका नाम आता है, तो प्रमुख कलाकारों में मातिस का नाम आता है। जीवन का आनंद प्रमुख चित्र रहेगा, ये मातिस का ही चित्र है। उसके अलावा प्रमुख घोषणा पत्र किसने प्रतिपादित किया, तो लुईस वाक्सेल ने घोषणा पत्र प्रतिपादित किया। उसके अलावा आंद्रे डेरेन, मोरिस ब्लामंग, राहुल डफी, गुएर, ये जो रहे हैं ये प्रमुख कलाकारों में यहाँ पर रहेंगे, किससे संबंधित रहेंगे, तो ये प्रमुख कलाकारों में रहेंगे। अब इसके पश्चात देखिएगा कौन सा आंदोलन पनपता है, तो ये 1905 के समय काल में हम 1905 के समय काल में हम चल रहे हैं इस आंदोलन में। अब इसके पश्चात कौन सा आंदोलन आएगा, तो 1905 के बाद 1906 ईस्वी का जो समय आता है वो हमारा आता है अभिव्यंजनावाद का। तो इसके पश्चात अगला आंदोलन जो आएगा अभिव्यंजनावाद, जो इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी में, खासकर पीजीटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मिश्रण के। तो अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद को और किस नाम से जाना जाता है, तो अभिव्यंजनावाद को जाना जाता है अभिव्यक्तिवाद के नाम से। किस नाम से, तो अभिव्यंजनावाद कहें, अभिव्यक्तिवाद के नाम से कहें, इसमें क्योंकि भावनाओं को प्रधानता दी जाती है। अभिव्यक्तिवाद कहें, अभिव्यंजनावाद कहें, इसी को एक्सप्रेसनिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सप्रेसनिज्म, एक्सप्रेसनिज्म कहा जाता है। अभिव्यंजनावाद, अभिव्यक्तिवाद या क्या कहा जाता है, तो इसी को एक्सप्रेसनिज्म कहा जाता है। ये आंदोलन कब पनपा, तो इसका भी समय काल 1905 से 6 आता है, ठीक है, 1905 से 6 आएगा इसका समय काल। कहाँ पनपा, तो इसका देश जो रहेगा जर्मनी रहेगा, जर्मन में पनपे था। अभिव्यंजनावाद या व्यक्तिवाद या एक्सप्रेसनिज्म कहाँ पनपा, ठीक है, आगे देखिएगा क्या प्रमुख रहेगा। अभिव्यंजनावाद या व्यक्तिवाद जो रहेगा किससे संबंधित रहेगा, तो अभिव्यंजनावाद अव्यक्तिवाद आपका संबंधित है जर्मनी से। कब पनपा, 1905 से 6 में पनपा। संस्थापकों में एक तो प्रेरणा स्रोत, दो तरीके होते हैं, एक तो प्रेरणा स्रोत होता है, एक प्रमुख कलाकार होता है। तो इसके संस्थापकों में सबसे पहले आप देख लीजिएगा प्रेरणा स्रोत। अभी हम उत्तर प्रभाववाद के बारे में आपको बता रहे थे, तो हमने बताया था कि किसकी कला से आंदोलन पनपा, तो वान गॉग,
किसकी कला से, विंसेंट वान गॉग भी लिख सकते हैं, केवल वान गॉग भी लिख सकते हैं। तो प्रेरणा स्रोत कौन था व्यंजनावाद का, तो अव्यक्तिवाद है, व्यंजनावाद या एक्सप्रेशनिज्म का जो प्रेरणा स्रोत रहा है, प्रेरणा स्रोत में वान गॉग है। लेकिन प्रमुख कलाकारों या प्रणेता में किसका नाम आएगा, प्रणेता या प्रमुख कलाकारों में, तो मुंख का नाम आता है। मुंख, मुंख लिखा हो चाहे मुंच लिखा हो, चाहे एडवर्ड मुंख या एडवर्ड मुंच लिखा हो, सारा वही नाम रहेंगे, उसी के नाम है, वही प्रणेता में या उसी से संबंधित रहेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रेरणा स्रोत या वान गॉग जो रहेंगे, वान गॉग प्रमुख कलाकारों में रहेंगे, वान गॉग जो है प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे, इन्हीं की कला से ये आंदोलन पनपा। प्रणेता में मुंख या मुंच का नाम आ गया। फिर इसका प्रमुख चित्र कौन सा रहेगा, तो इसका प्रमुख चित्र रहेगा द क्राई। प्रणेता चित्र कौन, जो मुंख का ही रहा है द क्राई, या इसी को चीख कहते हैं। ठीक है, ये प्रमुख चित्र रहेगा द क्राई या चीख जो है इसका प्रमुख चित्र रहेगा। उसके अलावा कौन कौन से कलाकार इससे संबंधित रहे हैं, आगे देखिएगा, प्रमुख कलाकारों में कौन कौन से नाम आएंगे। घोषणा पत्र में किसी का प्रमुखतया नाम नहीं है। प्रमुख कलाकारों में अन्य कलाकारों में एक तो एमिली नोल्ड का नाम आता है, केवल नाम देख लीजिएगा कौन सा आएगा, एमिली नोल्ड। उसके अलावा आता है वैसिली कैंडिस्की, कौन आता है, वैसिली कैंडिस्की का नाम आता है, वैसिली कैंडिस्की का नाम आएगा सबसे पहले। एमिली नोल्ड है, वैसिली कैंडिस्की है, जेम्स एंसौर है, कौन आता है, जेम्स एंसौर रहेगा। एमिली नोल्ड, वैसिली कैंडिस्की, जेम्स एंसौर, उसके अलावा पॉल क्ली, कौन आता है, पॉल क्ली, पॉल क्ली का भी नाम मुख्यता से लिया जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा एरिक हैकेल, फर्डिनांड होल्डर, फर्डिनांड होल्डर लिख के आता है, या होल्डर लिख के आता है, होल्डर, फर्डिनांड होल्डर। उसके अलावा ऑस्कर कोकोस्का। उसके अलावा फ्रेंच मार्क, जैसे इंडिया में घोड़ों के चित्रण के लिए हम हुसैन को जानते हैं, उसी प्रकार से वेस्टर्न में घोड़ों के चित्रण के लिए कोई कलाकार फेमस है तो वो फ्रेंच मार्क आता है। चाहे वो लाल घोड़ों की मीनार हो, चाहे नीले घोड़ों की मीनार हो, चाहे केवल घोड़ा हो, ये सारे चित्र फ्रेंच मार्क के रहेंगे वेस्टर्न में। उसके अलावा अगस्त मैके, नेक्स्ट कलाकारों में किसका नाम आता है, तो नेक्स्ट है अगस्त मैके, ध्यान रखिएगा कौन से कलाकार आए, तो नेक्स्ट रहेंगे अगस्त मैके। ठीक है, तो कौन कौन से कलाकार किससे संबंधित रहे, सबसे पहले जैसे आया जो अव्यंजनावाद या व्यक्तिवाद, इसी को एक्सप्रेशनिज्म कहते हैं। 1905 से 6 में पनपा, देश क्या रहेगा, जर्मनी। प्रेरणा स्रोत कौन थे, विंसेंट वान गॉग प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और किसकी कला से, मतलब कौन प्रमुख कलाकार या प्रणेता रहेगा, तो वहां पे मुंख या मुंच, इन्हीं का चित्र रहा है, द क्राई या चीख, ये प्रमुख या प्रणेता चित्र रहेगा इस आंदोलन का। उसके अलावा मैनिफेस्टो कोई तैयार करने वाला नहीं रहेगा, तो अन्य कलाकारों में कौन सा नाम आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, द स्कैरी नहीं है, शुभम तिवारी, द स्कैरी नहीं है, द स्क्रीम है, वो भी मुंख का है, स्कैरी नहीं है, वो स्क्रीम है, द स्क्रीम, वो भी मुंख का ही रहेगा। तो रहेगा एमिली नोल्ड, एसली कैंडिस्की, जेम्स एंसौर, पॉल क्ली, एरिक हैकल, फर्डिनांड होल्डर, ऑस्कर कोकोस्का, फ्रेंच मार्क और अगस्त मैके, ये सब कलाकार किस आंदोलन से संबंध रखते हैं, तो ये सबके सब कलाकार जो रहे हैं ये आपके अव्यंजनावाद से संबंध रखते हैं। बाकी प्रमुख कलाकारों में, सबसे प्रमुख कलाकारों में एडवर्ड मुंख का नाम आएगा, और एडवर्ड मुंख के अलावा अगर प्रेरणा स्रोत की बात होगी तब वहां पर विंसेंट वान गॉग का नाम आएगा। ठीक है, विंसेंट वान गॉग का नाम आएगा। आगे देखिए उसके पश्चात क्या रहता है, तो अब इसके पश्चात कौन सा कला आंदोलन आएगा, तो इसके पश्चात कला आंदोलन है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, घनवाद। कौन सा रहता है, तो इसके पश्चात अगला आंदोलन जो रहेगा कला आंदोलन कौन सा रहेगा, तो अगला कला आंदोलन जो है आपका रहेगा घनवाद। कौन सा है, घनवाद, जिसको हम कहते हैं क्यूबिज्म। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि अमूर्तता की शुरुआत यहीं से होती है, अमूर्तता जो आया है, अब्स्ट्रैक्ट जो आया है, वो यहीं से मुख्यता माना जाता है। तो घनवाद, इसको और क्या कहते हैं, तो घनवाद को ही कहते हैं क्यूबिज्म, क्यूबिज्म कहा जाता है, क्या कहते हैं, क्यूबिज्म कहा जाता है इसको, घनवाद को क्या कहा जाता है, क्यूबिज्म। ठीक है, क्यूबिज्म कहेंगे। समय काल क्या रहेगा इसका, तो इसका समय काल जो रहता है 1907 से लेकर के 25 ईस्वी का जो समय है वो इसके समय काल में आएगा, कि 1907 में शुरुआत हुई। ठीक, हाँ, द स्क्रीम मुंच का है, ज्योति भास्कर सही है, स्क्रीम मुंच का रहेगा। तो देखिएगा उसके पश्चात जो घनवाद जो रहता है, डी ब्रुक ड्रे ब्लू राइडर, ये दोनों समूह है, ये व्यंजनावाद के अंतर्गत दो समूह रहे हैं, ये डी ब्रुक रहा है, ये डेर ब्लू राइडर रहा है, दोनों उसी के समूह रहे हैं, दो खंडों में रहा है वो, दोनों उसी के समूह है। ठीक है, जब डिटेल कभी बताई जाएगी उसकी, तो उसके अंतर्गत आएगा, या आप उसको पढ़ेंगे इसके हिसाब से, इसी फॉर्मेट को लेके आप पढ़ेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। तो वाद या काल कौन था, तो घनवाद था, उसके बाद इसको क्या कहते हैं, क्यूबिज्म कहते हैं, अमूर्तता की शुरुआत भी यही से मानी जाती है मुख्यतः। 1907 से 1925 ईस्वी का जो समय माना जाएगा, 1907 से 1925,
देश कौन सा रहेगा, तो घनवाद भी जो है वो आपका फ्रांस में पनपा है। कहाँ पनपा है? फ्रांस में। यहाँ पे भी प्रेरणा स्रोत पिता या प्रारंभकर्ता दोनों में अंतर आ जाएगा। तो ये किसकी कला में सबसे पहले घन आकृतियां देखी गई थी? क्वेश्चन बताइए आंसर, किस कलाकार की कलाकृतियों में सबसे पहले घन आकृतियां देखी गई थी? बताएं। हाँ सेजान, शुभम तिवारी जी आपका क्वेश्चन है, सर पिकासो का पहला चित्र और अंतिम चित्र कौन सा था घनवाद का? तो पहला चित्र उसका था अविनो की स्त्रियां, डेमेसिस द अभिज्ञान, या अविनो की स्त्रियां 1907 में। और तीन नर्तक जो था उस चित्र को बनाने के बाद उसने घनवाद छोड़ करके यथार्थवाद में काम किया था। तो तीन नर्तक जो है वो घनवाद का अंतिम चित्र रहेगा और अविनो की स्त्रियां जो है पहला चित्र रहेगा पिकासो का घनवाद के अंडर में, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रांस देश कौन सा है? फ्रांस रहेगा। उसके अलावा देखिएगा क्या रहेगा, ठीक है, इससे संबंधित रहेगा। तो घनवाद यानी कि क्यूबिज्म, समय काल 1907 से 1925 रहेगा। समय काल क्या रहेगा? 1907 से 1925, देश फ्रांस रहेगा। प्रेरणा स्रोत या पितामह अगर आता है, प्रेरणा स्रोत आ जाए चाहे पितामह आ जाए, कौन था? तो प्रेरणा स्रोत और पितामह में जो नाम आता है वो आता है पाल सेजान का नाम, जो उत्तर प्रभाववाद के पिता रहे हैं, तो पाल सेजान का नाम आएगा। लेकिन उसकी जगह पर अगर आ जाता है कि संस्थापक में, अगर संस्थापक या पिता आ जाए, पिता कौन था, तो पिता में जब नाम सही होगा, या पिता या प्रारंभकर्ता में जब नाम आता है कि पिता या प्रारंभकर्ता कौन था, पिता या प्रारंभकर्ता कौन था, उस स्थिति में जो नाम आएगा वो पिकासो का रहेगा कि पिता या प्रारंभकर्ता कौन था। तो इस आंदोलन का यानी कि घनवाद का पिता या प्रारंभकर्ता जो रहा है वो आपका पिकासो रहेगा, कि पिता या प्रारंभकर्ता कौन था, तो पिकासो रहेगा। तो वाद कौन सा हो गया? घनवाद या क्यूबिज्म कहते हैं। 1907 से 1925 तक चलता है। देश कौन सा रहेगा? फ्रांस। प्रेरणा स्रोत या पितामह में किसका नाम रहेगा? तो पाल सेजान। पिता जो रहेगा, मतलब इन्हीं की कृतियों में सबसे पहले घन आकृतियां देखी गई थी, तो घनवाद का विकास इन्हीं से माना गया था स्टार्टिंग में। तो पिता या प्रारंभकर्ता कौन रहेंगे? पिकासो। प्रमुख चित्र में कौन सा नाम आता है? तो प्रमुख चित्र इनका रहेगा अविनो की स्त्रियां। कौन रहेगा? अविनो। ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र रहेगा, अविनो की स्त्रियां। ये पिकासो का पहला घनवादी चित्र था, ठीक है, अविनो की स्त्रियां, जो कि 1907 में बना था। तो 1907 में इसी चित्र को बनाने के बाद में घनवाद की स्टार्टिंग की थी, और उसके अलावा अंत इनका जो किया था, तो एक तीन नर्तक चित्र इन्होंने बनाया था पिकासो ने। उस चित्र को बनाने के बाद उन्होंने घनवाद को छोड़ करके अति यथार्थवाद में काम करना शुरू किया था। तो अविनो की स्त्रियां हो गया। उसके पश्चात घोषणा पत्र देने वाले कौन है? तो घोषणा पत्र और नामकरण दोनों में अलग अलग रहेगा। तो घोषणा पत्र जिन्होंने दिया है उनका नाम है गिल्ल्यू अपोनायर। क्या नाम है? गिल्ल्यू अपोनायर। घोषणा पत्र किसने दिया? तो गिल्ल्यू अपोनायर ने घोषणा पत्र दिया। उसके अलावा नामकरण करने वाले व्यक्ति कौन रहे हैं? तो नामकरण किया है लुईस वाक्सेल ने। किसने नामकरण किया है? तो नामकरण करने वाले जो व्यक्ति रहे हैं वो रहे हैं लुईस वाक्सेल। कि नामकरण किसने किया है? तो नामकरण किया है लुईस वाक्सेल ने। उसके अलावा घोषणा पत्र किसने लिखा है, या मैनिफेस्टो किसने तैयार किया है? तो मैनिफेस्टो तैयार किया या घोषणा पत्र लिखने का जो काम किया है वो गिल्ल्यू अपोनायर ने किया है। उसके अलावा नामकरण किसने किया है? तो लुईस वाक्सेल ने किया। ध्यान रखिएगा, नामकरण में लुईस वाक्सेल और घोषणा पत्र में आपका गिल्ल्यू अपोनायर का नाम आएगा। उसके पश्चात प्रमुख कलाकार, अन्य कलाकार कौन रहेंगे? तो यहाँ पर जॉर्ज ब्राक सेकंड कलाकार कौन रहे हैं? पिकासो के बाद जो नाम आता है जॉर्ज ब्राक का आता है। उसके अलावा फर्नालेजे का नाम आता है। कौन है? तो फर्नालेजे रहेंगे। और एक रहेंगे हॉर्नग्रीस। कौन रहेंगे? एक रहेंगे हॉर्नग्रीस। सारे नाम याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन सा आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा घनवाद रहेगा। घनवाद का समय काल क्या रहेगा? 1907 से 1925। हर एक आंदोलन का इंग्लिश नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, अगर कोई अदर नाम हिंदी का भी है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो घनवाद 1907 से 1925 में पनपा। किस देश में पनपा? फ्रांस में पनपा। प्रेरणा स्रोत या पितामह, सबसे पहले घन आकृतियां किसकी आकृतियों में देखी गई? तो पाल सेजान की कृतियों में। पिता या प्रारंभकर्ता में जो नाम आएगा पिकासो का नाम आएगा। अविनो की स्त्रियां जो है इसका प्रमुख चित्र या प्रथम चित्र माना जाएगा, जो 1907 में पिकासो द्वारा बनाया गया। इस वाद का घोषणा पत्र जो तैयार किया है गिल्ल्यू अपोनायर ने, और नामकरण जो किया है लुईस वाक्सेल ने किया है। अन्य कलाकार कौन से रहे? तो जॉर्ज ब्रॉक, फर्नालेजे और हॉर्नग्रीस जो रहे हैं वो इसके प्रमुख कलाकार हैं। जो हॉर्नग्रीस है इसको कहा जाता है थर्ड मॉस्केटियर ऑफ क्यूबिज्म, यानी कि घनवाद की तीसरी बंदूक बोला गया इसको। आगे देखिएगा उसके पश्चात अगला कला आंदोलन कौन सा आएगा हमारा घनवाद के पश्चात, ठीक है। आगे देखिएगा इसके पश्चात क्या रहेगा,
तो नेक्स्ट डिटेल में अभी सारी चीजें हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें सारी चीजें कवर करके चलनी है, इसलिए जब कभी आगे करवाएंगे तो वहां पे डिटेल बताई जाएगी। अभी फिलहाल जो चीजें हैं उनको कवर करके चलो, ठीक है। ज्यादा बटोरने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, सबसे पहले चीजें होती है उनको समझ लेना चाहिए, ये वो चीजें तो हमें बाद में मिल जाएंगी। अगर आप पूरा प्रॉपर समझ गए तो आपको ये चीजें समझने में कोई समस्या होगी ही नहीं। आगे देखिएगा, उसके पश्चात वाद, या थोड़ी देर हम फोन रख देते हैं, कमेंट किसी के नहीं देख रहे हैं, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। देखिएगा वाद या काल कौन सा है, उसके पश्चात कौन सा आंदोलन आता है, घनवाद के पश्चात कौन सा आएगा, तो घनवाद के पश्चात जो हमारा अगला कला आंदोलन आएगा कौन सा रहेगा, तो घनवाद के पश्चात आता है भविष्यवाद। कौन सा आता है, तो घनवाद के पश्चात आएगा भविष्यवाद, जिसको हम कहते हैं फ्यूचरिज्म। फ्यूचरिज्म कहते हैं फ्यूचरिज्म, घनवाद के बाद कौन आता है, तो भविष्यवाद, जिसको क्या कहा जाता है, फ्यूचरिज्म। ये कब पनपा, तो ये 1909 से लेकर के 10, मुख्य समय 1909 माना जाएगा, अगर 9 नहीं है तो 10 भी सही हो सकता है, वैसे मुख्य 9 ही रहेगा। तो कौन सा वाद या काल है, तो भविष्यवाद, या इसी को कहते हैं फ्यूचरिज्म, 1909 से 10 में पनपा। कौन सा देश इसका रहेगा, तो देश में इसका आता है इटली। देश कौन सा रहेगा, तो देश है इटली। उसके अलावा संस्थापक में कौन आता है, तो कवि रहे हैं फिलिप्पो तोमाशो मारिनेत्ती। कौन रहेंगे, फिलिप्पो तोमाशो मारिनेत्ती, ये संस्थापक रहेंगे, ये कवि थे। ये कौन थे, ये कवि रहे हैं, ध्यान रखिएगा कौन थे, तो कवि थे। क्या नाम है संस्थापक का, तो फिलिप्पो तोमाशो मारिनेत्ती रहेंगे। उसके अलावा प्रमुख चित्र कौन सा रहेगा, तो इसका प्रमुख चित्र जो है लेडी विद डॉग रहेगा, जो कि जाचा मोल्ला बल्ला का रहेगा, जाचा मो बल्ला का, इनका नहीं है। प्रमुख चित्र ध्यान दीजिएगा कौन सा रहेगा, तब ये रहेगा लेडी विथ डॉग, लेडी विथ डॉग, लेडी विथ डॉग रहेगा। उसके अलावा प्रमुख चित्र तो हो गया लेडी विथ डॉग, फिर उसके अलावा घोषणा पत्र किसने तैयार किया, तो यही फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती ही रहेंगे, मारिनेत्ती ही घोषणा पत्र तैयार करेंगे। ये चित्र जो है लेडी विथ डॉग वाला, ये जियाचामो बल्ला का है, ठीक है। किसका है, जियाचामो बल्ला का रहेगा, जो आर्टिस्ट आते हैं जियाचामो बल्ला, उन्हीं का रहेगा लेडी विथ डॉग चित्र, जो इसका प्रणेता चित्र रहा है, प्रमुख चित्र रहा है। घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो किसने तैयार किया, तो वही फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती ने ही घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो तैयार किया था। उसके अलावा अन्य कलाकार कौन आते हैं, तो अन्य कलाकारों में आते हैं अम्बर्तो बोचियानी। कौन आते हैं, अम्बर्तो बोचियानी, अन्य कलाकारों में अम्बर्तो बोचियानी कॉमा करके नाम आता है, जियाचामो बल्ला, जो आपने अभी नाम लिखा है ऊपर, जियाचामो बल्ला। अम्बर्तो बोचियानी के पश्चात कौन आता है, तो जियाचामो बल्ला आते हैं। जियाचामो बल्ला के पश्चात कार्लो कारा आते हैं, कार्लो कारा, कौन आते हैं, कार्लो कारा, ये प्रमुख कलाकार है। और भी कई सारे कलाकार हैं, लेकिन सिर्फ हम मुख्य कलाकारों की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से मुख्य कलाकार रहे हैं। तो अन्य कलाकारों में अम्बर्तो बोचियानी, जियाचामो बल्ला, ठीक है, ये सारे नाम रहते हैं। तो अम्बर्तो बोचियानी, जियाचामो बल्ला, इन सभी का नाम आएगा। तो आगे देखिएगा उसके पश्चात क्या प्रमुख रहता है या क्या चीजें आती हैं, तो अम्बर्तो बोचियानी, जियाचामो बल्ला, और उसके अलावा कार्लो कारा, ये प्रमुख कलाकार रहे हैं। इसका एक सिद्धांत भी है, इस वाद का एक सिद्धांत भी रहेगा, वो भी देख लेना, क्योंकि आप कुछ सिद्धांत भी आने लगेंगे, वो भी आपका बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि सिद्धांत क्या रहा है, ठीक है। तो कौन सा सिद्धांत इसका है, तो इसका सिद्धांत है समयावच्छेद, याद रखना समयावच्छेद। समयावच्छेद को और क्या कह सकते हैं, ब्रैकेट में सिमिलुटेनिटी, क्या कहते हैं, सिमिलुटेनिटी जो रहेगा, सिमिलुटेनिटी जो है, ये आपका समयावच्छेद का सिद्धांत या सिमिलुटेनिटी का जो सिद्धांत रहेगा वो इसी के अंतर्गत आएगा। सिद्धांत कौन सा रहेगा, तो सिमिलुटेनिटी का सिद्धांत रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट कौन सा रहेगा, तो या क्या चीजें रहती हैं, सबसे पहले भविष्यवाद फ्यूचरिज्म आंदोलन है, 1909 से 1910 ईस्वी में पनपा, इटली में पनपा। कौन से संस्थापक रहेंगे, तो ये कवि संस्थापक रहे हैं, फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती, जो कि इटालियन कवि थे। उसके अलावा प्रमुख चित्रों में जो इस आंदोलन का प्रमुख चित्र हो, लेडी विद डॉग है, जो कि जियाचामो बल्ला ने दिया था या प्रमुख बनाया था। घोषणा पत्र किसने तैयार किया, तो यही फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती ने ही इसका घोषणा पत्र तैयार किया है। अन्य कलाकारों में जो नाम आता है, अम्बर्तो बोचियानी, जियाचामो बल्ला, कार्लो कारा का नाम आएगा। उसके अलावा सिद्धांत कौन सा था, तो समयावच्छेद या सिमिलुटेनिटी जो है इसका सिद्धांत है। इसका मतलब क्या होता है, फिगर इन मोशन, इसमें गति दर्शाई जाती है। क्या दर्शाया जाता है, गति दर्शाई जाती है, फिगर इन मोशन, इसमें गति दर्शाई जाती है, ठीक है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट कला आंदोलन कौन सा आएगा, तो इसके पश्चात कौन सा आंदोलन है, देखिएगा, ठीक है, कि भविष्यवाद, भविष्यवाद में सिमिलुटेनिटी या ऐसा कौन सा आंदोलन है जो गति को दर्शाता है, ठीक है। तो गति को दर्शाने वाला जो आंदोलन आता है वो यही नाम आएगा, कि गति को दर्शाने वाला आंदोलन कौन था, तो इसी का नाम ध्यान रखिएगा, गति को दर्शाने वाला आंदोलन ये रहा है, ठीक है। इसके पश्चात देखिए अगला आंदोलन कौन सा आता है,
आगे देखिएगा अगला आंदोलन कौन सा आता है, तो नेक्स्ट रहेगा रश्मिवाद या किरणवाद। रश्मिवाद, रश्मिवाद या इसी को क्या कहते हैं, तो रश्मिवाद या किरणवाद इसी को कहा जाता है, इसी को ब्रैकेट में कहा जाता है रेयोनिज्म। क्या कहते हैं, तो रश्मिवाद या किरणवाद या इसी को कहा जाता है रेयोनिज्म, रेयोनिज्म। ठीक है, रेयोनिज्म कहें, रश्मिवाद कहें, किरणवाद कहें, एक ही रहेगा। कब पनपा, इसके समय काल में कई सारे समय आएंगे, लेकिन बिल्कुल सही समय जो है वो 1910 ईस्वी है। 1910 ईस्वी जो रहेगा बिल्कुल सही समय रहेगा। कहां पनपा रश्मिवाद, तो ये आपका रूस में पनपा, रूस में, रशियन से संबंधित रहा है, रूस में पनपा था। ठीक है, तो क्या समय रहेगा, 1910 ईस्वी इसका समय रहेगा। कौन सा वाद या कला आंदोलन रहा है, तो रश्मिवाद किरणवाद, इसको हम रेयोनिज्म कहते हैं, 1910 में पनपा। प्रमुख कलाकारों में क्या रहेगा, तो यहाँ पर मिखाइल लारियोनेव। संस्थापक कौन था, तो संस्थापकों में मिखाइल लारियोनेव रहेगा। मिखाइल लारियोनेव जो रहेगा, ये संस्थापक रहता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या रहेगा, मिखाइल लारियोनेव जो रहेगा, ये आपका संस्थापक, ये पूछा गया था, यहाँ पर एक अभिव्यक्ति की गई थी, उसका भी नाम आएगा, कि इसका भी सिद्धांत एक रहेगा, उस सिद्धांत का नाम अभी आएगा, तो सिद्धांत पहले लिख लीजिएगा, क्योंकि इस बार एक नेट के पेपर में एक बार आ चुका है कि चतुर्थ आयाम की अभिव्यक्ति, चतुर्थ आयाम की अभिव्यक्ति किसमें की गई थी, तो चतुर्थ आयाम, जैसे क्या होता है, चतुर्थ आयाम 3D तक होता है, 3D तक दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर जो था चौथे आयाम को भी देखने का प्रयास किया गया। वैसे तो 3D होता है, 3D, लेकिन यहाँ पे 4D का इफेक्ट लिया गया था, मतलब प्रयास किया गया था। तो कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले चतुर्थ आयाम की व्यक्ति की थी, तो मिखाइल लारियोनेव। किस चतुर्थ आयाम की व्यक्ति किस काल आंदोलन से संबंधित है, तो आपकी रश्मिवाद या किरणवाद से ही चतुर्थ आयाम की व्यक्ति संबंधित रहेगी, उसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, उसके पश्चात मिखाइल लारियोनेव हो गया आपके प्रमुख संस्थापकों में। यहाँ पर प्रमुख चित्रों के जैसे नाम आता है, तो कोई प्रमुख चित्र नहीं रहेगा, उसकी जगह पे सिद्धांत याद रखना कि चतुर्थ आयाम के व्यक्ति किसका सिद्धांत रहा है या किसका चित्र रहा है, तो मिखाइल लारियो का नाम आ जाएगा। कभी कभी केवल लारियोनेव का नाम आता है, ठीक है। उसके अलावा घोषणा पत्र जो आता है किससे संबंधित रहेगा, तो घोषणा पत्र में भी यहाँ पे जो नाम रहेगा वो मिखाइल लारियोनेव का ही रहेगा, इन्होंने ही घोषणा पत्र दिया था। तो नाम लिख लीजिएगा मिखाइल लारियोनेव, मतलब वही संस्थापक है और वही घोषणा पत्र लिखने वाले हैं, वही सिद्धांत देने वाले हैं। उसके अलावा अन्य कलाकारों में जो नाम आता है, वो लारियोनेव की पत्नी ही थी नताली, इन्हीं को नतालिया या नताली कहा जाता है, नताली या इन्हीं को नतालिया लिख के आ जाता है। ये यही रही है, मिखाइल लारियोनेव की पत्नी ही है, नतालिया या नताली जो है ये मिखाइल लारियोनेव की पत्नी ही रहेंगी। तो सबसे पहले कौन सा कला आंदोलन है आपका, तो रश्मिवाद या किरणवाद, रेयोनिज्म कहते हैं। कब पनपा, कहाँ पनपा, तो 1910 ईस्वी में रूस में पनपा था। उसके अलावा लारियोनेव या मिखाइल लारियोनेव जो है संस्थापक माने जाएंगे, और उन्होंने ही एक अभिव्यक्ति की थी चतुर्थ आयाम, नॉर्मली 3D तक होता है, लंबाई चौड़ाई और गहराई दिखती है, लेकिन इन्होंने चौथा आयाम भी देखने का प्रयास किया था। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चतुर्थ आयाम की अभिव्यक्ति किससे मानी जाती है या किसने की थी, तो लारियोनेव नाम या तो रहेगा या रश्मिवाद नाम रहेगा, ठीक है। प्रमुख चित्रों में यहाँ पर कोई चित्र नहीं आएगा, सिर्फ प्रमुख अन्य कलाकारों में नताली जो कि मिखाइल लारियोनेव की पत्नी ही थी, उन्हीं का नाम आता है, ठीक है। उसके पश्चात अगला कला आंदोलन कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट क्या रहेगा, अगला कला आंदोलन का नाम लिखिएगा। तो रश्मिवाद के बाद जो अगला कला आंदोलन आता है सुरीलवाद, कौन सा रहता है, तो नेक्स्ट आता है आंदोलन अगला कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट रहेगा सुरीलवाद, ठीक है। क्या सा आंदोलन रहेगा, तो नेक्स्ट है सुरीलवाद। सुरीलवाद को और क्या कहते हैं, तो सुरीलवाद को कहते हैं ऑर्फिज्म। क्या कहते हैं, ऑर्फिज्म कहा जाता है। सुरीलवाद को क्या कहा जाता है, तो ऑर्फिज्म कहते हैं, ठीक है, ऑर्फिज्म या सुरीलवाद कहा जाता है। कब पनपा, तो इसका समय काल जो है 1912 ईस्वी रहेगा, कि सुरीलवाद को पनपने का समय क्या रहेगा, तो सुरीलवाद को जो पनपने का समय है, फिगर इन मोशन जो है विनोद यादव, फिगर इन मोशन हमेशा भविष्यवाद ही सही होगा, ठीक, उसी को कहते हैं सिमिलिटेनिटी या समयावच्छेद। तो वाद या काल जो है सुरीलवाद और फिज्म कहेंगे, समय 1912 ईस्वी इसका माना गया है। उसके अलावा किस देश में पनपा सुरीलवाद, तो ये फ्रांस में पनपा था। किस देश में पनपा था, तो सुरीलवाद जो पनपा है आपका फ्रांस में पनपा है। संस्थापक में कौन रहेगा, तो यहाँ पर रॉबर्ट डेलोने एक कलाकार रहे, कौन से हैं, तो रॉबर्ट डेलोने का नाम आता है, रॉबर्ट डेलोने, रॉबर्ट डेलोने जो रहेंगे ये संस्थापक रहेंगे। प्रमुख चित्र कौन सा रहेगा इसका, तो रॉबर्ट डेलोने संस्थापक रहे, प्रमुख चित्र इसका रहा एफेल मीनार। कौन सा रहेगा, एफेल मीनार प्रमुख चित्र रहेगा, एफेल टावर जो रहता है एफेल मीनार कहा गया उसी को, एफेल मीनार। उसके अलावा इसका भी एक सिद्धांत है, कौन सा रहेगा, तो लिखिएगा समयावच्छेदी खिड़कियां। कौन सा सिद्धांत रहेगा, तो इसका सिद्धांत रहेगा समयावच्छेदी खिड़कियां।
समया वच्छेदी खिड़कियां, कौन सा रहेगा देखना, समया वच्छेदी खिड़कियां इसका भी सिद्धांत में अगर आता है तो समया वच्छेदी खिड़कियां प्रमुख रहेगा। ठीक है, तो कौन सा प्रमुख चित्र कौन सा होगा, एफएल मीनार, प्रमुख कलाकार या संस्थापक में रॉबर्ट डेलो ने, प्रमुख चित्रों में एफएल मीनार, घोषणा पत्र देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सुनील वाद का भी घोषणा पत्र जो दिया है वो गिल्लू अपो नायर ने दिया है। किसने दिया है, गिल्लू अपो नायर जो रहे यही रहेंगे इसके संस्थापक, मतलब घोषणा पत्र देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो गिल्लू अपो नायर। वाद कौन सा है, सुनील वाद, इसी को क्या कहते हैं और फिज्म कहते हैं। 1912 ईस्वी में ये वाद पनपा, कहाँ पनपा, फ्रांस में, किस कौन संस्थापक था, रॉबर्ट डेलो ने, कौन सी कलाकृति इस वाद की प्रमुख कलाकृति रहेगी, तो आपकी एफएल मीनार, मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र देने वाले व्यक्ति कौन से रहे, तो गिल्लू अपो नायर। फिर अन्य कलाकार कौन से रहते हैं इसके, तो अन्य कलाकारों में एक रहता है कुपका, नाम याद रखेगा, कुपका कौमा, कुपका के अलावा मार्गल रसेल, कौन रहता है, मार्गल रसेल, मार्गल रसेल रहता है, मार्गल रसेल, मार्गल रसेल, उसके अलावा कुपका मार्गल रसेल, जैसे कहता है मैकडोनाल्ड राइट, कौन सा है, मैकडोनाल्ड राइट, मैकडोनाल्ड राइट, मैकडोनाल्ड राइट का नाम आता है। उसके पश्चात कौन कलाकार है, तो नेक्स्ट है सोनिया टर्क, कौन सा नाम आता है, सोनिया टर्क, बस इसके अलावा और कोई कलाकार नहीं। ज्यादा ज्यादा अगर आपसे पूछा जाता है तो या तो कुपका पूछेगा या मार्गल रसेल पूछेगा, मार्गल रसेल पूछेगा और कोई नाम नहीं आएगा। मेन ध्यान रखो रॉबर्ट डेलो ने जो है ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। सुरील वाद या ऑर्फिज्म वाद है 1912 में पनपा, फ्रांस में पनपा, प्रमुख या संस्थापक में कलाकार प्रमुख आ जाए चाहे संस्थापक में, दोनों में जो नाम आएगा रॉबर्ट डेलोने का आएगा। एफएल मीनार प्रमुख कलाकृति रहेगी, गिल्लू अपो नायर जो रहेगा ये घोषणा पत्र या नामकरण वाला रहेगा, नामकरण या घोषणा पत्र किसने दिया। अन्य कलाकारों में कुपका, मार्गरेट मैकडोनाल्ड राइट, मार्गल रसेल, सोनिया टर्क। समयावच्छेदी खिड़कियां जो रहेगा ये इसका सिद्धांत रहता है। ठीक, समयावच्छेदी खिड़कियां जो रहेगा ये सिद्धांत रहेगा। अब इसके पश्चात हम किस कला आंदोलन की तरफ चलेंगे, तो अगला कला आंदोलन जो है वो रहेगा सर्वोच्चवाद, कौन सा रहता है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, अगला कला आंदोलन कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट रहेगा सर्वोच्चवाद। ठीक है, कौन सा कला आंदोलन है वो रहेगा सर्वोच्चवाद। ठीक है, देखिए कौन सा रहता है, तो अगला कला आंदोलन जो रहेगा वो रहेगा सर्वोच्चवाद। ठीक है, सर्वोच्चवाद, इसको क्या कहते हैं, सर्वोच्चवाद को, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सुपरमेटिज्म। सर्वोच्चवाद को क्या कहते हैं, सुपरमेटिज्म, सुपरमेटिज्म क्या कहा जाता है, सर्वोच्चवाद को ही कहा जाता है सुपरमेटिज्म। समय काल क्या रहेगा सर्वोच्चवाद का, तो 1913 ईस्वी, क्या रहेगा सर्वोच्चवाद का समय जो है, सर्वोच्चवाद कहें चाहे सुपरमेटिज्म कहें, समय काल क्या रहेगा 1913 ईस्वी। उसके अलावा किस देश से संबंधित रहा है, तो सर्वोच्चवाद का जो समय काल रहेगा क्या रहेगा, तो 1913 ईस्वी। देश क्या रहेगा, तो इसका भी संबंध जो रहा है मास्को से रहा है, कहां से, मास्को, और मास्को कहां पड़ता है, तो मास्को पड़ता है आपका रूस में। सर्वोच्चवाद कहें सुपरमेटिज्म कहें, कब पनपा, 1913 ईस्वी में, क्या कौन सा देश रहेगा, तो मास्को, मास्को कहां पड़ता है, रूस में पड़ता है। प्रमुख संस्थापकों में या कलाकारों में जो नाम आएगा वो आएगा काजमीर मालेविच, किसका नाम आता है, काजमीर मालेविच का नाम आता है, काजमीर मालेविच का नाम आएगा, यहाँ पे मुख्यतः मालेविच करके आता है। प्रमुख चित्रों में एक इनका चित्र रहा है सफेद पर सफेद, कौन सा है, सफेद पर सफेद जो है वो इस वाद का प्रणेता चित्र या प्रमुख चित्रों में रहेगा। उसके अलावा ना तो अन्य कोई घोषणा पत्र लिखने वाले व्यक्ति रहे हैं, ठीक है, ना तो कोई अन्य कलाकारों में नाम आएगा प्रमुख, ना तो कोई सिद्धांत आएगा, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कौन सा वाद है हमारा, तो सर्वोच्चवाद रहेगा। समय काल क्या रहेगा, 1913 ईस्वी रहेगा। देश कौन सा रहेगा, मास्को, मास्को कहाँ पड़ता है, रूस में। कौन संस्थापक रहेगा, काजीमीर मालेविच। सबसे ज्यादा वाद जो आए हैं फ्रांस में आए हैं, उसके अलावा कहाँ कहाँ है ध्यान रखिएगा। प्रमुख चित्र कौन सा है, सफेद पर सफेद, बाकी कोई डिटेल इसकी नहीं रहेगी। तो इसके पश्चात देखिएगा अगला कला आंदोलन कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सर्वोच्चवाद के पश्चात कौन है, तो अगला आएगा आपका रचनावाद। ठीक, जिसके अंतर्गत ये इंस्टॉलेशन वगैरह का भी प्रयोग कर लिया जाता है, वही आपका रहेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, उसके पश्चात अगला वाद या काल कौन सा रहता है, तो नेक्स्ट है संरचनावाद, कौन रहता है, अगला वाद जो रहेगा आपका संरचनावाद रहेगा, इसी को हम रचनावाद भी कहते हैं। ठीक है, चाहे संरचनावाद कहें चाहे रचनावाद कहें, इसको और क्या कहते हैं, तो कंस्ट्रक्टिविज्म, क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है इसी को। संरचनावाद या रचनावाद या उसी को कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है। ये कब पनपा, तो इसका भी समय काल 1913 रहेगा। देखिएगा आप, दो समय काल एक जैसे हैं तो कभी पेपर में दोनों वाद का सीरियल एक साथ नहीं आएगा, उनमें से कोई एक ही आएगा।
अगर बाई चांस आ भी जाता है तो हमें अन्य ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख के लगाना होगा कि उनमें से सही कौन सा आ रहा है। तो वाद या काल कौन सा है, संरचनावाद या रचनावाद, उसी को कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। समय काल 1913 ईस्वी रहेगा। ये वाद कहाँ का रहा है, तो यह वाद भी जो है ये रूस का रहेगा। कि किस देश का वाद रहा है, तो वाद भी ये रूस का ही रहेगा। ठीक, कहाँ का है, रूस का। फिर प्रमुख कलाकार या संस्थापकों में जो नाम आता है कौन सा, तो व्लादिमीर टाटलिन। व्लादिमीर टाटलिन इस वाद के संस्थापक थे, इसीलिए इस संरचनावाद या रचनावाद को टाटलिन वाद के नाम से भी कभी कभी आ जाता है कि टाटलिन वाद कौन सा है। तो संरचनावाद रचनावाद जो है इसको टाटलिन वाद के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि टाटलिन, व्लादिमीर टाटलिन जो है ये संस्थापक रहे हैं। समय 1913 रहेगा। रूस में पनपा ये वाद, इंग्लिश नाम कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद संरचनावाद कहा जाता है। 1913 में पनपा, रूस में पनपा, व्लादिमीर टाटलिन संस्थापक रहे, इसीलिए टाटलिन वाद आता है। प्रमुख चित्र का नाम कोई आएगा नहीं, घोषणा पत्र कोई रहेगा नहीं, सिर्फ कलाकारों का नाम लिख लीजिएगा कि कलाकार कौन से थे। तो कलाकारों में सबसे पहले अलेक्जेंडर काल्डर, अलेक्जेंडर काल्डर जो रहे हैं वो अपने काइनेटिक शिल्पों के लिए बहुत फेमस रहे। चलायमान जो शिल्प होते हैं वो काइनेटिक शिल्पों के लिए अलेक्जेंडर काल्डर का नाम बहुत फेमस रहेगा। और काइनेटिक शिल्पों के लिए या गायात्मक शिल्पों के लिए सबसे ज्यादा फेमस जो स्टार्टिंग करने वाला कलाकार था वो नाम गाबो था, दोनों उसी से संबंधित रहेंगे। तो लिखिएगा अन्य कलाकारों में क्या नाम आता है, तो अलेक्जेंडर काल्डर। अलेक्जेंडर काल्डर जो रहेगा अन्य कलाकारों में कौन है, तो अलेक्जेंडर काल्डर अन्य कलाकार रहेंगे। उसके अलावा अन्य कलाकार कौन है, तो नाम गाबो, नाम गाबो या नाम गैबो करके आता है, नाम गाबो लिख सकते हैं, नाम गैबो भी लिख सकते हैं। उसके अलावा पेप्सनर कौन है, तो अगले कलाकार हैं पेप्सनर। पेप्सनर के अलावा है लाजलो मोहाल नेगी, कौन से रहेंगे, लाजलो मोहाल नेगी, लाजलो मोहाल नेगी आते हैं। उसके पश्चात कौन रहेंगे, तो नेक्स्ट है अलेक्जेंडर रोडचेंको, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर रोडचेंको, रोडचेंको, अलेक्जेंडर रोडचेंको, रोडचेंको भी लिख सकते हैं, रोडचेंको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अन्य कलाकार हो गए। तो सबसे पहले वाद कौन सा था, तो वाद आपका है संरचनावाद या रचनावाद, उसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, और इसी को हम कह सकते हैं टाटलिन वाद। ठीक है, कब पनपा, 1913 में। कहां पनपा, रूस में पनपा। कौन संस्थापक रहा है, व्लादिमीर टाटलिन। ना तो कोई प्रमुख चित्र है, ना घोषणा पत्र है। अन्य कलाकारों में कौन है, तो अलेक्जेंडर काल्डर, और नाम गाबो, पेप्सनर, लाजलो मोहाल नेगी, और उसके पश्चात है अलेक्जेंडर रोडचेंको। ये प्रमुख कलाकार रहेंगे। नाम जरूर याद रखना, संरचनावाद, रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, या उसी को टाटलिन वाद करके भी आ सकता है। 1913 ईस्वी में रूस में इसकी स्थापना हुई। देश याद रखिए, समय याद रखिए, कलाकार तो आपको याद ही रहेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट कला आंदोलन कौन सा रहेगा, तो अगली हेडिंग डालिएगा, अगला आंदोलन है भंवरवाद। नेक्स्ट कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट आंदोलन रहेगा भंवरवाद, जिसको हम कहते हैं वर्टिसिज्म। कौन सा आंदोलन रहेगा, तो अगला है भंवरवाद, उसको किस नाम से जाना जाता, तो उसी को कहते हैं वर्टिसिज्म। क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है वर्टिसिज्म। ठीक, भंवरवाद उसको क्या कहा जाता है, भंवरवाद को, तो भंवरवाद को ही कहा जाता है वर्टिसिज्म। कब पनपा ये, तो 1914 ईस्वी में पनपा था। कब पनपा था, तो भंवरवाद 1914 ईस्वी में पनपा। इसका देश कौन सा रहा है, तो इंग्लैंड, क्योंकि इसको ब्रिटिशवाद के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड का वाद रहा है, इसीलिए इसको ब्रिटिशवाद के नाम से जाना जाता है। तो भंवरवाद का जन्म कब हुआ, 1914 ईस्वी में। ठीक है, उसके पश्चात इसको क्या कहते हैं, तो वर्टिसिज्म कहा जाता है। देश कौन सा रहेगा, इंग्लैंड रहेगा। संस्थापक में जो आता है कौन सा रहता है, तो पर्सी विंडम लुईस। संस्थापक कौन था, तो संस्थापक में है पर्सी विंडम लुईस। संस्थापक कौन था, पर्सी विंडम लुईस जो है ये संस्थापक रहेंगे। यहाँ पर एक पत्रिका भी रहती, प्रमुख चित्र तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक पत्रिका आती है। कौन सी है पत्रिका, वो रहेगी ब्लास्ट। कौन सी पत्रिका है, ब्लास्ट, या उसी को हम कह सकते हैं विस्फोट। विस्फोट पत्रिका का संबंध इसी बात से रहेगा। चित्र तो नहीं कोई है, लेकिन पत्रिका में ब्लास्ट या विस्फोट प्रमुख पत्रिका रहेगी। तो कौन सा वाद है, भंवरवाद क्या नाम रहा है, वर्टिसिज्म उसको कहते हैं, इसी को हम ब्रिटिशवाद भी कह सकते हैं। 1914 ईस्वी में पनपा, देश कौन सा था, इंग्लैंड। संस्थापक में पर्सी विंडम लुईस का नाम आएगा। प्रमुख चित्र तो कोई नहीं है, लेकिन एक पत्रिका है यहाँ पर, ब्लास्ट या विस्फोट पत्रिका रही है। कौन सी पत्रिका रहेगी, तो ब्लास्ट या विस्फोट पत्रिका रहेगी। घोषणा पत्र में जो नाम आता है, कवि एजरा पॉन्ड रहे, कवि एजरा पॉन्ड है। ठीक है, नाम रहेगा, इसी के दोस्त थे जो पर्सी विंडम लुईस है, इन्हीं के मित्र थे कवि एजरा पॉन्ड। कौन रहेंगे, कवि एजरा पॉन्ड रहेंगे। एजरा पॉन्ड जो आते हैं, कवि एजरा पॉन्ड जो रहेंगे, ये
इसका घोषणा पत्र देने वाले रहेंगे, नामकरण भी उन्होंने ही किया था भंवरवाद का, तो वही रहेंगे। उसके अलावा अन्य कलाकारों में पे यहाँ पे भी कोई नाम नहीं रहेगा, ठीक है। तो वाद कौन सा आया, भंवरवाद इसको कहते क्या है, तो भंवरवाद को ही वर्टिसिज्म कहा जाता है। देश क्या रहेगा, तो वर्टिसिज्म को देश जो रहेगा इंग्लैंड रहेगा। उसके अलावा संस्थापकों में जो आता है वो आपका रहेगा पर्सी विंडम लुइस, ये केवल लुइस करके भी आ सकता है, पर्सी विंडम लुइस करके भी आ सकता है। प्रमुख चित्र जो रहेगा, या प्रमुख चित्र तो नहीं है लेकिन पत्रिका है, ब्लास्ट, या उसी को कहते हैं विस्फोट। घोषणा पत्र कवि एज्रा पॉन्ड ने दिया था। उसके पश्चात देखिए अगला कला आंदोलन कौन सा आएगा, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा 1914 के पश्चात में कौन आता है, तो 15 में कोई आंदोलन है नहीं, इसलिए 1916 में अगला आंदोलन जो आएगा वो आएगा दादावाद। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। दादावाद कहें या इसी को हम दादा इज्म कहें, दादावाद कहें या इसी को दादा इज्म कहें, इसको भी ध्यान रखिएगा। चाहे दादावाद कहा जाए चाहे दादा इज्म कहा जाए, समय काल क्या रहेगा, इसका समय काल जो चलता है 1916 से 1922 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। समय काल क्या रहेगा दादावाद का, तो दादावाद का समय काल जो रहता है 1916 से 1922 तक चलता है, ठीक। आगे देखिएगा, उसके पश्चात देश क्या रहेगा, तो देश इसका है जर्मनी। जर्मनी कहाँ रहेगा दादावाद, जर्मनी में। लेकिन आगे चल करके इसका जो विकास चरम जो हुआ है वो उदय कहाँ हुआ था, पहले उदय लिखिएगा, पहले उदय कहाँ हुआ था, उदय इसका हुआ है स्विट्जरलैंड में। उदय कहाँ पे हुआ था, तो उदय हुआ है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। लेकिन उसके अलावा अगर आता है कि चरम कहाँ पे रहा है, तो इसका चरम जो रहा है वो जर्मनी में रहा है। चरम कहाँ पे है, जर्मनी में। कि इस वाद का उदय मतलब विकास कहाँ पर हुआ, तो स्विट्जरलैंड में। उसके अलावा इसका चरम कहाँ पर हुआ मतलब सबसे ज्यादा विकास कहाँ पर हुआ, तो जर्मनी में। वाद कौन सा है, दादावाद इसी को कहते हैं। ये प्रथम विश्व युद्ध की निंदा स्वरूप आंदोलन आया था, ये क्वेश्चन आता भी है कि प्रथम विश्व युद्ध की निंदा स्वरूप किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ, तो दादावाद का प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध की निंदा स्वरूप हुआ था। कब हुआ, 1916 में, क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो 1916 से 1922 में आ रहा है आंदोलन, इसका उदय स्विट्जरलैंड में रहा है, और चरम जो रहा है कहाँ रहेगा, तो चरम इसका रहेगा जर्मनी में, ठीक है। उसके अलावा इसका जैसे संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक आता है मार्सेल डुचैम्प लिख के आता है कभी कभी मार्सेल धुसा लिख के आता है, मार्सेल डुचैम्प, या उसके अलावा केवल धुनसा या धुसा करके आता है, ठीक है। धुनसा या धुसा, मार्सेल धुसा या धुशाम पे कुछ भी लिख के आ जाए वही रहेगा। प्रमुख चित्रों में का आता है लोहक, लोहक जो रहेगा, ये जैसे एक पेंटिंग इन्होंने बनाई नहीं थी, एक मोनालिसा की अनुकृति को उसपे मूछे लगा दी थी, दाढ़ी मूछे लगाकर मोनालिसा की अनुकृति में या मोनालिसा में दाढ़ी और मूछे लगा दी, और उसको लुहक नाम से प्रदर्शित किया था वही, क्योंकि इनका उद्देश्य ही था, दादावादियों का जो उद्देश्य था यही था, कला को नष्ट करने वाली कला। उनका कला करना मतलब कला का विकास करना नहीं था, कला का नष्ट करने वाली कला थी वही उनका मुख्य ध्येय ही था, कला को नष्ट करने वाली कला। उनका कोई कला का विकास करने का उद्देश्य नहीं था, सिर्फ कला का नष्ट करने का उद्देश्य था, क्योंकि निंदा स्वरूप आया था। तो लोक जो रही है 1919 ईस्वी में आई है, दादावाद के प्रारंभ जो रहा है 1916 से 1922 हुआ है, उसके अलावा उदय स्विट्जरलैंड में हुआ है, और चरम जो रहा है जर्मनी में। मार्सेल डुचैम्प या दुसा जो रहेंगे ये प्रमुख कलाकारों में नाम आता है। प्रमुख चित्र लोग जो इन्होंने बनाया था मोनालिसा की अनुकृति कर उस पर दाढ़ी और मूछे लगाकर उसको प्रदर्शित किया था, उसी को नाम दिया था लोग। उसके अलावा नेक्स्ट आता है दादावाद में, जैसे और भी चीजें बात करते हैं कि इसका घोषणा पत्र कौन है, तो इसका घोषणा पत्र नहीं लेकिन इसका कला समीक्षक लिख के आता है कि इसका कला समीक्षक कौन था, इसका इस वाद का कला समीक्षक कौन था, तो इस वाद का कला समीक्षक जो था वो त्रिस्तन तारा था। कौन था, त्रिस्तन तारा भी लिख के आता है, कभी कभी त्रिस्तन तोजारा भी लिख के आता है, वही ध्यान रखेगा, वो कला समीक्षक रहेगा। फिर अन्य कलाकारों में और कौन कौन से नाम आते हैं, तो जैसे फ्रांसिस पिकाबिया, कौन सा नाम आता है, तो फ्रांसिस पिकाबिया। मार्सेल धुसा के अलावा कौन सा कलाकार प्रसिद्ध रहा है इसमें, तो फ्रांसिस पिकाबिया रहा है। उसके अलावा जीन हांस आर्प रहा है, और जीन हांस आर्प ये संगमरमर में जली प्रभाव दिखाने के लिए जाने गए हैं, जीन हांस आर्प। उसके अलावा मैनरे, ब्रुनलिन मैनरे जो रहे वो भी यहीं पे आएंगे, जो कि फोटोग्राफर और चित्रकार सारे रूपों में फेमस रहे हैं, तो मैनरे का भी संबंध यहाँ से आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात क्या क्या आता है, तो दादावाद दादाइज्म कहते हैं 1916 से 1922 तक चला है। उदय कहाँ हुआ, स्विट्जरलैंड में। चरम कहाँ हुआ, जर्मनी में। मार्सेल धुसा है, मार्सेल डुचैम्प रहे हैं। लोक 1919 ईस्वी में इन्होंने बनाई थी, जो मोनालिसा की अनुकृत कर उस पर दाढ़ी मूछे लगाई थी। उसके अलावा इस वाद का कला समीक्षक कौन रहेगा, तो त्रिस्तन तारा।
फ्रांसिस पिकाबिया, जीन हांस आर्प और मैनरे जो हैं इस वाद के प्रमुख कलाकारों में रहेंगे। कि प्रमुख कलाकार कौन है? तो फ्रांसिस पिकाबिया, जीन हांस आर्प और मैनरे ये प्रमुख कलाकारों में रहेंगे। तो उसके पश्चात नेक्स्ट आंदोलन कौन सा रहेगा? ठीक है, अब इसके पश्चात नेक्स्ट आंदोलन की हेडिंग डाल लीजिएगा। अगला आंदोलन कौन सा रहता है? तो नेक्स्ट आंदोलन रहेगा आपका नव लचीलावाद। कौन सा रहेगा? नेक्स्ट रहेगा आंदोलन नव लचीलावाद, जिसको हम कहते हैं नियो प्लास्टिसिज्म। क्या कहा जाता है? तो अगला आंदोलन है नव लचीलावाद। ठीक, क्या रहेगा? नव लचीलावाद, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नियो प्लास्टिसिज्म। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नियो प्लास्टिसिज्म। प्लास्टिसिज्म क्या कहा जाता है? नव लचीलावाद को ही नियो प्लास्टिसिज्म कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये वाद कब पनपा, नाम जरूर याद रखिएगा वाद का, इंग्लिश नाम भी याद रखिए, उसके अलावा देश का नाम भी याद रखिए कहाँ पे पनपा। तो नव लचीलावाद आया है वो नियो प्लास्टिसिज्म कहते हैं, कब पनपा? 1917 ईस्वी में पनपा था। और कहाँ पे पनपा था? तो हॉलैंड में। कहाँ पे पनपा था? तो हॉलैंड में पनपा था नव लचीलावाद का पनपा। तो नव लचीलावाद आपका 1917 में पनपा, कहाँ पे? हॉलैंड में। इसका संस्थापक कौन रहेगा? तो इसका संस्थापक है पियट मोद्रियान। क्या रहेगा? पियट मोद्रियान जो है, या पियट मोद्रिया करके आता है, पियट मोद्रियान करके आता है, ये आपका प्रमुख संस्थापक रहेगा, प्रमुख कलाकार या प्रमुख संस्थापकों में आता है। उसके अलावा इसका प्रमुख चित्र कौन सा था? तो इसका प्रमुख चित्र तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक पत्रिका जरूर आती है। पत्रिका कौन सी थी? पत्रिका है डे स्टील। कौन सी रहेगी? पत्रिका है डी स्टील पत्रिका एक आती है, चाहे डे स्टील पत्रिका आएगी, उसका संबंध किससे रहा है? तो नव लचीलावाद से इसका संबंध रहेगा। ठीक, किससे रहेगा? तो नव लचीलावाद से इसका संबंध रहेगा। इसके अलावा इसका घोषणा पत्र कौन देने वाला व्यक्ति था? तो इसका घोषणा पत्र थेओ वान दासबर्ग ने दिया है। किसने? थेओ वान दासबर्ग। थेओ वान दासबर्ग रहे या डोजबर्ग लिख के आता है, कभी कभी थेओ वान दासबर्ग लिख के आता है, कभी कभी थेओ वान डोजबर्ग लिख के आता है, तो वही रहेगा। घोषणा पत्र किसने दिया है? थेओ वान दासबर्ग ने दिया है। और इसके सिद्धांत किसने कौन देगा? इस वाद में सिद्धांत कौन देगा, यानी कि नव लचीलावाद का सिद्धांत क्या था? तो इसका सिद्धांत है विरोधों में सुसंवादिता। ये भी पेपर में आ चुका है, विरोधों में सुसंवादिता। वहां पर जब आया था तो पियट मोद्रियान ऑप्शन में थे, वही सही माना गया था। तो विरोधों में सुसंवादिता किसका सिद्धांत रहेगा? तो विरोधों में सुसंवादिता नव लचीलावाद का सिद्धांत है, चाहे आर्टिस्ट आ जाए तभी वही रहेगा आपका पियट मोद्रियान। विरोधों में सुसंवादिता ये क्या रहेगा? सिद्धांत। घोषणा पत्र किसने तैयार किया? थेओ वान दासबर्ग कहें, चाहे थेओ वान डोजबर्ग कहें, वो घोषणा पत्र तैयार करने वाले रहेंगे। उसके अलावा अन्य कौन सी चीजें आती हैं देखिएगा। ठीक है, इंडिया में गतिज मूर शिल्पों के लिए मेहताब खान, अंकित पटेल हैं। इंडिया में गतिज मूर शिल्पों के लिए आपके जो रहेंगे वो अंकित पटेल रहेंगे। ठीक है, तो वाद या काल जो है नव लचीलावाद रहेगा, जिसको नियो प्लास्टिसिज्म कहते हैं। 1917 ईस्वी में हॉलैंड में इसका जन्म हुआ। पियट मोद्रियान संस्थापक रहेंगे, चित्र नहीं है लेकिन पत्रिका आती है डी स्टील या डे स्टील लिख के आता है। घोषणा पत्र थेओ वान दासबर्ग ने दिया। सिद्धांत विरोधों में सुसंवादिता ये आ चुका है नेट के पेपर में, लगभग 2017 का पेपर जो था नवंबर का उसमें आया था। तो अन्य कलाकार जो रहे कौन कौन से आते हैं उनका भी नाम देख लीजिएगा। सबसे पहले जॉर्ज बेंटागरलू। क्या आता है? जॉर्ज बेंटागरलू या बेंटागरलू आता है, जॉर्ज बेंटागरलू ये आर्टिस्ट रहा है, जॉर्ज बेंटागरलू। उसके अलावा जेपी आउड कौन आता है? जेपी आउड, जॉर्ज बेंटागरलू। उसके अलावा कौन आता है? जेपी आउड। उसके अलावा है बाटवान डल लैक, बाटवान डल लैक, बाटवान डल लैक, डल लैक। ठीक, बाटवान डल लैक सबसे प्रमुख रहेगा आपका। एक तो पियट मोद्रियान मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान ही रखिए, अगर वो नहीं आता है तो आपका ये थेओ वान दासबर्ग याद रखिए, और इसके अलावा जॉर्ज बेंटागरलू। बस तीन कलाकारों में से ही कोई ना कोई नाम आता है, उसके अलावा इतना ज्यादा कोई प्रमुख नहीं है जो आए। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा क्या प्रमुख रहेगा या क्या क्या चीजें रहेंगी, तो बस वो चीजें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हाँ, घोषणा पत्र जो होता है मैनिफेस्टो की हमने शुरू कर दिया, जैसे कोई इलेक्शन होता है उसमें दिया जाता है, कोई इलेक्शन होता है उसमें संबंधित रहता है, जैसे कोई इलेक्शन होता है उसमें कोई अपना एक घोषणा पत्र दे देते हैं कि हम ये कार्य करेंगे आगे चल के, तो वही घोषणा पत्र समझ लीजिएगा यहाँ पे भी दिया जाता था कि क्या क्या कार्य किए जाएंगे। तो नव लचीलावाद या नियो प्लास्टिसिज्म कब पनपा? 1917 में हॉलैंड में पनपा। कौन संस्थापक रहा है? तो पियट मोद्रियान। पत्रिका कौन सी रही? डी स्टील। कलाकार कौन है? घोषणा पत्र किसने दिया? तो थेओ वान दासबर्ग ने दिया। उसके अलावा
कौन कलाकार हैं, तो जॉर्ज वेंटागरलू भी इसके कलाकार रहेंगे, जेपी आउट भी कलाकार हैं, बेटवान डल्लैक भी रहेंगे। सिद्धांत पूछा जा चुका है विरोधों में सुसंवादिता, ठीक है। एक जो चतुर्थ आयाम की अभिव्यक्ति थी वो वाला और ये वाला दोनों एक साथ ही एक ही पेपर में आए हुए थे, ठीक है। अब इसके पश्चात देखिएगा अगला कला आंदोलन कौन सा आएगा, तो नेक्स्ट कला आंदोलन है आपका विशुद्धवाद। नेक्स्ट हेडिंग डालीजिएगा अगला वाद कौन सा रहेगा, या अगला कला आंदोलन कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा अगला कला आंदोलन जो रहेगा कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट है विशुद्धवाद। कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट है विशुद्धवाद, जिसको कहते हैं प्यूरिज्म। क्या कहते हैं, तो नेक्स्ट है विशुद्धवाद, विशुद्धवाद, विशुद्धवाद को क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं प्योरिज्म, प्योरिज्म, विशुद्धवाद कहें चाहे प्योरिज्म कहें। कब पनपा, तो 1918 ईस्वी में पनपेगा। समय काल क्या, 1918 ईस्वी। किस देश में पनपेगा, तो फ्रांस में पनपेगा। तो विशुद्धवाद को ही प्योरिज्म कहते हैं। कहाँ पनपा, फ्रांस में। कब पनपा, 1918 ईस्वी में, ठीक है। उसके अलावा सॉरी, जैसे उससे संबंधित रहता है फ्रांस में पनपा। अब संस्थापकों में जब नाम आएगा तो आएगा ली कार्बुजी। संस्थापक कौन थे, ली कार्बुजी। दो नाम यहाँ पे आते हैं, एक ली कार्बुजी थे, ये कौन रहेंगे, तो ये रहेंगे वास्तुकार। ये कौन थे, ली कार्बुजी थे, वास्तुकार, आर्किटेक्चर रहे। उसके अलावा और कौन कलाकार यहाँ से संबंधित रहा है, तो एक रहा ओमेदी ओजाफा। कौन रहा है, ओमेदी ओजाफा। ओमेदी ओजाफा जो था ये था चित्रकार। कौन रहा है, ये था चित्रकार। इन दोनों ने मिलकर के विशुद्धवाद की स्थापना, यही ली कार्बुजी जो था ये भारत में चंडीगढ़ का वास्तुकार माना जाता है, ठीक है। भारत का जो शहर है चंडीगढ़, उसका वास्तुकार कौन रहेगा, तो यही ली कार्बुजी या ली कार्बुजिया जो रहेगा ये भारत में चंडीगढ़ का वास्तुकार रहेगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सा वाद है, विशुद्धवाद, प्योरिज्म कहते हैं, कब पनपा, 1918 में। देश क्या रहेगा, फ्रांस। संस्थापक कौन रहेगा, ली कार्बुजी या ओमेदी ओजाफा। ली कार्बुजी वास्तुकार था, ओमेदी ओजाफा चित्रकार था। ये ली कार्बुजी ही चंडीगढ़ का वास्तुकार था। इस वाद का ना तो कोई अन्य कलाकार रहेगा, ना घोषणा पत्र रहेगा, ना प्रमुख चित्र रहेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, वाद कौन सा है, प्योरिज्म या विशुद्धवाद। समय क्या क्या रहा, देश कौन सा है, फ्रांस। और संस्थापक में कौन कौन से आते हैं, तो दोनों के नाम आएंगे, ली कार्बुजी जो वास्तुकार था, ओमेदी ओजाफा जो आपका चित्रकार था। नेक्स्ट देखिएगा उसके पश्चात क्या आता है, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा। उसके पश्चात अगला जो समूह रहेगा कौन सा रहेगा, अगला समूह है बाउहाउस। कौन सा रहेगा, तो अगला समूह जो रहेगा कौन सा रहेगा, तो अगला समूह है बाउहाउस। कौन सा रहेगा, बाउहाउस। जब जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध हो गया, उसके पश्चात जब वहां पर सारी चीजें समाप्त हो गई, तो क्या हुआ, दोबारा से उनका निर्माण करना था, तो एक संस्था की स्थापना की गई। वो संस्था कौन सी थी, उसका बाउहाउस का मतलब ही होता है बनाओ मकान। तो ऐसे मकान की कल्पना की गई थी जो कभी समाप्त ना हो या जो कभी नष्ट ना हो, ठीक, वो भी प्रमुख रहेगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कौन सा वाद रहेगा, तो अगला वाद जो है बाउहाउस रहेगा। कौन सा है, बाउहाउस, ठीक है। बाउहाउस या इसी को कभी कभी बाउहाउस लिख के आता है, ठीक है। बाउहाउस आए चाहे बाउहाउस आए, एक ही रहेगा। कहाँ पनपेगा, तो ये वीमर नगर जर्मनी में पनपेगा। कौन सा नगर है, वीमर, और वीमर पड़ता कहाँ पे है, जर्मनी। ये संस्था के रूप में पनपा था वीमर, ये कहाँ पड़ता है, जर्मनी में। वाद या काल कौन सा था, तो वाद या काल जो है बाउहाउस था, वीमर नगर जर्मनी में पनपा। देश तो आपका, समय काल क्या रहेगा, देश ये रहेगा आपका वीमर, और वीमर पड़ता कहाँ पे है, तो जर्मनी में पड़ता है। वाद कौन सा था, बाउहाउस या बाउहाउस उसी को कहते हैं। समय काल क्या रहेगा, तो 1919 ईस्वी जो रहेगा ये इसका समय काल माना जाएगा, ठीक है। तो बाउहाउस है, ठीक है। आगे देखिएगा, चित्र नहीं रहेंगे पवन कुमार जी, जितना जो जरूरी है वो आपको बता दिया जा रहा है, नहीं है तो इसीलिए नहीं आता है। ऋचा गुप्ता, सर वीडियो क्लियर नहीं है, आप अपना क्वालिटी बढ़ा लें, वो क्लियर हो जाएगा अपने आप, यहाँ से सब क्लियर है, ठीक है। तो देखिएगा क्या क्या आता है उसके अंतर्गत, तो आपका वाद या काल कौन सा था, बाउहाउस या बाउहाउस। समय क्या रहेगा, 1919 ईस्वी। देश कौन सा रहेगा, वीमर जर्मनी। संस्थापक में जो आता है कौन सा नाम रहता, तो यहाँ पर वाल्टर ग्रोपियस। संस्थापक कौन था, वाल्टर ग्रोपियस संस्थापक रहा। इसको ये था कौन, तो वाल्टर ग्रोपियस जो था ये स्थापत्यकार था, वास्तुकार कहे या आर्किटेक्चर कहे, आर्किटेक्चर से संबंधित रहेगा, स्थापत्यकार है वो, ठीक है। वाल्टर ग्रोपियस क्या है, स्थापत्यकार है। वाद या काल कौन सा, बाउहाउस या बाउहाउस। समय काल क्या रहेगा, 1919 ईस्वी। देश कौन सा है, वीमर नगर जर्मनी। संस्थापक कौन सा रहेगा, वाल्टर ग्रोपियस आपका संस्थापक रहेगा, जो की स्थापत्यकार था, ठीक है। उसके अलावा इसका सिद्धांत कौन सा रहता है, सिद्धांत लिख लीजिएगा। भविष्य के निर्माण का दावा किया गया था इसमें, कि भविष्य में ऐसे मकान का निर्माण करेंगे या घर का निर्माण करेंगे जो भविष्य में कभी समाप्त ना हो, यानी कि भविष्य के निर्माण का दावा। तो लिख लीजिएगा, भविष्य के निर्माण का दावा किस आंदोलन ने किया, तो बाउहाउस ने। भविष्य के निर्माण का
दावा किसने किया था? तो बाव हाउस ने, बाव हाउस या बाव हाउस पनपा कम, तो 1919 में किस नगर में? वीवर नगर जर्मनी में। संस्थापक में वाल्टर ग्रोपियस का नाम आता है, जो कि स्थापत्यकार थे। प्रमुख चित्रों में यहाँ पे भी कोई नहीं रहेगा, और ना तो घोषणा पत्र रहेगा, अन्य कलाकारों में रहेगा। तो कौन कौन से हैं? तो मोहाल नेगी यहाँ से भी संबंधित हैं। मोहाल नेगी, जिनको हम लाजलो मोहाल नेगी कहते हैं, वो यहाँ से भी संबंधित रहे हैं। उसके अलावा एक दूसरे हैं, हेनरी वान द वेल्दे, ये भी यहाँ से संबंधित रहेंगे मुख्य रूप से। कौन है? हेनरी वान द वेल्दे। कौन है? हेनरी वान द वेल्दे। उसके अलावा मोहाल नेगी, ठीक है। तो कौन सा समूह था? तो समूह आपका रहा है बाव हाउस, जिसको हम कहते हैं बाव हाउस। 1919 में पनपा, किस नगर में पनपा? तो आपका 1919 में वीवर नगर जर्मनी में पनपा। संस्थापकों में जो नाम आता है आपका वाल्टर ग्रोपियस का नाम रहेगा, स्थापत्यकार थे। प्रमुख चित्र नहीं आएगा, घोषणा पत्र भी नहीं आएगा। अन्य कलाकारों में मोहाल नेगी या हेनरी वान द वेल्दे हैं। सिद्धांत जरूर ध्यान रखना कि भविष्य के निर्माण का दावा किस कला आंदोलन या किस कला समूह द्वारा किया गया था, तो उन्हीं का नाम रहता है, ठीक है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या प्रमुख रहता है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अगला कलाकार समूह कौन सा रहेगा या क्या प्रमुख रहता है? तो नेक्स्ट है इसके पश्चात अति यथार्थवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अति यथार्थवाद, जिसमें स्वप्नों की कल्पना की गई थी, अति यथार्थवाद, जिसको हम कहते हैं सरियलिज्म, सरियलिज्म, सरियलिज्म या सरियलिज्म कहते हैं। तो अति यथार्थवाद मोस्ट रहेगा इससे क्वेश्चन। अति यथार्थवाद, अभिव्यंजनावाद, दादावाद, भाववाद, प्रभाववाद, इनसे क्वेश्चन तो आते ही हैं, मोस्ट रहेगा, ठीक है। तो अति यथार्थवाद, जिसको हम सरियलिज्म कहते हैं, ये कब पनपा? तो 1924 ईस्वी में पनपा। और कहाँ पनपा? तो फ्रांस में। कब पनपा? तो 1924 में पनपा। कहाँ पनपा? फ्रांस में। संस्थापकों में किसका नाम आएगा? तो सल्वाडोर डाली, किससे रहेगा? सल्वाडोर डाली जो रहेगा, यही प्रमुख कलाकार है और यही संस्थापक भी माना जाएगा, ठीक है। सल्वाडोर डाली जो है, यही प्रमुख कलाकार है, यही संस्थापक भी माना जाएगा। प्रमुख चित्रों में जो है, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जो रहेगा, ये प्रमुख चित्र रहेगा, ठीक है। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जो है, ये प्रमुख चित्र रहेगा। इसके अलावा घोषणा पत्र किसने दिया था? तो एक कवि रहे हैं, कौन से कवि थे? आंद्रे ब्रेटन, आंद्रे ब्रेटो करके कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी आंद्रे ब्रेटन करके आते हैं। कौन थे? तो कवि जो रहे आंद्रे ब्रेटन या ब्रेटो करके आ जाएं, यही आपके मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र के संपादक रहेंगे। अन्य कलाकारों में कौन कौन से नाम आते हैं? तो सबसे पहले मेन नाम लिखेगा, जैसे मार्क्स अर्नेस्ट, कौन रहेंगे? मार्क्स अर्नेस्ट मुख्य रहेंगे, ठीक। उसके अलावा जॉन मीरो भी मुख्य रहेंगे। मार्क्स अर्नेस्ट के पश्चात कौन आता है? जॉन मीरो। उसके अलावा आंद्रे मासो कौन से रहेंगे? तो आंद्रे मासो भी मुख्य रहेंगे, आंद्रे मासो। उसके अलावा यू तांगवी, यू तांगवी कौन रहेगा? तो यू तांगवी रहेगा, यू तांगवी, ये भी प्रमुख कलाकारों में आता है। यू तांगवी के पश्चात है पियर राय, पिकासो भी इसी से संबंधित रहेंगे, क्योंकि 1924 के बाद पिकासो अति यथार्थवाद में काम करने लगे थे। तीन नर्तक चित्र बनाने के बाद उन्होंने घनवाद को छोड़ दिया था, ठीक है। तो यू तांगवी, पिकासो रहे हैं। उसके अलावा पियर राय कौन रहेंगे? पियर राय और मैनरे का भी संबंध यहीं से रहेगा, पियर राय और मैनरे का संबंध भी यहीं से रहेगा, ठीक है। तो अति यथार्थवाद को सरियलिज्म कहते हैं। 1924 में स्थापित हुआ, कहाँ पे? फ्रांस में स्थापित हुआ। सल्वाडोर डाली इसके संस्थापक थे, सल्वाडोर डाली कहें या केवल डाली कह सकते हैं। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जो है, ये प्रमुख चित्र रहेगा इस आंदोलन का। घोषणा पत्र जो तैयार किया है, कवि आंद्रे ब्रेटन ने तैयार किया है। अन्य कलाकारों में मार्क्स अर्नेस्ट, जॉन मीरो, आंद्रे मासो, यू तांगवी, पिकासो और पियर राय तथा मैनरे। मैनरे फोटोग्राफी के लिए मुख्यतः रहेंगे, क्योंकि उन्होंने तकनीकियां विकसित की थी, एक सोलराइजेशन और एक रेओग्राफी, दो तकनीकियां विकसित की थी। अब सिद्धांत कौन सा देगा, सिद्धांत किससे रहेगा? तो ये सिद्धांत तो नहीं है, लेकिन ये कला आंदोलन जो था प्रभावित किसके सिद्धांतों से रहा है? तो किसके सिद्धांतों से प्रभावित रहेगा? तो यहाँ पर स्वप्न के अचेतन पक्ष का माना गया है, मनोविश्लेषण से माना गया है। तो सिगमंड फ्रायड के, जो सिगमंड फ्रायड रहे हैं दर्शन शास्त्री, सौंदर्य शास्त्री, सिगमंड फ्रायड के, सिगमंड फ्रायड, फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से या मनोविश्लेषण से, सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित रहेगा, मनोविश्लेषण से, ठीक है। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित रहेगा। तो कौन सा आंदोलन है आपका? अति यथार्थवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, अति यथार्थवाद, इसी को सरियलिज्म कहते हैं। समय काल क्या रहेगा? 1924 ईस्वी। देश क्या रहेगा? फ्रांस। संस्था चित्रों में द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। उसके अलावा घोषणा पत्र कवि आंद्रे ब्रेटन देगा या कवि आंद्रे ब्रेटो। अन्य कलाकारों में मार्क्स अर्नेस्ट, जॉन मीरो, आंद्रे मासो, यू तांगवी, पिकासो, पियर राय और मैनरे।
ठीक है, प्रभावित किससे था? सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण के सिद्धांत से प्रभावित रहा है। ये जरूर ध्यान रखना कि मानस के अचेतन पक्ष से कौन संबंधित है। स्वप्न जो होते हैं कि हम जब सो जाते हैं तो हमारा शरीर तो काम करना बंद कर देता है, लेकिन दिमाग हमारा काम करना शुरू करता है, तभी करता रहता है। तो कौन कौन से दृश्य उस समय हम देखते हैं, क्या परिस्थिति होती है, वो ऐसा ही चित्रण उन्होंने बनाया, जैसे कि घड़ी को पिघलता हुआ, पहाड़ों को टूटता हुआ, जिराफ को जलता हुआ, बिल्कुल उसी प्रकार का, मतलब ऐसा जो कल्पना जिसकी की जाए, जो वास्तव में संभव ना हो, उन्हीं चीजों को वहां पर चित्रित किया गया है, वो आपका हो जाता है अति यथार्थवाद में। अब इसके पश्चात क्या रहेगा, नेक्स्ट आंदोलन या क्या आता है देख लीजिएगा उसके पश्चात, ठीक है। हाँ, जलता हुआ जिराफ, पिघलती हुई घड़ियां, इसके प्रमुख चित्र। हाँ सही है आपका अंजू वर्मा। आगे देखिएगा इसके पश्चात और कौन सा रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसके पश्चात क्या रहता है, ठीक है। ड्रीम पेंटिंग इनकी फेमस नहीं रहेगी, ड्रीम जो है वो एक पिकासो की भी फेमस रहेगी, उसके अलावा एक दूसरे कलाकार रहे हैं उनकी ज्यादा फेमस है, ड्रीम इनकी इतनी अधिक फेमस नहीं रहेगी। कुछ कलाकृतियां ऐसी हैं जो उन्हीं कलाकारों की फेमस ही रहेंगी, अन्य कलाकारों की नहीं आएंगी। तो अन्य कलाकार या कलाकार समूह कौन सा था, तो अगला कलाकार समूह रहेगा ऑप आर्ट। ऑप आर्ट कौन सा रहेगा, देखिएगा ऑप आर्ट मोस्ट रहेगा, ऑप आर्ट इसी को हम क्या कहते हैं, तो ऑप आर्ट को ही कहते हैं ऑप्टिकल आर्ट, ठीक, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आर्ट। ऑप आर्ट को क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल आर्ट। इससे क्या संबंधित रहा है, तो ऑप आर्ट से ही ऑप्टिकल इल्यूजन, इल्यूजन जो संबंधित है भ्रम, ऑप्टिकल इल्यूजन इसी से संबंधित रहेगा। ऑप्टिकल इल्यूजन किससे संबंधित, क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्टिकल इल्यूजन का संबंध किससे रहेगा, तो ऑप्टिकल इल्यूजन का जो संबंध है वो ऑप आर्ट से रहेगा, ठीक है। तो ऑप आर्ट को ही ऑप्टिकल आर्ट कहते हैं, यानी कि नेत्री कला कहते हैं, ठीक है। इसका संबंध किससे रहेगा, तो ऑप्टिकल इल्यूजन से संबंध है। कब स्थापित हुआ, 1940 ईस्वी में स्थापित होगा। उसके अलावा किस देश में स्थापित हुआ, तो अमेरिका में स्थापित होगा। कहाँ पे, तो अमेरिका में स्थापित होगा। ऑप आर्ट या ऑप्टिकल आर्ट कहाँ से संबंधित है, तो 1940 में अमेरिका में कला आंदोलन का विकास हुआ, इसका संबंध ऑप्टिकल इल्यूजन से रहेगा, यानी कि दृष्टि भ्रम, जहां पे गहराई नहीं है वहां पे गहराई दिखाई जाए, जो परिप्रेक्ष्य के सहायता से जो चीजें दिखा देते हैं ना, राउंड राउंड, विक्टर वसारेली के चित्र देखिएगा, वो समझ में आ जाएगा कि किसकी बात की जा रही है। वो जहां पे गहराई नहीं हो वहां पे भी गहराई दिखा दे, मतलब भ्रम दिखा दे, तो ऑप्टिकल आर्ट जो है उसी को ऑप आर्ट कहते हैं। 1940 ईस्वी में अमेरिका में पनपा, इसी को ऑप्टिकल इल्यूजन या नेत्री कला के नाम से जाना जाता है। संस्थापक में विक्टर वसारेली का नाम आएगा, कौन थे, तो विक्टर वसारेली का नाम आएगा। संस्थापक कौन है, तो विक्टर वसारेली मुख्य रूप से रहेंगे, और इन्हीं की एक पेंटिंग रही है मेटा गैलेक्सी, कौन है, मेटा गैलेक्सी, इसी को कहते हैं बृहत आकाश गंगा। मेटा गैलेक्सी जो रहेगी, प्रमुख पेंटिंग रहेगी, इसी को हम कहते हैं बृहत आकाश गंगा, ठीक है। मेटा गैलेक्सी कहें चाहे बृहत आकाश गंगा कहें, इसके प्रमुख कलाकारों में और कौन कौन सा, घोषणा पत्र नहीं आएगा, अन्य कलाकार कौन से थे नाम लिख लीजिएगा, तो ब्रिजेट रिली कौन थे, तो एक रहे हैं ब्रिजेट रिली, देख लीजिएगा ब्रिजेट रिली, कभी कभी टिली भी लिख के आता है, ब्रिजेट टिली। नेक्स्ट है रिचर्ड अनुजकेविच, रिचर्ड अनुजकेविच, अनुजकेविच, ठीक, अनुजकेविच रहेंगे। तो कौन कौन से कलाकार आए, सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि विक्टर वसारेली जो थे सबसे महत्वपूर्ण थे, और मेटा गैलेक्सी उनकी प्रमुख पेंटिंग रही है। उसके अलावा कलाकार कौन थे, तो आपके ब्रिजेट रिली, रिचर्ड अनुजकेविच। वाद कौन सा था, तो ऑप आर्ट वाद रहा, जिसको हम ऑप्टिकल आर्ट या ऑप्टिकल इल्यूजन या नेत्री कला किसी भी नामों से जान सकते हैं। 1940 ईस्वी में, हाँ नेत्री कला भी इसी को कहा जाता है। आगे देखिएगा उसी से संबंधित क्या रहेगा, कौन कौन से संबंधित रहेगा, आगे देखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा 1940 में अमेरिका से संबंधित रहेगा यह आंदोलन। संस्थापक विक्टर वसारेली रहेंगे, मेटा गैलेक्सी पेंटिंग रहेगी, घोषणा पत्र के संस्थापक कोई नहीं है, कोई भी घोषणा पत्र नहीं रहता है। आगे देखिए उसके पश्चात ब्रिजेट रिली और रिचर्ड अनुजकेविच, ये प्रमुख कलाकार रहे। वाद कौन सा है, तो ऑप आर्ट, ध्यान रखिएगा ऑप्टिकल आर्ट नेत्री कला से संबंधित रहेगा, और नेत्री भ्रम भी इसी से संबंधित है। इसके पश्चात अगला कला आंदोलन कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, या नेक्स्ट आंदोलन कौन सा आता है, तो इसके पश्चात नेक्स्ट है अमूर्त अभ्यंजनावाद। अगले आंदोलन की तरफ हम चलते हैं, कौन सा है, अमूर्त अभ्यंजनावाद। एक तो अभ्यंजनावाद था, एक है आपका अमूर्त अभ्यंजनावाद, दोनों कला ग्रुप जो रहेंगे या समूह रहेंगे अलग अलग रहेंगे। अमूर्त अभ्यंजनावाद इसका प्रारंभ कब हुआ, तो 1945 में हुआ था अमूर्त अभ्यंजनावाद का प्रारंभ। और कहाँ पे हुआ था, तो अमूर्त अभ्यंजनावाद का प्रारंभ न्यूयॉर्क में हुआ था, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में हुआ है। और इसके कलाकारों में, संस्थापकों में जो नाम आता है, डी कुनिंग का आएगा नाम, ठीक है, डी कुनिंग।
और इसके अलावा ना तो इसका प्रमुख चित्र है, ना घोषणा पत्र है, ना अन्य कलाकार हैं, ना कोई सिद्धांत है। कलाकार एक आएगा, उसका नाम लिख लेना, पोलाक स्टील। कौन रहेगा? तो नेक्स्ट कलाकार जो रहेगा वो रहेगा पोलाक स्टील। उसको ध्यान रखना कि नेक्स्ट कलाकार कौन आता है, तो नेक्स्ट कलाकार है आपका पोलाक स्टील, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा कलाकार है? तो पोलाक स्टील। कौन सा रहा है आपका वाद या काल कौन सा था? तो अमूर्त व्यंजनावाद या अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म रहता है। 1945 में न्यूयॉर्क में पनपा। डी कुनिंग और पोलाक स्टील दो कलाकार रहे हैं जिसमें डी कुनिंग ज्यादा प्रमुख है, ये संस्थापकों में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट कलाकार कौन सा रहेगा, कला ग्रुप कौन सा रहेगा, तो आगे देखिएगा इसके पश्चात और कौन सा कला ग्रुप रहता है या क्या क्या चीजें आती हैं। तो पॉइंट देखिएगा इसके पश्चात, ठीक है, कि कौन सा कला ग्रुप रहता है। तो नेक्स्ट लिखिएगा, ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट कला ग्रुप कौन सा रहेगा, इसके पश्चात कौन सा कला ग्रुप प्रमुख रहेगा या क्या क्या चीजें रहेंगी उसके बारे में या क्या क्या चीजें आती हैं। तो नेक्स्ट आगे देखिएगा उसके पश्चात क्या रहता है। तो नेक्स्ट कला आंदोलन जो रहेगा आपका वो आता है कोबरा समूह। एक समूह रहा है जिसका नाम है कोबरा समूह। कोबरा समूह वो कहां से संबंधित रहेगा? तो 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में कहां पर आया? तो इंग्लैंड में आया था। ठीक, कहां पर आया था? तो 1948 ईस्वी में इंग्लैंड में आया था। उसको ध्यान रखिएगा कहां से क्या संबंधित रहेगा, तो 1948 ईस्वी में इंग्लैंड में रहेगा। ठीक है, 1948 ईस्वी में कहां से संबंधित रहेगा, तो 1948 ईस्वी में हॉलैंड, कहां से? हॉलैंड या नीदरलैंड से संबंधित रहेगा। कहां से? हॉलैंड या नीदरलैंड। कोबरा समूह का पनपा 1948 ईस्वी में पनपा। ठीक है, कहां से पनपा? तो हॉलैंड या नीदरलैंड में पनपा। तो आगे देखिएगा उसके पश्चात क्या रहता, तो हॉलैंड या नीदरलैंड में पनपा। संस्थापक कौन था? तो संस्थापकों में नाम एक लिखिएगा कॉरेल एप्पल। का नाम क्या नाम था? तो कॉरेल एप्पल जो है ये संस्थापक रहेंगे। ठीक है, समूह कौन सा, वाद कौन सा? कोबरा समूह। समय काल 1948, देश हॉलैंड, संस्थापक में कॉरेल एप्पल रहेगा। प्रमुख चित्रों में कोई नाम नहीं है, घोषणा पत्र भी कोई नहीं है, सिर्फ अन्य कलाकारों में नाम आएगा। तो कौन सा है? तो एक असर्गजान है, असर्गजान रहेंगे। और एक कौन से हैं? तो एक है फंटाना लुइस भी कह सकते हैं, फंटाना लुइस, या उसी को हम होनटा लुइस कहते हैं। कौन से हैं? चाहे होनटा लुइस कह दें चाहे इसी को फंटाना लुइस कह दें, दोनों एक ही नाम रहेंगे। ठीक है, तो कलाकार समूह कौन सा था? तो आपका कोबरा समूह रहा है। कौन सा समूह रहेगा? तो कोबरा समूह रहता है। ठीक है, कौन सा समूह रहेगा? तो कोबरा समूह। और कोबरा समूह कहाँ से संबंधित रहेगा? 1948 ईस्वी में स्थापना हुई हॉलैंड में। संस्थापकों में कॉरेल एप्पल आते हैं, अन्य कलाकारों में असर्गजान और होनटा या फंटाना लुइस का नाम आता है। ठीक है, उसके पश्चात देखिएगा अन्य कलाकार कौन आते हैं, अन्य कलाकार समूह कौन सा रहता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा उसके पश्चात है आपका पॉप आर्ट। कौन सा रहता है? अगला है पॉप आर्ट, जिसको हम कहते हैं पॉपुलर आर्ट। क्या कहा जाता है? अगला कहा जाता है पॉपुलर आर्ट। पॉप आर्ट को और क्या कहते हैं? तो पॉप आर्ट को ही पॉपुलर आर्ट कहते हैं। इसका जन्म कब हुआ, इस समूह का या इस ग्रुप का, समूह का या वाद का जन्म कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में। जन्म इसका कहाँ हुआ, क्योंकि देश जो रहेगा तो जन्म इसका जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, कि जन्म कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। लेकिन जो विकास या प्रसिद्धि जो इस आंदोलन को मिली है कहाँ पे मिली है, तो इसकी प्रसिद्धि कहाँ पे रहेगी, तो इसकी प्रसिद्धि रहेगी अमेरिका में। कहाँ पे रहेगी प्रसिद्धि, तो इसकी प्रसिद्धि जो रहेगी कहाँ पे मुख्यतः रहेगी, वो अमेरिका में रहेगी। उसको ध्यान रखिएगा कहाँ से संबंधित रहेगा, तो अमेरिका से संबंधित रहेगा। ठीक है, कि कहाँ से संबंधित है, तो ये अमेरिका से संबंधित रहेगा, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि सभी कहाँ से संबंधित रहेगा, आगे देखिए आपका अमेरिका से संबंधित रहेगा, कि जन्म कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड में हुआ, आगे देखिएगा पॉइंट करके। तो वाद कौन सा है, पॉप आर्ट, पॉपुलर आर्ट कहते हैं। 1952 ईस्वी में जन्म इंग्लैंड में हुआ, प्रसिद्धि अमेरिका में हुई। आगे चल के कौन से कलाकार रहे, तो यहाँ पर दो कलाकारों का संबंधित रहा है प्रमुख संस्थापकों में। तो एक चित्रकार थे, चित्रकार में किसका नाम आता है, तो हेमिल्टन। चित्रकार कौन थे, तो हेमिल्टन चित्रकार रहते हैं। उसके अलावा एक वास्तुकार भी रहेंगे, एलिसन वाइस स्मिथसन। वास्तुकार कौन थे, तो वास्तुकार हैं एलिसन व स्मिथसन। कौन आते हैं, तो एलिसन व स्मिथसन। क्या नाम रहता है, एलिसन व स्मिथसन का नाम आता है। ठीक है, तो पॉप आर्ट आंदोलन हो गया जिसको हम कहते हैं पॉपुलर आर्ट। उसके अलावा 1952 ईस्वी समय रहा है इसका, जन्म इंग्लैंड में, प्रसिद्धि अमेरिका में। चित्रकार संस्थापकों में चित्रकार हैमिल्टन है, वास्तुकार जो रहेंगे वो एलिसन व स्मिथसन रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा ना तो प्रमुख चित्र है, ना तो घोषणा पत्र है, तो अन्य कलाकार कौन रहेंगे, सिर्फ नाम लिखने हैं। तो जैसे एंडी वरहोल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, एंडी वरहोल जैसे आते हैं, तो एंडी वरहोल का माध्यम भी प्रमुख रहा है, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में कार्य करते हैं।
प्रमुख कलाकारों में आते हैं, सिल्क स्क्रीन पेंटिंग में पोस्टर वगैरह बनाते थे, ठीक, माध्यम भी आ चुका है। उसके अलावा राइडिंग बाइक्स कौन रहेंगे, तो नेक्स्ट है राइडिंग बाइक्स, कौन से आर्टिस्ट रहेंगे, तो राइडिंग बाइक्स। उसके अलावा कौन है, तो रॉबर्ट रोसेनबर्ग, कौन रहेंगे, तो रॉबर्ट रोसेनबर्ग, रॉबर्ट रोसेनबर्ग रहेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट है लेरी लिबर्स, कौन रहेंगे, तो लेरी लिबर्स का नाम आता है, लेरी लिबर्स। उसके पश्चात है आपके रॉयल चेस्टाइन, कौन आते हैं, रॉयल चेस्टाइन, रॉय लिचेस्टाइन, रॉय लिचेस्टाइन का नाम आता है, लिचेस्टाइन, ठीक है, रॉयल लिचेस्टाइन, ये प्रमुख कलाकार हैं। इसके अलावा एक क्लेस ओल्डनबर्ग का नाम भी आता है। तो वाद कौन सा पॉप आर्ट या पॉपुलर आर्ट कब हुआ प्रारंभ, 1952 ईस्वी में। जन्म कब हुआ, इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था, प्रसिद्धि अमेरिका में मिली है। चित्रकार हैमिल्टन, संस्थापकों में वास्तुकार एलिसन व स्मिथसन रहेंगे, मुख्यतः हैमिल्टन का नाम याद रखना। अन्य कलाकारों में एंडी वरहोल, राइडिंग बाइक्स, रॉबर्ट रोसेनबर्ग, लेरी लिवर्स या उसके अलावा आपका लॉय लिचेस्टाइन, ठीक है। एक लास्ट और कलाकार, वैसे बहुत सारे कलाकार समूह हैं, एक और लिख लीजिएगा, वो लास्ट रहेगा आपका, जिसको हम कहते हैं एक्शन पेंटिंग, जो पूर्णतः आधुनिक रहता है आपका, आजकल बहुत ज्यादा चर्चित रहता है एक्शन पेंटिंग, कौन सा रहेगा। नेक्स्ट है एक्शन पेंटिंग, एक्शन पेंटिंग को क्या कहा जाता है, तो एक्शन पेंटिंग को कहा जाता है क्रियात्मक चित्रण, क्या कहा जाता है, एक्शन पेंटिंग को ही कहा जाता है क्रियात्मक चित्रण। तो एक्शन पेंटिंग या क्रियात्मक चित्रण कब पनपा, कहाँ पनपा, तो ये आपका जो पनपा है एक्शन पेंटिंग, ये मुख्यतः पनपेगा आपका कहाँ पे, तो लिख लीजिएगा एक्शन पेंटिंग का जो संबंध रहेगा वो मुख्यतः 20वीं सदी, 1950 का समय रहता है, आप सीधे 20वीं सदी याद करिएगा, क्योंकि इसके सदी आती है हमेशा, 20वीं सदी ईस्वी का समय आता है एक्शन पेंटिंग, जिसको हम क्रियात्मक चित्रण कहते हैं, 1950 में पनपा, या 1920वीं सदी ईस्वी सही होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से संबंधित रहेगा, ये अमेरिका से संबंधित है, देश कौन सा रहेगा, अमेरिका से संबंधित है। संस्थापकों में यहाँ पर एकमात्र मुख्य कलाकार का नाम आएगा जैक्सन पोलाक, कौन रहेगा, तो जैक्सन पोलाक का नाम रहेगा। संस्थापक में एक्शन पेंटिंग को क्रियात्मक चित्रण कहते हैं, कौन से जगह पनपेगा, अमेरिका में 1950 में 20वीं सदी ईस्वी प्रमुख रहेगा, जैक्सन पोलाक प्रमुख रहेंगे, ठीक है, जैक्सन पोलाक प्रमुख कलाकारों में आते हैं। उसके अलावा अन्य कलाकार भी, उनके भी नाम देख लीजिएगा, जैसे ये ना तो चित्र प्रमुख आएगा ना घोषणा पत्र आएगा, वैसे तो पोलाक के बहुत चित्र हैं, लेकिन जैक्सन पोलाक के चित्र लिखे नहीं जाएंगे कोई यहाँ पे। आगे देखिए कौन कौन से कलाकार आते हैं, तो हांस हॉफमैन, कौन आते हैं, जैसे हांस हॉफमैन, हांस हॉफमैन का नाम आता है, ये प्रमुख कलाकारों में है। उसके अलावा रॉबर्ट मदरवेल, कौन रहेंगे, तो रॉबर्ट मदरवेल, रॉबर्ट मदरवेल का नाम आता है। नेक्स्ट कौन से रहेंगे, रॉबर्ट मदरवेल के पश्चात है विलियम डी कुनिंग, कौन रहते हैं, विलियम डी कुनिंग, विलियम डी कुनिंग, इनको पीछे भी आप लिख चुके हैं मूर्तभंजनाबाद में, विलियम डी कुनिंग। उसके अलावा है अलेक्जेंडर रोथैको, ये बहुत फेमस रहेंगे, अलेक्जेंडर रोथैको, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर रोथैको। इसमें देखिए जब दो, ये आधुनिक काल की जब कला को पढ़ते हैं अमेरिका में, तो दो ग्रुप बने थे, एक बना था आपका एक्शन पेंटिंग जो क्रियात्मक चित्र, एक बना था कलर फील्ड पेंटर। तो ये जो अलेक्जेंडर रोथैको है ये कलर फील्ड पेंटर है, और ये आपके जो रहेंगे ये एक्शन पेंटर रहेंगे, जैक्सन पोलाक। तो ये प्रमुख कुछ कला आंदोलन थे आपके, जैसे एक्शन पेंटिंग, क्रियात्मक चित्रण, 1950 20वीं सदी ईस्वी अमेरिका में पनपा, जैक्सन पोलाक प्रमुख रहे हैं। आगे देखिए उसके अलावा, जैक्सन पोलाक के अलावा जैसे कौन से कलाकार यहाँ पे संबंधित रहे हैं, मुख्य तो जैक्सन पोलाक रहेंगे, तो हांस हॉफमैन, रॉबर्ट मदरवेल, विलियम डी कुनिंग, अलेक्जेंडर रोथैको, ये सब प्रमुख कलाकार। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे स्थापित कलाकार है नव यथार्थवाद, कंप्यूटर कला, वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा है। तो ये संपूर्ण वेस्टर्न, इसके पहले का अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है, क्लास नहीं देखी है, वो क्लास ज्यादा लंबी चली थी, लगभग 4 घंटे के करीब चली थी, उसको जरूर देखिए, तभी आप पूरा वेस्टर्न का सार है। कभी भी कोई भी बेस उठाता है 100% से और आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से देखें, सभी लोग, और उसके अलावा और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, जैसा भी अगर कोई गलती हुई है कुछ बताएं, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश है अच्छा से अच्छा देने का, और शायद आगे इस तरीके की इतनी बड़ी क्लास लाइव ना ले सकें, लेकिन वीडियोस धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि इतना समय की व्यस्तता है तो वीडियो लाइव करना मुश्किल होगा। वेस्टर्न ज्यादा जरूरी था क्योंकि अभी उत्तराखंड का एग्जाम लगा था हमारे बच्चों का, जो क्लास में है उनका भी एग्जाम लगा था, नेट का भी एग्जाम है, तो वहां पे पॉसिबल नहीं था उन चीजों को करना, तो उन सभी के लिए, मुख्यतः उन्हीं के लिए आपका जो रहता है। तो बाकी सभी लोग उसको शेयर करें, लाइक करें, तो आगे जैसा भी होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा, वीडियो जो आपको समय समय मिलती रहेगी, जैसे भी समय की व्यस्तता नहीं होती, क्योंकि बहुत सारा और भी काम है, इसी के सहारे नहीं चलता है, कुछ बहुत सारे काम रहते हैं, तो जैसे ही समय मिलता है वैसे ही उसको कराया जाएगा,
बाकी सभी लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें जैसा भी हो, और अपनी तैयारी करते रहें ऐसे ही कोविड के, और बच के रहे, सुरक्षित रहे कोविड में, घर पे पढ़ते रहे, ठीक है? बिल्कुल पढ़ाई पे बिल्कुल दुविधा नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल ये चीजें है कि पहले तो खुद सुरक्षित होंगे, जब खुद सुरक्षित रहेंगे तो पढ़ाई भी हो सकती है, ठीक है? तो सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जैसा जो कुछ हो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप ले लीजिएगा, आदेश गुरुकुल, पहले भी मैं दे चुका हूँ कॉन्टेक्ट नंबर, आदेश गुरुकुल के नाम से, वैसे आदेश कुमार नाम है लेकिन गुरुकुल के नाम से संस्था, इसीलिए आदेश गुरुकुल ही चलता है, 8601-08-3807 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर सब यही है, ठीक है? तो अगर किसी को कोई समस्या होती है तो कॉन्टेक्ट, पहले तो मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे अगर कोई समस्या होती है, टेलीग्राम भी मेरा इसी नंबर से है, ठीक है? तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और जुड़े रहें, आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, धन्यवाद जो आपने इतना समय में दिया, धन्यवाद।